Allahumma salli Muhammad. Dear students, assalamu alaikum, rahmatullahi wa I welcome you all in these exams, focus revision sessions, February 2023. Today, we are conducting the second and the final session on CAF 8, Audit and Assurance. The timings of today's session would be from 6 p.m. to 9 p.m with break of 15 minutes from 7:30 to 7:45 these sessions are available at iCAP houses karachi lahore islamabad faisalabad multan gujranwala peshawar and quetta the students of other cities and abroad can join us using iCAP students facebook page which is icap.ca students the students on facebook page can ask their questions in comment section and on a whatsapp number 0308 165 9703 the students on facebook page can ask their questions in comment section and on a whatsapp number 0308 165 9703 the material being used today will be available through a link in comment section of this video, of this session on our facebook page. this link will be pinned so that students can find it easily. we are lucky enough that we have mr. Jamshed akhtar with us for this session. mr. Jamshed akhtar is associate member of icap and pifa. he is also a faculty member at one of the leading breed in lahore. He has more than six years of relevant experience. He is currently working as a head of internal audit at FC College University, Lahore. He is also certified internal controller, SICA, USA. Please welcome Sir Jamshed Akhtar. Sir, please. Thank you, sir. Thank you. अस्सलाम <coughs> वालेकुम जी आई वेलकम यू ऑल जी वंस अगेन आज हमारा लास्ट सेशन सेकेंड लास्ट सेशन है ऑडिट का कैफ एट तो थोड़ा सा अपना एनर्जी लेवल स्ट्रॉन्ग रखना है आज काफ़ी हेफ्टी एजेंडा है हमारा जो आज हम कंप्लीट करेंगे एंड एट द एंड ऑफ द सेशन इंशाल्लाह इन टर्म्स ऑफ मार्क्स हम 80 टू 90 परसेंट अपना कोर्स कवर करेंगे आज ठीक है जी <coughs> चलें जी सेशन स्टार्ट करने से पहले किसी का कोई क्वेश्चन एनी क्वेरी चल लेट्स स्टार्ट जी एज प्रमिस्ड येस्टरडे मैंने आपसे बात की थी कि एक लिस्ट ऑफ कॉमनली यूज सेफ मैं आप लोगों से शेयर करूंगा और ये सेफ़ जो हैं इनको आप विद लिटिल बिट ट्विकिंग यू कैन यूज़ इन वेरियस नरियोज़ जब आप इनको रीड करेंगे यही सेफ़ हैं जो 80 परसेंट ऑफ़ द टाइम आपके क्वेश्चन में यूज़ हो रहे होते हैं लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इन सेफ को हर जगह पे आपने फिट इन करने की कोशिश करनी ऐसा नहीं करना आपने बेसिकली रेलिवेंट सेफ़ देखने और ये अराउंड नाइनटीन सेफ गार्ड्स हैं अब देखिए मैं कोई सेफ गार्ड रीड करता हूं एंड आप रिकॉल करने की कोशिश कीजिएगा कि कौन से सिनेरियो में यह सेफ गार्ड यूज हो सकता है फॉर एग्जाम्पल जी लास्ट डिस्पोजिंग एज सुन एज प्रैक्टिकल प्रैक्टिकेबल ऑफ ऑल शेयर्स बाय क्लोज फैमिली मेंबर्स ये एक सेफ गार्ड है जी और यह कब रेलिवेंट होगा जब फैमिली मेंबर शेयर होल्डिंग होगी और उसकी वजह से एक ऐसा रिस्क राइज हो रहा होगा जो एक्सेप्टेबल नहीं है कोई और रीड करते हैं जी आज द इंडिविजुअल टू नोटिफाई द फॉर्म व्हेन एंट्रिंग सीरियस इंप्लॉयमेंट निगोसिएशन विद एश्योरेंस क्लाइंट यह स्नैरियो हमने कल डिस्कस किया था कि एक पोटेंशियल जो है वो आ, आपकी एम्प्लॉयमेंट है तो इस केस में सेफ गार्ड है कि जब भी आपको ऑफर हो रही हो आप चाहे एक्सेप्ट करें या ना करें यू हैव टू डिस्क्लोज़ दिस ऑफर टू द फर्म जी कोई और रीड करते हैं रोटेटिंग सीनियर अश्योरेंस टीम पर्सनल कहां यूज करेंगे जी कौन सा थ्रेट होगा फेमिलियारिटी राइट फेमिलियरिटी जी उसके बाद कोई और रीड करते हैं जी अ रिव्यू ऑफ एनी सिग्निफिकेंट जजमेंट मेड बाय द इंडिविजुअल वाइल ऑन द टीम एक इंडिविजुअल के हवाले से आपको थ्रेट है आप उसका रिव्यू परफॉर्म कर रहे हैं यह रिव्यू फिमिलियरिटी थ्रेट में भी हो सकता है सेल्फ रिव्यू थ्रेट में भी हो सकता है राइट सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट में भी हो सकता है अगर उसको एम्प्लॉयमेंट ऑफर हुई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट तो आप उसका काम रिव्यू भी करते हैं आप वहां पे भी इसको यूज कर सकते हैं हैविंग अ चार्टेड अकाउंटेंट हु नॉट मेंबर ऑफ द अश्योरेंस टीम रिव्यू द दश्योरें वर्क परफॉर्म्ड बाय अदर बाय और अदरवाइज एडवाइज एज नेसेसरी आपको पता है दो तरह के रिव्यू होते हैं जी ऑडिट के दो तरह के रिव्यू होते हैं एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है ये एज ए सेफ गार्ड बात कर रहा हूं ये एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में हम एक्सटर्नल रिव्यू परफॉर्म करवाते हैं जब थ्रेट बहुत ही सिग्निफिकेंट हो और इंटरनल रिव्यू से वो एक्सेप्टेबल लेवल पे रिड्यूस ना हो रहा हूं अदरवाइज हम इंटरनल रिव्यू परफॉर्म करवा देते हैं और इंटरनल रिव्यू क्या होता है कि आप किसी भी और चार्टर्ड अकाउंटेंट को इन्वॉल्व कर लेते हैं जो इस ऑडिट में पहले इन्वॉल्व ना हो राइट right? तो ये सेफ हैं जी ये मैं अपलोड कर दूंगा जहाँ पे आपकी सारी आ, डेटा होगा फाइल्स होंगी जो इस सेशन से रिलेटेड है आज अपलोड हो जाएंगी तो ये वहां पे है इसको आपने याद नहीं करना जब भी आपने कोड ऑफ एथिक्स के क्वेश्चंस करने हैं इसको एक दफा आपने रीड कर लेना और रीड करने के बाद इनको अप्लाई करना क्लियर जी यहां तक कोई क्वेश्चन जी इसके हवाले से कोई क्वेरी आपकी चलें चलें जी अपने सेवन हंड्रेड या चैप्टर फोर्टीन की तरफ आते हैं जी चैप्टर फोर्टीन चैप्टर फोर्टीन में सेवन जीरो वन हमने डिस्कस किया था सेवन जीरो वन में आए जी जरा इसका अब थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं कि एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है और किस तरह से क्वेश्चन फ्यूचर में पूछे जा सकते हैं मैंने कल थोड़ा सा आपको बताया था कि एग्जामिनर इस टॉपिक में एडवांस एरियाज़ को अब टच कर सकता है क्योंकि जो कॉमनली आस्क्ड एरियाज़ हैं वो उसने पूछ ली है। अभी तक उसकी जो टेस्टिंग है आई एस ए सेवन ज़ीरो वन में वो टेस्टिंग है कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टैंडर्ड तो कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ आई एस उसने आपसे टेस्ट कर लिया हुआ है ये है जी 14.2 अगर आप इसमें देखेंगे ये बेसिकली मैं क्वेश्चन बैंक यूज कर रहा हूँ अगर आप क्वेश्चन देखेंगे स्प्रिंग 19 का ये आपके सामने रेफरेंस भी है स्प्रिंग 19 का क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन क्वेश्चन है बेसिकली कोर कॉन्सेप्ट कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आई एस ए राइट अब देखें रिस्पॉन्ड द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन इन द लाइट ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट इज रेवेन्यू इन रेवेन्यू वॉज कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट रिस्क एंड वॉज ऑल्सो कम्युनिकेटेड टू दो चार्ज विद गवर्नेंस डिस्कस वेदर इट शुड बी इंक्लूडेड इन द की ऑडिट मैटर सेक्शन तो बेसिकली डेफिनेशन की टेस्टिंग है यहाँ पे कि की ऑडिट मैटर सेक्शन में कौन से थ्री पॉइंट्स मीट हों तो एक मैटर आप की ऑडिट मैटर बना सकते हैं राइट right? तो यहां पे उसने दो बातें कर दी उसने सिग्निफिकेंट ठीक है जी सिग्निफिकेंट रिस्क होना जो है वो काफी नहीं है सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन जो है वो इसमें सेकेंड फैक्टर भी है वो वो भी आप डिस्कस करेंगे और यहां पर करंट होना चाहिए एंड कम्युनिकेटेड होना चाहिए नो सच मैटर अरोज ड्यूरिंग द ऑडिट विच नीड्स टू बी प्रिपेयर रिपोर्टेड एज की ऑडिट मैटर

इज इट अप्रोप्रिएट टू डू सो नो बहुत ही सिंपल सा कोर कॉन्सेप्ट 2019 में ये क्वेश्चन उसने पूछा है और इससे पहले एक क्वेश्चन उसने पूछा था वो भी सिंपल था एक और बात आपने याद रखनी है कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी जो है वो नॉर्मली अगर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी अप्रोप्रिएटली अप्लाई हुई है एज पर आई एस एट तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नॉर्मली की ऑर्डिट मैटर में इंक्लूड इसको आप करते हैं राइट right? जहाँ पे भी स्नैरियो हो स्नैरियो हो और उसमें चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी अप्रोप्रिएट हो अप्रोप्रिएटली अकाउंटेड फॉर हो एज पर आई एस एट यू कैन इंक्लूड दैट मैटर इन की ऑडिट मैटर उसके लिए डेफिनेटली आप थोड़ी सी जस्टिफिकेशन आपको देनी होगी राइट right? तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इसका इसका क्वेश्चन एग्जामिनर मिक्स करेगा 705 के साथ राइट right? वो एक स्नैरियो बनाएगा वो कहेगा जी ड्यूरिंग द ईयर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हुई आप बताएं कि अगर अकाउंटिंग पॉलिसी या उसमें वो कोई ऐसा ऐड करेगा सिचुएशन के जिसमें अकाउंटिंग पॉलिसी अप्रोप्रिएटली अकाउंट फॉर ना हो रही हो चेंज ना हो रही हो तो आपको कहेगा जी आप अपना कोर्स ऑफ एक्शन बताएं तो आप कहेंगे अगर तो अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई इशू है देन क्वालिफाइड ओपिनियन अदरवाइज वी कैन कंसीडर इट इंक्लूडिंग इन अ की ऑर्डेट मैटर सेक्शन तो की ऑडिट मैटर सेक्शन को मैं कर रहा हूं इस पे क्वेश्चन जो है आपके पास ट्रेडिशनल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अवेलेबल है ये दो तीन क्वेश्चंस जो हैं, जो कि उसने एक दफा रिपोर्ट के साथ पूछा है और एक दफा उसने कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आई एस ए जो है वो आपसे पूछे इसके अलावा क्या टेस्टिंग हो सकती है इसके अलावा डिस्क्रिप्शन ऑफ की ऑडिट मैटर इन डिफरेंट स्नेरियोज जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था कि की मैटर सेक्शन कैसे चेंज हो सकता है यह क्वेश्चन हो सकता है और एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन हो सकता है ड्राफ्टिंग ऑफ की ऑर्डिट मैटर में यह दो बातें याद रखनी है राइट तो एग्जामिनर के नेक्स्ट स्टेप को थोड़ा प्रिडिक्ट करने की कोशिश किया करें आपने देखा है कि पेपर में हमेशा कोई ना कोई नए फॉर्मेट का क्वेश्चन आता है एस स्टैंडर्ड में से ऐसी जगह से आता है जो पहले टेस्ट ना हुई हो राइट सो दिस वॉज ऑल अबाउट आई एस ए सेवन जीरो सेवन जीरो वन थैंक यू जी क्वेटा से आंसर आया थैंक यू सेवन जीरो वन लेट्स डिस्कस क्विकली सेवन जीरो फाइव सेवन जीरो फाइव की कोर अंडरस्टैंडिंग जी आप लोगों को पता है राइट right? मैं क्विकली इसका वॉक थ्रू करवा देता हूं और उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं और देखते हैं कि इन क्वेश्चंस में क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जिनका आपने ख्याल रखना है जी 705 मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन यू मॉडिफाई ओपिनियन ड्यू टू टू रीजंस एक रीजन ये हो सकती है कि ऑडिट एविडेंस आपको ओब्टेन हो गया मिल गया बट मटेरियल में स्टेटमेंट एग्जिस्ट एंड सेकेंड स्नेरियो ये हो सकता है कि यू आर अनएबल टू ऑबटेन ऑडिट एविडेंस सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस राइट अगर ऑडिट एविडेंस आपको रिसीव हो गया पहले इसको करते हैं जी डिस्कस बट मटीरियल में स्टेटमेंट एग्जिस्ट तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि वट इज मटीरियल में स्टेटमेंट सो वॉट इज मटीरियल में स्टेटमेंट अभी तक जो आप जब चैप्टर 14 से पहले होते हैं तो टीचर आपको बता रहे होते हैं कि मटीरियल स्टेटमेंट एरर्स या फ्रॉड हो सकते हैं आसान अल्फाज में बता रहे होते हैं लेकिन 705 जीरो फाइव इन्हीं एरर्स या फ्रॉड को थ्री कैटेगरीज में डिवाइड करता है right? राइट थ्री कैटेगरीज क्या है कि मटीरियल स्टेटमेंट को डककर इन सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी और इन एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी और इन एडिक्वेसी ऑफ डिस्कलोयर आपने अकाउंटिंग पॉलिसी सही नहीं सिलेक्ट की यह भी मटीरियल स्टेटमेंट हो सकती है सिलेक्शन ठीक होगी एप्लीकेशन नहीं ठीक हुई और इसके अलावा डिस्कलोयर जो है वो आपके अप्रोप्रिएट <coughs> नहीं है राइट right? तो ये नीचे इनकी एक्सप्लेनेशन है ये आप खुद रीड कीजिएगा और इसके ऊपर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है कि सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी में मटेरियल में स्टेटमेंट किस तरह से हो सकती है तो ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन भी इस पर आ सकता है अब मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन कैसे करेंगे जी मटीरियल स्टेटमेंट वेन मटीरियल एग्जिस्ट एंड इफ इट इज ओनली मटीरियल देन वी विल इशू क्वालिफाइड ओपिनियन इफ इट इज मटीरियल एंड प्रोवेसिव देन एडवर्स ओपिनियन ना वॉट इज प्रोवेसिव प्रवेसिव को आप थ्री डिफरेंट एवेन्यूज में डिस्कस कर सकते हैं राइट थ्री डिफरेंट एवेन्यूज में फर्स्ट एवेन्यू या फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोवेसिव में स्टेटमेंट यह होती है कि वो मल्टीपल एलिमेंट्स ऑफ या अकाउंट बैलेंस एंड क्लासेज ऑफ ट्रांजेक्शन को इफेक्ट कर रही होती है मैं स्टूडेंट्स को समझाने के लिए वर्ड यूज करता हूं कैंसर राइट right? जब बॉडी में कैंसर होता है तो वो किसी एक बॉडी बॉडी uh, के किसी एक हिस्से को इफेक्ट नहीं करता मल्टीपल एरियाज को इफेक्ट करता इसी तरह परवेसिव स्टेटमेंट इज लाइक कैंसर ये आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के मल्टीपल पार्ट्स को इफेक्ट करेगा अकाउंट बैलेंस को भी इफेक्ट कर रहा होगा मल्टीपल को मल्टीपल क्लासेज ऑफ ट्रांजेक्शन मल्टीपल डिस्कलोजर्स राइट इसकी क्लासिक एग्जाम्पल है इन अप्रोप्रिएट कंसोलिडेशन आपके अकाउंट बैलेंस एंड क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन सारी इसमें इफेक्ट हो रही होती है राइट right? तो एक आपकी प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट इस तरह से हो सकती है सेकेंड टाइप ऑफ प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट ये है कि अगर ये किसी ये मल्टीपल एलिमेंट्स को इफेक्ट नहीं कर रहा तो किसी एक आइटम को इफेक्ट कर रहा होगा बट वो आइटम सिग्निफिकेंट होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आइटम जो है वो सिग्निफिकेंट होगा जैसे मैं इसके लिए एग्जाम्पल देता हूं अज्यूम करें कि बिल्डिंग्स लीज़ पे हैं, तो इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सबसे बड़ी आइटम क्या होगी लीज पे है लीज के अलावा एसेट्स में इन्वेंट्री राइट इनवेंट्री वुड रिप्रेजेंट एटलीस्ट एटी नाइनटी परसेंट ऑफ एसेट्स ठीक है तो अगर इन्वेंट्री ही इतना सिग्निफिकेंट पोर्शन है और उसी में मिसस्टेटमेंट है तो हम यह तो नहीं कह सकते एक्सेप्ट इन्वेंट्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू राइट तो हमें कहना पड़ेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू आप कभी भी 80, 90 परसेंट को साइड पे करके ये नहीं कह सकते कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू सो सेकेंड कैटेगरी ऑफ प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट क्या है कि ये एक, एक ही अकाउंट एलिमेंट को इफेक्ट कर रही हो या क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन को कर रही हो और वो सिग्निफिकेंट हो तो इन माई ओपिनियन अगर नेट एसेट्स या एसेट्स का 50% परसेंट एंड अबव हो तो ये सिग्निफिकेंट है वैसे स्टैंडर्ड 90% परसेंट पे कहता है लेकिन एग्जामिनर अगर स्नेरियो बनाए और एसेट 50% परसेंट एंड अब मे स्टेटमेंट हो यू कैन कंसिडर दोज स्टेटमेंट एज परवेसिव थर्ड कैटेगरी में परवेसिवनेस ये होती है कि ये कोई ऐसा डिस्कलोजर होगा विच इज फंडामेंटल फॉर यूजर्स अंडरस्टैंडिंग इस डिस्क्लोजर के बगैर यूजर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट की समझ ही नहीं आनी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐसा कौन सा डिस्क्लोजर है विच इज फंडामेंटल फॉर यूजर्स अंडरस्टैंडिंग बेसिस फॉर प्रिपरेशन अगर आप फ्रेमवर्क ही ना लिखें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये आई के अकॉर्डिंगली बनी हुई है ये यूएस गैप्स के अकॉर्डिंगली बनी हुई है ये लोकल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली बनी हुई है तो ये थ्री कैटेगरीज में प्रवेसिव हो सकता है और आपके एग्जामिनर ने प्रवेसिव टेस्ट किया हुआ है दो के थोड़ा सा वो वीक क्वेश्चन है वीक है अभी हम लोग डिस्कस भी करेंगे बट ही कैन अगेन रीटेस्ट और टेस्ट प्रवेसिव मिस स्टेटमेंट एक दो साल पहले तो प्रवेसिव को अभी टेस्ट भी नहीं हुई थी प्रवेसिव क्लियर है जी तो प्रवेसिव के केस में आप क्या करेंगे जी यू विल इशू एडवर्स ओपिनियन इसको भी मैं पेंडिंग कर रहा हूं मल्टीपल अनसर्टेनिटीज का केस इसको मैं एंड पे बताता हूं आए जी अब क्या है जी आपका नेक्स्ट एरिया है कि स्कोप लिमिटेशन है या अनएबल टू ऑबेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस तो आपको पता होना चाहिए कि इनएबिलिटी कैसे हो सकती है फर्स्ट पॉइंट है इसमें बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एंटिटी किसी के कंट्रोल में ना हो रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हो गया कोई अथॉरिटीज uh, उठा के ले गई सीज हो गया नेचर एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट ही ऐसी थी कि आप ऑडिट नहीं कर सके उस पर्टिकुलर एरिया का आपकी अपॉइंटमेंट लेट हुई आप फिजिकल स्टॉक काउंट नहीं कर सके इस तरह की बातें हैं जी और इम्पोज बाय मैनेजमेंट के मैनेजमेंट ने कहा कि जी हम इस एरिया को आपको ऑडिट नहीं करने देंगे ठीक है जी इसके लिए नॉर्मली जो वर्ड यूज होता है वो होता है स्कोप लिमिटेशन वेन इट इज इम्पोज बाय मैनेजमेंट राइट तो स्कोप के लिमिटेशन के केस में क्योंकि अब आप, आप वो एरिया ही ऑडिट नहीं कर सके तो आप वर्ड यूज करते हैं पॉसिबल इफेक्ट ऑफ अनडिटेक्टेड में यानी ये एक ऐसी भी स्टेटमेंट है जो हम अनडिटेक्ट नहीं कर सक डिटेक्ट uh, नहीं कर सके एंड इट्स पॉसिबल इफैक्ट इफ मटीरियल क्वालिफाइड मटीरियल एंड प्रोसिव डिस्क्लेमर मटीरियल एंड प्रोसिव का यहाँ पर भी सेम ही मीनिंग है जो मैंने आपको पहले बताया अब देखें मल्टीपल अनसर्टेनिटीज ये काफ़ी रेयर सर्कमस्टांसेस होती हैं जिसमें आपको सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल जाता है बट यू आर स्टिल अनएबल टू एक्सप्रेस ओपिनियन आप डिस्क्लेमर देते हैं और उसकी रीजन ये होती है कि मल्टीपल अनसर्टेनिटीज बहुत होती हैं तो इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी अवेलेबल है उसकी शायद आप लोगों ने रिपोर्ट देखी हो हैसकोल की राइट तो उसमें डिस्क्लेमर है और उसमें मल्टीपल अनसर्टेनिटीज हैं मैं वो अटैच कर दूंगा उसको आप देख लीजिएगा अच्छा एग्जाम्पल्स पे जाने से पहले क्विकली बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ ये पैरा एग्जामिनर आपसे ड्राफ्ट करवा सकता है या इसमें से मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करवा सकता है तो आपको पता होना चाहिए कि वैन यू आर ड्राफ्टिंग बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन पैरा तो उसमें क्या इसेंशियल फीचर्स हैं जो होने चाहिए अगर तुम मिस्टेटमेंट मटीरियल मिस्टेटमेंट जो है वो अमाउंट या क्वान्टिटेटिव डिस्कलोजर पर है तो आपने क्वान्टिफिकेशन ऐड करनी है क्वान्टिफिकेशन का मतलब नंबर्स आपने बताना है कि इतनी अमाउंट की मिसस्टेटमेंट है एसेट्स इतने से ओवर स्टेटेड हैं लाइबिलिटी इतने से अंडरस्टेटेड है अमाउंट या नंबर देना है नंबर नहीं देंगे पूरे एग्जाम पूरे क्वेश्चन आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर ये क्वालिटेटिव डिस्क्लोजर है तो फिर आपने बताना है कि डिस्क्लोजर कैसे मिसस्टेटेड है और अगर डिस्क्लोजर ओमिट हुआ, हुआ हुआ है राइट थर्ड पॉइंट इज दैट मिसस्टेटमेंट इज रिलेटेड टू नॉन डिस्क्लोजर तो फिर आपने देखना है कि डिस्क्लोजर है क्या इसकी नेचर बतानी है बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में और अगर आपको लॉ ने नहीं रोका तो आप यह डिस्क्लोजर बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन सेक्शन में प्रेजेंट कर सकते हैं और यह एग्जामिनर ने टेस्ट किया हुआ है राइट तो यह आपको पता होना चाहिए कि बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन सेक्शन को आपने कैसे ड्राफ्ट करना है इसके बाद है आपका कोर्स ऑफ एक्शन ये आ, काफी दो तीन बड़े पैराग्राफ्स हैं आपकी आई के के बुक में इट इज कोर्स ऑफ एक्शन व्हेन देयर इज अ स्कोप लिमिटेशन जब मैनेजमेंट स्कोप लिमिटेशन इम्पोज करेगी तो आपका क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा राइट right? तो कोर्स ऑफ एक्शन आपका यहां से स्टार्ट होता है कि ये ऐसी स्कोप लिमिटेशन है जिसकी वजह से आप यू माइट बी इशूइंग डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन राइट तो आपने क्या करना है यू विल रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू रिमूव स्कोप लिमिटेशन मैनेजमेंट अगर डिसएग्री करती है यू विल रिक्वेस्ट टू चार्ज विद गवर्नेंस अगर फिर भी कुछ नहीं होता तो आप देखेंगे कि क्या आप सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस थ्रू ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स ऑप्टेन कर सकते हैं इफ आंसर इज यस परफॉर्म प्रोसीजर्स कंप्लीट ऑडिट स्कोप लिमिटेशन रिमूव हो गई राइट right? अगर इसका आंसर नो no है तो फिर आपने देखना है कि क्या यह मटीरियल है या प्रवेसिव है इसकी वजह से जो पॉसिबल मिस्टेटमेंट है अगर प्रवेसिव है क्वालिफाई कर दें ओपिनियन अगर प्रवेसिव भी है एंड मटीरियल uh, भी है एंड प्रवेसिव भी है तो फिर डिस्क्लेमर देने से पहले देखें कि क्या आप विदड्रॉ कर सकते हैं यह आपको पूरा जो कोर्स ऑफ एक्शन है यह याद होना चाहिए एग्जामिनर इसी तरह से ही पूछेगा किसी भी पॉइंट पे यहां से हो सकता है वो आपको क्वेश्चन बनाए आपके लिए अगर आप विदड्रॉ कर सकते हैं इसका आंसर यस yes है तो विदड्रॉ कर जाएं दो चार्ज विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट करें और रेगुलेटर को कम्युनिकेट करें अगर आप विदड्रॉ नहीं कर सकते तो क्या रीजन है किस रीजन की वजह से नहीं कर सकते एक रीजन यह हो सकती है कि आपने सब्सटेंशली ऑडिट कंप्लीट कर लिया आप दो तीन महीने बैठे रहे उसके बाद विदड्रॉ करने देर इज नो पॉइंट ऑफ विदड्रॉइंग तो आप क्या करेंगे यू विल इशू डिस्कलेमर ऑफ ओपिनियन लेकिन अगर आपको लॉ नहीं विदड्रॉ करने दे रहा then you will issue disclaimer of opinion and you will include other matter para clear ji ek aur area hai jo abhi tak test nahi hua it is also part of your syllabus aur wo ye hai ki agar aap adverse opinion de rahe ho kisi pervasive matter pe de rahe hai na और एक ऐसा matter है जिसपे qualified opinion भी बन सकती है तो क्या आप ये matter भी communicate करना चाहेंगे बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में यस yes, नो no. आप एडवर्स ओपिनियन दे रहे लेट्स से कंसोलिडेशन नहीं ठीक हुई भी आपने एडवर्स ओपिनियन दे दी इन्वेंट्री में मटीरियल में स्टेटमेंट है वो भी बताना चाहेंगे बताना चाहेंगे बताएंगे जितनी ऐसी स्टेटमेंट होंगी पे सेपरेटली क्वालिफाइड ओपिनियन बन सकती है यानी मटीरियल में होंगी वो आप बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन पैरा में सारी ऐड करते हैं तो जो अभी मैं आपको रिपोर्ट बता रहा था हेस्कोल की अगर आप उसको जाके देखेंगे तो उसमें कोई ट्वेल्व टू फोर्टीन मैटर्स हैं बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में राइट right? तो जितने मैटर्स पे सेपरेट क्वालिफाइड ओपिनियन बन सकती है वो आप प्रेजेंट करते हैं इन केस ऑफ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन नो की ऑडिट मैटर एंड अच्छा इसको इग्नोर करें ये आपके कोर्स का पार्टी नो की ऑडिट मैटर ये हमने बात कर लिया चले जी 705 कंप्लीट हुआ रिपोर्ट्स पे जाने से पहले आप लोग मुझे बताएं इसमें आपको इस स्टैंडर्ड में किसी तरह की कंफ्यूजन कोई क्वेश्चन आपका जी कोटा से एक यस आंसर आया है बिकॉज रिपोर्ट इज फॉर यूजर्स अंडरस्टैंडिंग चलें आई होप कि इसी का यस yes होगा जो आखिरी क्वेश्चन था मेरा जी एनी क्वेश्चन चले अच्छा अब मुझे आप ये बताएं कि अगर मैं आप लोगों से कंपैरिजन पूछूं कि एक अन रिपोर्ट और एक ऐसी रिपोर्ट जिसमें क्वालिफाइड ओपिनियन होती है उसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं आप आइडेंटिफाई कर लेंगे आपने इस तरह कभी रिपोर्ट को देखा क्वालिफाइड रिपोर्ट या ऑडिटर्स रिपोर्ट हैविंग क्वालिफाइड ओपिनियन एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट कंटेनिंग डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन डिफरेंसेज आइडेंटिफाई कर लेंगे राइट right? नहीं कर सकते तो आपने ये डिफरेंसेस आइडेंटिफाई करने आ जाके ठीक है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन और क्वालिफाइड ओपिनियन में मेजर डिफरेंसेस क्या होते हैं एक तो लिखा होता है स्टार्ट में वी वर इंगेज टू ऑडिट क्वालिफाइड में या अन रिपोर्ट में आप कहते हैं वी हैव ऑडिटेड राइट तो ये आपको पता होना चाहिए और मेजर डिफरेंसेस ये तो बहुत ही बारीक सा डिफरेंस था मेजर डिफरेंस की ऑडिट मैटर नहीं आएगा और मेजर डिफरेंस ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज का सेक्शन बिल्कुल रिड्यूस हो जाता है श्रिंक हो जाता है बिल्कुल छोटी सी एक छोटा सा पैराग्राफ हम ऐड करते हैं। इसके अलावा बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन सेक्शन में हम जो एक स्टैंडर्ड्स पैराग्राफ दे रहे होते हैं वो इंक्लूड नहीं करते बेसिस फॉर एडवर्स बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सेक्शन में टू पैराग्राफ्स होते हैं वैसे जब आप क्वालिफाइड ओपिनियन दें या एडवर्स ओपिनियन दें एक स्टैंडर्ड पैराग्राफ होता है एक वो पैरा होता है जिसमें हम मेंशन करते हैं कि स्टेटमेंट क्या है जब आप डिस्क्लेमर देते हैं तो डिस्क्लेमर में सिंगल पैरा आता है और वो कौन सा पैरा होता है जिसमें ये रीजन लिखी होती है कि डिस्क्लेमर क्यों दे रहे हैं दूसरा पैरा नहीं आता तो ये डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए ये एग्जामिनर ने पूछे हुए हैं ये भी राइट right? तो अभी टाइम नहीं है बट आई विल सी कि अगर इसकी कोई समरी बना सकता हूँ तो मैं अपलोड कर दूँगा वरना मैं आपको सारी रिपोर्ट्स का कंपैरिजन करवा देता हूँ दिखा दूँ आपको सिर्फ मैं आपको बेसिस फ़ॉर जो आपके डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है वो दिखा देता हूँ रिपोर्ट कंटेनिंग ये एक दफ़ा ज़रा देख लें सिंपल क्वालिफाइड आपको क्विकली मैं ज़रा नोट करवा देता हूँ क्योंकि आई कैन रीड ऑन योर फेस कि आपने शायद इसको इस तरह से देखा नहीं है ये देखें ये लिस्टेड एंटिटी की रिपोर्ट है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है अच्छा ये हम 700 पे हैं मैं क्विकली ज़रा 705 पे नेविगेट करता हूँ दोबारा पूछिए जी जी बताएगा बिल्कुल ड्राफ्टिंग के लिए वो आपसे आपको पूरा सिनेरियो बताएगा ठीक है ये देखें जी ये है जी सिंपल क्वालिफाइड ओपिनियन इसको देख लें ये है जी रिपोर्ट कंटेनिंग क्वालिफाइड ओपिनियन ये देखें क्वालिफाइड ओपिनियन इसमें आपको वर्डिंग पता होनी चाहिए अगर एग्जामिनर ये क्वालिफाइड ये पैरा जो है इसको ड्राफ्ट करे और इसमें कुछ मिस्टेक्स छोड़ दे तो वो मिस्टेक्स आप आइडेंटिफाई कर पाए राइट बेसिस फॉर क्वालिफाइड देखें ये वो मैटर है जिसके ऊपर क्वालिफिकेशन दे रहे हैं आप और इसको मैं स्टैंडर्ड पैरा कह रहा था राइट right? और इसमें देखें क्वांटिफिकेशन है ये क्वांटिफिकेशन ऐड नहीं करेंगे मार्क्स नहीं मिलेंगे की ऑडिट मैटर्स बाकी देखने की जरूरत नहीं है अब आ जाते हम डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन पे यह देखे जी अब डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन को जरा डिफ्रेंशिएट करते हैं यह डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में देखें पहली जो आप चेंज देखें कि हम कहते हैं वी वर इंगेज टू ऑडिट हम ये नहीं कहते वी हैव ऑडिटेड क्योंकि हम ऑडिट कर ही नहीं पाए जब आप 80, 90 परसेंट आपने ऑडिट नहीं किया तो हाउ कैन यू राइट कि वी हैव ऑडिटेड सो वी वर इंगेज टू ऑडिट हम ऑडिट करने आए थे हमें इंगेज किया गया था बट हम कर नहीं सके वी डू नॉट एक्सप्रेस ओपिनियन में डिफरेंस होता है बेसिस फॉर डिस्क्लेमर देखें जी बेसिस फॉर डिस्क्लेमर में सिर्फ वो मैटर आ रहा है जिसकी वजह से डिस्क्लेमर दे रहे हैं यहाँ स्टैंडर्ड पैराग्राफ नहीं आता और ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज का सेक्शन देखें ये कंप्लीट ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटीज़ का सेक्शन है जी कोई वो शेडेड एरिया नहीं जिसको हम वेबसाइट पे प्रेजेंट कर सकते हैं में कर सकते हैं तो ये एरिया जो है ये श्रिंक हो जाता है क्योंकि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखें क्यों जब हम कर ही नहीं पाए वो काम ऑडिट ही नहीं करने दिया गया ना तो फिर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्यों मैंशन करें राइट right? और यहां पे अदर मैटर पैरा भी की ऑर्डर एंड मैटर पैरा भी नहीं आएगा ठीक है जी <गण> आपको देखना पड़ेगा कि क्लाइंट की रिक्वेस्ट क्या रीजनेबल है अगर रीजनेबल है गो टू अदर ऑल्टरनेटिव ऑर्डर प्रोसीजर्स आप वहां से वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे और अगर आप वेरीफाई कर लेंगे दैन नो इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट ठीक है अगर आप ऑल्टरनेटिव ऑर्डर प्रोसीजर्स से ये वेरीफाई नहीं कर पा रहे एंड इट इज मटीरियल देन यू विल इशू क्वालिफाइड ओपिनियन और अगर रीजनेबल नहीं है रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट अगर रीजनेबल नहीं है तो ये स्कोप लिमिटेशन है इम्पोज बाय मैनेजमेंट आए जी क्वेश्चन हम देखेंगे स्प्रिंग 22 एंड क्वेश्चन नंबर इज सेवन ये देखें जी ये क्वेश्चन नंबर सेवन है अब इस टॉपिक पे 705 को बेसिकली वो बेस स्टैंडर्ड बनाता है जब उसने रिपोर्ट टेस्ट करनी है इसी के साथ वो की ऑर्डर मैटर भी टेस्ट कर सकता है इसी के साथ एम्फसिस ऑफ मैटर मैटर एंड अदर भी टेस्ट कर सकता है और इसी के साथ इसी के साथ गोइंग कंसर्न का स्नैरियो भी ऐड कर सकता है तो बेसिकली इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट एग्जामिनर पूछेगा और जो स्नेरियो बनाएगा उस स्नैरियो में अगर सब कुछ ठीक है तो या तो वो एम्फसिस में जा रहा होगा या की ऑर्डर मैटर में जा रहा होगा और अगर कोई मटीरियल में है या प्रवेसिव में है तो वो क्वालिफाइड या एडवर्स में जा रहा होगा यह बात क्लियर हुई है तो 705 टेस्ट करते हुए वो बाकी स्टैंडर्ड्स को भी टेस्ट कर रहा होता है तो आपने थोड़ा सा अलर्ट रहना है इसके लिए एक नेक्स्ट जो मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें ऐसा ही होगा अच्छा अब हम फोकस करते हैं इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स पे और देखते हैं कि इसमें किस तरह का डाटा वो इंक्लूड करता है जी यू आर ऑडिट पार्टनर इन द फॉर्म ऑफ चार्ट अकाउंटेंट तो एक्सपेक्टेशंस क्या है कि आप पार्टनर लेवल पे ये डिसीजन ले रहे हैं इट फॉलोइंग इंडिपेंडेंट मैटर्स फॉर यूर फॉर दर एंड्रेड थर्टी फर्स्ट डिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन आर प्रेजेंटली अंडर यूर कंसिडरेशन रिक्वायरमेंट देखें इन ईच ऑफ दब इंडिपेंडेंट सिचुएशन डिस्कस द रिपोर्टिंग इंप्लीकेशन इंक्लूडिंग चेंजेस दैट नीड टू बी मेड इन ऑडिट रिपोर्ट एज इलेट्रेटेड इन आई एस ए सेवन हंड्रेड थोड़ी सी कंफ्यूजिंग रिक्वायरमेंट है लेकिन एग्जामिनर यहां कह क्या आ रहा है वो ये कह रहा है कि जब इन मैटर की वजह से आप रिपोर्ट मॉडिफाई करेंगे मॉडिफिकेशन के बाद आप जो 700 में अनमॉडिफाइड रिपोर्ट है उसमें क्या चेंजेस करेंगे बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं यानी अगर मैं क्वालिफाइड ओपिनियन दूंगा तो 700 में कहां कहां चेंज आएगा 700 की रिपोर्ट में अन रिपोर्ट में और अगर मैं एडवर्स ओपिनियन दूंगा तो 700 की रिपोर्ट को मुझे कहां कहां जाके चेंज करना पड़ेगा तो अन मॉडिफाइड रिपोर्ट बेसिकली एक स्टैंडर्ड रिपोर्ट होती है जो इश्यू होनी चाहिए इसीलिए हम वर्ड यूज करते हैं मॉडिफाइड ऑडिटर्स रिपोर्ट या मॉडिफाइड रिपोर्ट यानी ये स्टैंडर्ड रिपोर्ट से मॉडिफाई हो गई हुई है तो वो मॉडिफिकेशन आपसे वो पूछ रहा है ठीक है रिक्वायरमेंट्स को दो दफा पढ़ना है एटलीस्ट ऑडिट के पेपर में और समझना है कि एग्जामिनर क्या चाह रहे ये नहीं समझना कि आपको क्या समझ आइए या आपको क्या लगता है क्या प्रेजेंट करना चाहिए राइट right? अब देखें जी पाइनियर्स इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड पैल है न्यू अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इन 2021 ट्वेंटी वन ड्यू टू हाई प्रेशर फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वॉर्ज हरीट जल्दी में कर दी गई जी विच हैज रिजल्टेड इन न्यूमरस एरर्स इन इन्वेंट्री पेबल एंड रिसीवेबल मॉड्यूल ऑफ द सॉफ्टवेयर पेल स्टाफ इज स्टिल इन प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड रेक्टिफाइंग द सॉफ्टवेयर डेफिशंसीज टीम हैज बीन अनएबल टू वेरीफाई दीज बैलें थ्रू ऑल्टर मीन तो उसने वो रास्ता भी बंद कर दिया कि आप ऑल्टरनेटिव मीन से वेरीफाई कर लें वो भी नहीं कर सकते इन्वेंट्री पेबल एंड रिसीवेबल आर अपेरिंग एज रुपीज टू हंड्रेड मिलियन वन फिफ्टी मिलियन ंड्रेड मिलियन रिस्पेक्टिवली इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो इस पूरे स्नेरियो में एग्जामिनर आपको क्या बताना चाह रहा है वो कह रहे हैं कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एरर है तो अब जो भी अकाउंटिंग एंट्री आप प्रोसेस कर रहे होंगे उसकी वजह से एक एरोनियस अकाउंटिंग रिकॉर्ड जनरेट हो रहा होगा उसका इफेक्ट जाएगा लेजर से होता हुआ ट्रायल बैलेंस से होता हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो जब एक सॉफ्टवेयर ही ठीक नहीं है तो वो तो मल्टीपल अकाउंट एलिमेंट्स एंड क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन को इफेक्ट कर रहा है तो जब मल्टीपल को इफेक्ट कर रहा है तो इट इज प्रसिव मिस्टेटमेंट और क्या आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं मिस्टेटमेंट कितनी है या आपको पता ही नहीं चल रहा कि ये कहां कहां पे एरर्स या मिस्टेटमेंट्स है नहीं चल पा रहा ना यू आर अनएबल टू आइडेंटिफाई एन इवन स्टाफ अनएबल टू कॉम्प्रीहेंड के कहां कहां इश्यूज हैं तो ये प्रवेसिव स्कोप लिमिटेशन है स्कोप लिमिटेशन के केस में कौन सी ओपिनियन इशू करते हैं हम डिस्क्लेमर तो अब डिस्क्लेमर को जस्टिफाई करने के बाद हमने यह भी बताना है कि रिपोर्ट में क्या चेंजेस होंगे सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि आप कंसाइज कर देंगे ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन आपकी ऑडिट मैटर नहीं इंक्लूड करेंगे राइट right? आप डिस्क्रिप्शन चेंज करेंगे कि वी वर इंगेज टू ऑडिट तो इस तरह का इसका सोल्यूशन होगा तो थोड़ा सा ओपन माइंड के साथ आपने जो है इसकी रिक्वायरमेंट्स पढ़नी है और रिक्वायरमेंट्स देखें आपसे क्या पूछा जा सकता है इस टॉपिक में मैं आपको क्विकली दिखा देता हूं और क्वेश्चंस इसमें क्या एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है सेवन जीरो फाइव या मॉडिफाइड में क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगा सिर्फ रिक्वायरमेंट्स बताऊंगा जी ये देखें जी ये वही क्वेश्चन है इसके बाद ये क्वेश्चन देखें जी डिस्कस इंप्लीकेशन तो इस क्वेश्चन को उसने किसके साथ मर्ज किया ऑडिट प्रोसीजर्स के साथ इसकी एक रिक्वायरमेंट जो है वो ऑडिट प्रोसीजर थी जो यहां पे नहीं है राइट right? वो प्रोसीजर के सेक्शन में तो एक फॉर्मेट या एक टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है जिसमें वो आपको कहता है कि ऑडिट प्रोसीजर बताएं और इंप्लीकेशन बताएं डिस्कस विद रीजन इंप्लीकेशन ऑन ऑडिट रिपोर्ट अगेन मैटर कोर्स ऑफ एक्शन का वर्ड यूज कर सकता है वो या ऑडिट प्रोसीजर्स का वर्क uh, uh, की स्टेटमेंट यूज कर सकता है वर्ड यूज कर सकता है उसके बाद देखें जी वो आपसे कह रहे ड्राफ्ट करें ओपिनियन पैराग्राफ ड्राफ्टिंग भी हो सकती है और पैराग्राफ देके आपसे मिस्टेक्स भी आइडेंटिफाई करवा सकता है right? राइट तो इस तरह की इसमें जनाब uh, होती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स आई होप सेवन जीरो फाइव क्लियर हो गया होगा बताएं इसमें कोई क्वेश्चन है तो वी कैन डिस्कस सेवन जीरो फाइव या मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन में कोई क्वेश्चन नहीं एक मिनट जी मुझे उसमें देखना चाहिए चले नहीं है जी नेक्स्ट स्टैंडर्ड या नेक्स्ट टॉपिक है जी अदर मैटर एंड एम सेजो मैटर जी एम सेजो मैटर एंड अदर मैटर आई एस एस सेवन जीरो सिक्स चैप्टर फोर्टीन क्यों दे रहे होते हैं जी हम यूजर की अटेंशन को ड्रॉ करना चाहते हैं कुछ मैटर्स में ये सेवन जीरो फाइव के साथ टेस्ट होता है दो से तीन नंबर का तो ये आपको पता होना चाहिए डिफरेंस क्या है एम्फेज मैटर एंड अदर मैटर पैरा में क्या डिफरेंस है जी बेसिक डिफरेंस क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में राइट एम्फ से मैटर आप उन मैटर्स पे देते हैं जो इंक्लूडेड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एंड दोज मैटर्स आर फंडामेंटल फॉर यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ठीक है और अदर मैटर्स जो होते हैं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूडेड नहीं होते है? तो ये क्विकली देख लेते हैं जी ये देखें जी पहले एमसेजो मैटर पैराग्राफ है मैटर डिस्कलोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फंडामेंटल फॉर यूजर अंडरस्टैंडिंग इसके ऊपर मॉडिफिकेशन ना दे रहे हो आप और ना ही इस पे आप की ऑडिट मैटर दे रहे हो इसको आप सेपरेट सेक्शन में इंक्लूड करते हैं डिस्कलोअर का रेफरेंस देते हैं और ये भी बताते हैं कि ओपिनियन मॉडिफाई नहीं है ये तीन इंफॉर्मेशन होनी चाहिए एमसेजो मैटर में ये एम सेजो मैटर सब्सटीच्यूट नहीं है मॉडिफाइड ओपिनियन का डिस्कलोजर का या मटीरियल अनसर्टेनिटी का और कौन सी सरकम हैं जिसमें आप एमसेजो मैटर दे सकते हैं ये हैं वाइड स्प्रेड यूज नहीं करना का हर जगह को फिट इन नहीं करना कहां पे देंगे या तो आपके ये स्टैंडर्ड्स आपको बता रहे हैं ये सिचुएशंस बता रही हैं या ये स्टैंडर्ड्स बता रहे हैं जिसमें ये आपके कोर्स में ही नहीं है ये भी आपके कोर्स में नहीं है राइट तो एमसेजो मैटर की रिक्वायरमेंट किसी और आईएसए से आ रही होगी आई एस एस सेवन जीरो सिक्स से आ रही होगी इसके अलावा एमसेस नहीं देना अपनी डिस्क्रेशन पे नहीं देना एमसेस ठीक है आगे आए जी प्लेसमेंट आप देख लीजिएगा इंट्रेक्शन मैंने आपको बता दिया अदर मैटर पैरा देखें जी मैटर्स अबाउट मैटर्स अदर देन डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये फोर डिफरेंट कैटेगरीज में दिए जा सकते हैं ऐसे मैटर्स जो ऑडिट से रिलेटेड हो जैसे आप विदड्रॉ नहीं कर सके ड्यू टू स्कोप लिमिटेशन अभी मैंने सेवन जीरो में आपको पढ़ाया था कि अदर मैटर पैरा देते हैं कि वी वर अनएबल टू विदड्रॉ ड्यू टू लॉ ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अगर आप फर्दर एक्सप्लेन करना चाहें ऑडिटर्स रिपोर्ट को अगर आप फर्दर एक्सप्लेन करना चाहें उससे रिलेटेड कोई मैटर या कोई और स्टैंडर्ड अगर रिक्वायर कर रहा हो जो कि यह वाला आपके कोर्स में नहीं है इसमें जाके आप पढ़ेंगे 560 सबसीक्वेंट इवेंट्स ये आपके कोर्स में प्लेसमेंट आप खुद रीड कर लेंगे जी तो ये आपका एमसेज ऑफ मैटर का ये एंड अदर मैटर का स्टैंडर्ड है अब इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन में आपको क्विकली दिखाऊंगा कि कैसे ये मर्ज होके टेस्ट होता है मॉडिफाइड ओपिनियन के साथ क्वेश्चन सेवन ऑटम नाइनटीन ये देखें जी

ज्यूमिंग दैट मैटर इन वन अब इज नॉट डेल्ट विद इन विद इन अकॉर्डेंस विद रिक्वायरमेंट ऑफ आई एफ आर एस यानी वो कह रहे थी इसमें आप एज्यूम कर लेंगे मटीरियल में स्टेटमेंट है और ओपिनियन पैराग्राफ ड्राफ्ट करके दे ओनली ओपिनियन पैराग्राफ ठीक है ओपिनियन सेक्शन नहीं सिर्फ पैरा जिसमें आप ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं ठीक है चलें जी आए जी यहां पे देखें फर्स्ट पॉइंट बी एल पेंडिंग लिटिगेशन इन विच टैक्स डिपार्टमेंट हैज रेज डिमांड ऑफ सेवेंटी फाइव मिलियन द मैटर हैज बीन चैलेंज बाय बी एल एंड द डिसीजन इन रिस्पेक्ट ऑफ करंट इन रिस्पेक्ट इज करंटली पेंडिंग विद एप्लेट ट्रिब्यूनल बी एल्स टैक्स एडवाइजर इज कॉन्फिडेंट ऑफ द पॉजिटिव आउटकम ऑफ द लिटिगेशन नो प्रोविजन हैज बीन मेड इन दिस रिगार्ड हाउ एवर इट हैज बिन डिस्क्लोज एज कॉन्टीजेंसी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स राइट तो ये एक्सेप्शनल लिटिगेशन है रोज तो आपको टैक्स के नोटिस नहीं आते ना सो इट्स एन एक्सेप्शनल लिटिगेशन एंड अनसर्टन आउटकम ऑफ एक्सेप्शनल लिटिगेशन इफ प्रॉपरली डिस्कलोज क्या देते हैं उस ऑफ मैटर पैरा याद करने हैं ये पॉइंट्स जो पांच छह पॉइंट्स हैं कि एम्स ऑफ मैटर कब दे सकते हैं आपको याद होने चाहिए राइट right? तो अगर तो ये प्रॉपरली डिस्कलोज है अनमोडिफाइड ओपिनियन विद ई एम और अगर प्रॉपरली डिस्क्लोज नहीं है देन क्वालिफाइड ओपिनियन डिस्क्लेमर तो नहीं दे सकते ना छोटा या एडवर्स तो नहीं दे सकते एक मैटर है टैक्स का मैटर है राइट सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर आई एस ए सेवन जीरो सिक्स सर ये डिस्क्लोज ही कैम क्यों नहीं है गुड क्वेश्चन आए जी थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑर्डेट मैटर एंड एमसेजो मैटर की ऑर्डेट मैटर एंड एमसेज ओ मैटर स्टूडेंट्स को अक्सर यह कंफ्यूजन होती है और इस कंफ्यूजन का एक ही आसान सा सोल्यूशन है वह यह है कि की ऑर्डिट मैटर जो है वह क्राइटेरिया बेस्ड है एनी मैटर कुड बी की ऑर्डिट मैटर इफ इट मीट्स सर्टन क्राइटेरिया क्या क्राइटेरिया सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन मिल रही हो इसको करंट हो कम्युनिकेटेड टू दो चार्ज विद गवर्नेंस और एम्सो मैटर क्या है स्पेसिफाइड सिचुएशन स्पेसिफाई हुई हुई है आप सिर्फ उसी में ईओ देंगे ओपन एंडेड नहीं है क्राइटेरिया नहीं है बस बताया एक्सेप्शनल लिटिगेशन है एम से जो मैटर दे दें दे सकते हैं राइट right? अदरवाइज नहीं देना हर स्टेरियो में एम से जो मैटर नहीं है एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेज इन केस ऑफ या अनसर्टन आउटकम ऑफ एक्सेप्शनल लिटिगेशन उसमें देना है तो आप दे सकते हैं आप रिपोर्ट री इशू कर रहे हैं आई एस ए फाइव सिक्सटी में या री स्टेटमेंट हो रही है उसकी वजह से फिर रिपोर्ट री इशू हो रही है या री स्टेटमेंट हो रही है करंट ईयर में बैठ के कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स uh, में आप दे सकते हैं ई ओ एम तो की ऑडिट मैटर के लिए क्राइटेरिया तो ये क्वेश्चन आया था आई थिंक क्वाइटा से आया था जी चलें जी नेक्स्ट स्टैंडर्ड देखें जी नेक्स्ट स्टैंडर्ड है जी बहुत आसान आपका और ये है हमने एग्जैक्ट सेवन पे इसको कंप्लीट करना है जी रिपोर्ट को क्या स्टैंडर्ड है जी फाइव क्या नाम है जी इसका स्टैंडर्ड्स के नाम भी थोड़ा सा फिमिलरिटी रखें फाइनल में यही यूज होते हैं ठीक है गोइंग कंसर्न गोइंग कंसर्न ठीक है गोइंग कंसर्न चैप्टर 14 क्लियर है कोई कंफ्यूजन गोइंग कंसर्न में चलें क्विक रिवीजन करते हैं इसकी फाइव मिनट्स में फाइव मिनट्स में आए जी गोइंग कंसर्न में गोइंग कंसर्न का कॉन्सेप्ट आता कहां से फ्रेमवर्क बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गोइंग कंसर्न पे बननी है या नहीं बननी है. आपका जो फ्रेमवर्क है लेट से हम कहते हैं आपका फ्रेमवर्क आई बेस्ड है कौन से स्टैंडर्ड में गोइंग कंसर्न की रिक्वायरमेंट है आई एस वन है ठीक है आई एस वन कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आप पहले गोइंग कंसर्न इवेल्यूएट करें कि अगर कंपनी गोइंग कंसर्न है तो आप गोइंग कंसर्न यूज करें एजम्पन या बेसिस अदरवाइज एक और बेसिस होती है जिसको कहते हैं ऑल्टरनेटिव बेसिस आप वो यूज कर लें ऑल्टरनेटिव बेसिस को आई एस वन डिफाइन नहीं करता कि क्या होती है वो ऑल्टरनेटिव बेसिस कुछ और होती है वो यहाँ का सब्जेक्ट मैटर नहीं है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गोइंग कंसर्न से रिलेटेड क्या है हमने सफिशेंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑबटेन करना है कि क्या एंटिटी वाकई गोइंग कंसर्न है और इस इस ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन करने के लिए जो एफर्ट है वो हम शुरू कब से करते हैं रिस्क असेसमेंट स्टेज से करते हैं और थ्रू आउट ऑडिट हम इंडिकेटर्स देखते हैं कि कोई इंडिकेटर्स तो नहीं है कोई इवेंट्स या कंडीशंस तो नहीं है इन कैटेगरी ऑफ फाइनेंशियल ऑपरेशन या अदर कि क्या इस ऐसा तो नहीं है कि लोन इंक्रीज हो रहे हैं कोई कर्जा नहीं दे रहा वी आर अनएबल टू पे लोन क्लासिक एग्जाम्पल देख लें अपने बिलवड कंट्री की ठीक है तो क्या हो रहा है लोन पाइलअप हो रहे हैं आपको कोई नए लोन नहीं दे रहा आपकी सेल्स डिक्रीज हो रही हैं कंपेटिटर्स आ गए हैं आपके ओपरे, ऑपरेशन से आप नेगेटिव में एक्सपेंसेस हैं एक्यूमलेटेड लॉसेस बढ़ रहे हैं राइट है? तो ये इंडिकेटर्स आप रिस्क से देखना स्टार्ट कर देते हैं और ऑब्जेक्टिव ये होता है क्या आपने देखना है कि एंटिटी गोइंग कंसर्न है या नहीं उसके बाद आप एंटिटी को कहते हैं कि क्या आपने कोई प्रीलिमिनरी असेसमेंट की है ये प्रैलिमिन्री असेसमेंट क्या होती है ये एक एक डॉक्यूमेंटेशन होती है ये एंटिटी तब प्रिपेयर करती है जब उसने गोइंग कंसर्न एजम्पन को यूज करना स्पेशली स्पेशली ये एक ऐसी एंटिटी है जिसको प्रिपेयर करने की ज़रूरत है यानी अगर ये एक स्टेबल एंटिटी है बड़ी स्ट्रोंग एंटिटी है आप उसको नहीं जाके कहेंगे कि जी गोइंग कंसर्न इवेल्यूएट की है जरा असेसमेंट तो दें उनकी असेसमेंट बड़ी सिंपल सी होगी बड़ी ब्रीफ सा कोई डॉक्यूमेंटेशन कोई होगी लेकिन अगर ये एक वेल्नरेबल एंटिटी है तो उसकी असेसमेंट बड़ी स्ट्रांग होगी डिटेल्ड असेसमेंट होगी उसमें प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी लोन्स के एग्रीमेंट होंगे कमिटमेंट ऑफ फाइनेंसेज होंगी अपने कस्टमर्स के साथ एग्रीमेंट होंगे वेंडर्स के साथ एग्रीमेंट्स होंगे कि देखें ये सारी चीज़ें बता रही हैं हमने चलते रहना है जैसे अभी आपका डिफॉल्ट की बातें हो रही हैं तो आप कहते हैं आई के साथ एग्रीमेंट हो गया डिफॉल्ट एवर्ट हो जाएगा नहीं हो गया नहीं हुआ तो फिर डिफॉल्ट की तरफ जा सकते हैं तो ऐसे ही एग्रीमेंट फिर एंटिटी के एंटिटी के पास भी होते हैं तो अगर एंटिटी ने प्रलिमेंट्री असेसमेंट बनाई हुई है यस yes है इसका आंसर तो आप इसको रीड करें और देखें कि इसमें कोई इवेंट या कंडीशंस तो नहीं छुपे हुए हिडन तो नहीं है और अगर एंटिटी ने नहीं बनाई प्रेलिमेनरी असेसमेंट तो उनसे पूछें कि फिर गोइंग कंसर्न एजम्शन यूज कैसे कर रहे हैं राइट मैनेजमेंट असेसमेंट को इवेल्यूएट करते हुए आपने क्या करना है यू विल यूज सेम अकाउंट सेम पीरियड आप आ, जो है उनकी सारी एजम्पन देखते हैं क्या एजम्पन उन्होंने लिए हैं उसके बाद जब आप ये सारा काम कर लेते हैं तो आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि क्या आपने सफिशेंट अप्रोप्रियट ऑडिट एविडेंस रिसीव कर लिया और क्या कोई इवेंट्स या कंडीशन एग्जिस्ट तो नहीं कर रहे अगर इवेंट्स या कंडीशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं तो फिर आप एडिशनल प्रोसीजर्स अप्लाई करते हैं और इसके लिए मैं बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूं यह आपको बात समझ आ जाएगी वो एग्जांपल क्या है कि आप सबसे पहले सिम्टम्स देखते हैं सिम्टम्स क्या है इवेंट्स या कंडीशन थोड़ा सा फोकस कीजिएगा अगर किसी पेशेंट या किसी पर्सन ने यह देखना हो कि मुझे कोविड है या नहीं सबसे पहले वो क्या किन चीजों पर फोकस करेगा सिम्टम्स पे कोविड की सिम्टम्स आएंगी तो क्या सिम्टम्स के बाद ये कंफर्म हो जाता है कि कोविड है बीच में एक स्टेज आती है टेस्ट इसी तरह जब कंपनी को सिम्टम्स आती हैं, तो हम ये नहीं कहते कि गोइंग कंसर्न नहीं है कंपनी हम क्या करते हैं टेस्ट और वो ऑडिट प्रोसीजर आपकी बुक में प्रोवाइडेड है कि क्या टेस्ट करते हैं राइट फर्स्ट या सेकंड पेज पे इस स्टैंडर्ड के वो लिखे हुए हैं कि आप उनसे Uh, जो है मैनेजमेंट uh, से डिस्कस करते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग लेते हैं लेटेस्ट अवेलेबल इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेते हैं ये टेस्ट है जो इवेल्यूएट कर रहा है कि कोविड पॉजिटिव है कि नहीं है या कंपनी के केस में गोइंग कंसर्न है कि नहीं है राइट right? अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है यानी आपने टेस्ट किया और आपको लगा कंपनी गोइंग कंसर्न है बट देर इज अ मटेरियल अनसर्टेनिटी उसको आप डिस्क्लोज करवाते हैं और अगर नहीं एग्जिस्ट करती तो फिर मटीरियल अनसर्टेनिटी का डिस्कलोइर नहीं होता कोई और डिस्कलोइर हो सकता जी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी लेते हैं अब जी ओपिनियन पे इसका इंपैक्ट क्विकली देख लें अगर कम मैनेजमेंट आपको असेसमेंट नहीं दे रही या 12 मंथ से कम की असेसमेंट दे रही है तो क्या ओपिनियन इशू करते हैं यह आपका स्कोप लिमिटेशन होता है क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर डिपेंडिंग अपॉन मटीरियलिटी एंड प्रोसिवनेस अगर गोइंग कंसर्न वैलिड है और कोई मटीरियल मटीरियल अनसर्टेनिटी नहीं है नो इंपैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट अगर गोइंग कंसर्न वैलिड है बट मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है तो एडिक्वेट डिस्कलोजर है तो अनमोडिफाइड ओपिनियन के साथ सेपरेट सेक्शन अगर इनएडिकुएट डिस्कलोअर है तो क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन अगर गोइंग कंसर्न बेसिस ही नहीं है और एंटिटी ने गोइंग कंसर्न बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हुई है तो एडवर्स एंड लास्ट पॉइंट अगर ऑल्टरनेटिव बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी हुई है तो ऑल्टरनेटिव बेसिस का जो नोट होता है वो फंडामेंटल फॉर यूजर्स अंडरस्टैंडिंग होता है आप एम्स ऑफ मैटर पैराग्राफ ऐड करते ये बात क्लियर है लास्ट लास्ट पॉइंट क्लियर है ऑल्टरनेटिव बेसिस क्या होंगी आपकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी होती हैं कि अगर आज एसेट सेल करें कितने का सेल होगा आज लाइबिलिटी सेटल करें कितने की सेटल होंगी। अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्टर हैं और आपको पता है कि कंपनी तीन चार महीने चलेगी क्या ये आपके लिए फंडामेंटल इंफॉर्मेशन है बिल्कुल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हुए ऑडिटर आपको अलर्ट करेगा थ्रू एम ऑफ मैटर पैराग्राफ के आपका जो है ये जो ये एम्फेजो मैटर पैराग्राफ में वो एफरसाइज करेगा पिशावर से क्वेश्चन है कि व्हेन असेसमेंट इज नॉट प्रोवाइडेड शुडेंट ऑडिटर विद्रॉ देखें अगर आपको असेसमेंट नहीं दी जा रही या एक्सटेंड नहीं कर रहे तो एज पर आई एस आप देखें कि इसका इफेक्ट मटीरियल है या प्रवेसिव है अगर इसका इफेक्ट प्रवेसिव है प्रवेसिव इफेक्ट है तो इसको सेवन में ले जाए जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले करवाया है कि देखें कि अगर आपने डिस्क्लेमर इशू करना है तो फिर विदड्रॉ करने का देख लें लेकिन अगर आपको लगता है नहीं ये प्रोवेसिव नहीं है मटीरियल मैटर है तो फिर इस पर क्वालिफाइड ओपिनियन दे दें लेकिन अगर आप किसी वजह से विद्रॉ नहीं कर पाते देन यू कैन इशू डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सो दिस वॉज आई एस एफ फाइव सेवेंटी इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम वो सुनना है जी आपने देखें आई कैप क्वेटा इसमें ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स आप क्या क्या अप्लाई करेंगे आप बेसिकली उनसे असेसमेंट ले रहे हैं असेसमेंट आपको एंटिटी ने देनी है असेसमेंट से रिलेटेड ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स को इतने ज़्यादा आपके पास अवेलेबल नहीं होते और असेसमेंट एंटिटी ने ही बनानी होती है अगर वो नहीं बनाती है एक्सटेंड नहीं करती तो ये आपको आप इस पर अपनी ओपिनियन ही मॉडिफाई करते हैं ये कोई अकाउंट एलिमेंट तो है नहीं कि जिसको आप ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर से वेरीफाई कर लेंगे तो इस केस में नॉर्मली ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स नहीं होते चले जी आए जी यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है गोइंग कंसर्न के हवाले से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब स्टूडेंट गोइंग एक क्वेश्चन रीड कर रहा होता है और उसमें कोई एक पॉइंट होता है कि कंपेटिटर हैज एंटर्ड द मार्केट जिसकी वजह से सेल्स डिक्रीज हो गई है एग्जामिनर आपको लेके जा रहा होता है रिस्क ऑफ इंपेयरमेंट की तरफ आप इसको गोइंग कंसर्न बना देते हैं तो गोइंग कंसर्न में याद रखिएगा मल्टीपल इवेंट्स और कंडीशंस एग्जामिनर बिल्ड करेगा तभी ये क्वेश्चन गोइंग कंसर्न की तरफ जाएगा मल्टीपल इवेंट्स और कंडीशंस का क्या मतलब है वो कहेगा लोन इंक्रीज हो रहे हैं सेल डिक्रीज हो रही है हमें हम इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर पा रहे हमारे ऑपरेशंस नेगेटिव में हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन इज नेगेटिव लॉसेज अक्यूमुलेट हो रहे हैं हम हमारे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वो अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहे हैं हमारे साथ मल्टीपल इवेंट्स एंड कंडीशन होंगी तो गोइंग कंसर्न का क्वेश्चन होगा किसी एक पॉइंट को सामने रख के गोइंग कंसर्न नहीं बना देना पहली बात दूसरी बात ये सिंगल इवेंट भी हो सकता है जो आपकी गोइंग कंसर्न को इफेक्ट कर सकता है लेकिन सिंगल इवेंट क्या होगा इट विल बी इट विल बी ईदर अ सिग्निफिकेंट इवेंट आप देखें आपकी फैक्ट्री में आग लगी आपकी इन्वेंट्री भी सारी वहीं पे थी एक ही फैक्ट्री है गोइंग कंसर्न इवेल्यूएट करनी चाहिए इस केस में दूसरा स्नैरियो है आपका नॉन कंप्लायंस, बिल्कुल ठीक है लाइसेंस अगर आप माइनिंग कर रहे हैं पाकिस्तान में और गवर्नमेंट ने आपको लाइसेंस इश्यू किया होगा और आपने उसको नॉन कंप्लाई किया तो गवर्नमेंट कैन कैंसल योर लाइसेंस एंड इट विल थ्रेटन योर गोइंग कंसर्न क्लियर इसका क्वेश्चन देखने की जरूरत है मल्टीपल इवेंट्स एंड कंडीशन आपको नजर आएंगे इसमें चले मैं एक क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं जिसमें मल्टीपल इवेंट्स और कंडीशन होंगी इट इज क्वेश्चन नंबर नाइन ए ऑफ स्प्रिंग ट्वेंटी टू नाइन ए छोटा सा क्वेश्चन है जी जरा देख लें इसको जी यू आर ऑडिट मैनेजर इन द फॉर्म ऑफ सी फॉलोइंग इंडिपेंडेंट मैटर्स फॉर योर फॉर द दिसंबर 2021 ट्वेंटी प्रेजेंटली अंडर योर कंसिडरेशन रिक्वायरमेंट देखें जी फॉर ईच ऑफ दब इंडिपेंडेंट सिचुएशन डिस्कस फ्रॉम एन ऑडिट परसपेक्टिव द इंपैक्ट ऑन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टेट ऑडिट प्रोसीजर्स विच मे बी परफॉर्म बाय द ऑडिट टीम अब देखें उसने कहीं पर गोइंग कंसर्न की बात की है नहीं की आपने पहुंचना है उसने नहीं बताया कि सेवन जीरो फाइव में जाना है सिक्स में जाना है सिक्सटी में जाना है सेवनटी में जाना है सब सिक्वेंट इवेंट है गोइंग कंसर्न है मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन है कुछ नहीं बताया आपने जाना है कैसे जाना है देखें जी क्वालिटी फूड्स लिमिटेड हैज बीन फेसिंग लिक्विडिटी इशू

राइट right? तो बैंक के बगैर आप चल नहीं सकते तो यहां पे एग्जामिनर ने ऐसे इवेंट्स एंड कंडीशन बिल्ड किए हैं कि अब आपको प्रोसीजर्स कौन से अप्लाई करने हैं ये सिम्टम्स हैं ये सिम्टम्स हैं तो अब आपने इसको ये देखने के लिए कि मटेरियल अनसर्टेनिटी है या नहीं यू हैव टू अप्लाई टेस्ट और टेस्ट क्या है ऑडिट प्रोसीजर इन योर बुक चैप्टर फोर्टीन आई कैप की बुक को मैं रेफर कर रहा हूं उसमें कुछ सात आठ ऑडिट प्रोसीजर्स हैं जो आप अप्लाई करेंगे ठीक है जी दिखा दूँ। जिनके पास कोई और बुक है वो जरा टैली कर लें कि ये प्रोसीजर्स आपके पास उस बुक में भी लिखे होंगे ये देखें ये ऑडिट प्रोसीजर्स दीज आर प्रोसीजर्स मिनट देखें मैनेजमेंट के साथ निगोसिएशन देखें डिस्क्लोजर देखें इसमें रीजनेबलनेस ऑफ अजम्पशन देखें ठीक है इसके अलावा आप लेटेस्ट अवेलेबल इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख सकते हैं क्वार्टरली या हाफ ईयरली जो बनती है वो भी आप देख सकते हैं चलें जी सेवन का मेरा टारगेट था इस चैप्टर को कंप्लीट करने का बेसिकली ये चैप्टर ही काफी हैवी चैप्टर है चलें जी नेक्स्ट है जी आपका आई एस ए फाइव सिक्सटी सबसिक्वेंट इवेंट्स इसके लिए आपको एक टाइमलाइन समझने की जरूरत है जी इस स्टैंडर्ड को अच्छे से समझने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस ऑडिट टाइम लाइन दिस इज यर एंड ऑडिट स्टार्ट हुआ से एट्थ जुलाई को हम फाइनल ऑडिट में गए इंटायरम में नहीं गए ट्वेंटी फिफ्थ को हमने क्या किया फाइनल ड्राफ्ट दिया विद इनिशियल रिपोर्ट आप जब फर्म में जाएंगे तो फाइनल रिपोर्ट देने से पहले आप इनिशियल रिपोर्ट देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट साथ लगी होती हैं और इस रिपोर्ट को यूज़ करते हुए मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कॉल करती है बीओ की मीटिंग होती है और उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है फॉर दी अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस बीओडी का उसके बाद आप अपनी ऑडिटर रिपोर्ट को डेट असाइन करते हैं प्रैक्टिकली या तो आप सेम डेट रख लेते हैं या उसके एक दिन बाद रख लेते हैं उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट क्या होता है जब आप ऑडिट रिपोर्ट दे देते हैं जो आपका क्लाइंट है या मैनेजमेंट है वो एजीएम कॉल करते हैं और एजीएम कॉल करने के लिए वो नोटिस इशू करते हैं और ये नोटिस ऑफ एजीएम जो होता है इसके साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी भेजी जाती हैं सेंड की जाती हैं तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशुअस डेट होती है इसीलिए एंड द लास्ट डेट इज ट्वेंटी एट अक्टूबर इट इज योर ए जी एम ठीक है उसके इक्कीस दिन के बाद ए जी एम हो जाती है राइट right? तो ये इस तरह से फिर ये स्टैंडर्ड आपके सब्सिक्वेंट इवेंट्स को थ्री कैटेगरीज में डिवाइड करता है वो कहता है कि लेट से यहां पर केस हुआ यहां पर कोई आपके ऊपर लिटिगेशन थी यहां डिसीजन आ गया डिसीजन क्या कब आया अप टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट सो इट इज टाइप वन इवेंट या तो डिसीजन यहां पे आया या आपको पता है यहां पे चला इट इज टाइप टू इवेंट यानी ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट से लेके नोटिस ऑफ एजीएम तक एंड आफ्टर नोटिस ऑफ एजीएम जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट कहता है ये स्टैंडर्ड आपके थर्ड टाइप ऑफ इवेंट्स होते हैं ठीक है जी थर्ड टाइप ऑफ इवेंट्स तो इन तीनों केसेस में आपका कोर्स ऑफ एक्शन डिफरेंट होता है टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट यू आर रिस्पॉन्सिबल टू OBTAIN SUFFICIENT अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस जितने भी इवेंट्स होंगे ये आपके ऑडिट का पार्ट है कैसे ऑप्टेन करते हैं थ्रू नॉर्मल ऑडिट वर्क एंड थ्रू एक्टिव रिव्यू नॉर्मल ऑडिट वर्क जब भी आप सब्सिक्वेंट टेस्ट कर रहे हैं किसी भी ऑडिट प्रोसीजर में जैसे इन्वेंट्री में टेस्ट करते हैं एनआरवी को टेस्ट करते हुए अकाउंट रिसीवेबल में सबसिक्वेंट रिकवरी देखते हैं तो यह नॉर्मल ऑडिट वर्क में भी सब्सिक्वेंट इवेंट टेस्ट हो रहे होते हैं और दूसरा क्या होता है एक्टिव रिव्यू एक्टिव रिव्यू वो प्रोसीजर्स होते हैं जो स्पेसिफिकली जिनका टारगेट यही होता है सबसीक्वेंट इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना और ये एक्टिव रिव्यू आपकी बुक में है कि आप पहले मैनेजमेंट से पूछते हैं उनके मिनट्स देखते हैं राइट लीगल एडवाइजर से कंफर्मेशन ले, ले लेते हैं इस तरह के प्रोसीजर्स अच्छा उसके बाद क्या होता है जी ये सेकेंड टाइप ऑफ इवेंट्स या फैक्ट्स जो ऑडिटर रिपोर्ट से बिटवीन ऑडिटर रिपोर्ट एंड नोटिस ऑफ एजीएम या फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूस डेट आपके सामने आते हैं या तो ये इवेंट्स होते हैं या इवेंट यहाँ हो होता है और आपके सामने यहाँ पे आता है वैन यू हैव इशूड रिपोर्ट इस केस में देखें स्टैंडर्ड कहता है कि आपकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है लेकिन फिर भी अगर ये इवेंट आपके सामने आ गए हैं तो देखें कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करने की ज़रूरत है इफ़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंडेड बाय द मैनेजमेंट तो फिर आपको देखना होता है पैरा ट्वेल्व पैरा ट्वेल्व है स्टैंडर्ड का जो कि बुक में जिसका नाम होता है कि मैनेजमेंट क्या रिस्ट्रिक्ट कर सकती है अमेंडमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या नहीं कर सकती और दूसरा केस है कि पैरा ट्वेल्व अप्लाई होगा सो पैरा ट्वेल्व अप्लाई होने का मतलब क्या है मैनेजमेंट कैन रिस्ट्रिक्ट अमेंडमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओनली टू दैट सबसिक्वेंट इवेंट इसकी फिर मैं एक बड़ी देसी सी एग्जाम्पल देता हूं कि आप मोटरवे पर ट्रेवल कर रहे हैं एक्जाम्पल समझ लें आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि ये अमेंडमेंट पैरा ट्वेल्व पैरा ट्वेल्व है नहीं है रिस्ट्रिक्शन है नहीं है ये समझ आ जाएगा आप मोटर वे पर ट्रैवल कर रहे हैं इस्लामाबाद जा रहे हैं आपको अपनी गाड़ी के इंजन में कुछ नॉकिंग फील हुई आपने गाड़ी साइड पर लगाई मकैनिक कॉल को कॉल किया अब मकैनिक ने आपको दो ऑप्शन दी उसने कहा जी पूरा इंजन ओपन कर सकता हूँ या फिर इसी नाकिंग को ठीक कर देता हूँ और आप इस्लामाबाद चले जाएँ कौन सी ऑप्शन लेंगे वही जो इशू है उसी को ठीक कर लें जिंदगी आसान हो जाएगी तो पैरा ट्वेल्व अप्लाई होने का मतलब यह है कि मैनेजमेंट क्या करती है जो इवेंट आपके सामने आया उसी के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड कर देती है और ओपन एंडेड रिव्यू ऑफ सबसीक्वेंट इवेंट नहीं करती पूरा इंजन ओपन नहीं करवाती उससे ऑडिटर की जिंदगी भी आसान हो जाती है उसको भी एक्टिव रिव्यू नहीं करना पड़ता कंप्लीट सबसिक्वेंट इवेंट्स आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट नहीं आइडेंटिफाई करने पड़ते राइट तो अगर पैरा ट्वेल्व अप्लाई हो तो हम क्या करते हैं वी परफॉर्म प्रोसीजर्स ऑन अमेंडमेंट क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड हो गई है वी इश्यू न्यू ऑडिट रिपोर्ट और हम एक्सटेंड करते हैं एक्टिव रिव्यू को और अगर पैरा ट्वेल्व अप्लाई नहीं होता तो फिर हमारे पास दो ऑप्शन है एक ऑप्शन होती है ड्यूबल डेट की हम अपनी रिपोर्ट पर दो डेट्स दे देते हैं पहली ओरिजिनल डेट दूसरी उस दिन की डेट जब रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हुई और उन उनपे हमने ओपिनियन दे दी राइट या फिर हम क्या करते हैं न्यू ओपिनियन दे देते हैं विद एमसे न्यू रिपोर्ट दे देते हैं विद एमसेज ऑफ मैटर पैराग्राफ और एमसेज ऑफ मैटर पैराग्राफ में लिख देते हैं क्या लिखते हैं कि ओरिजिनल डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट कौन सी थी लेट्स से सेकेंड अक्टूबर ये टेंथ अक्टूबर जो है इस तक हमारे सारे सब्सिक्वेंट इवेंट कवर्ड नहीं है इस तक रिस्ट्रिक्टेड सब्सिक्वेंट इवेंट कवर्ड है इसकी मैंने एग्जाम्पल्स भी ऐड की हुई है तो आप इनकी एग्जाम्पल्स भी रीड कर लीजिएगा आपको एग्जाम्पल वैसे नहीं मिलेंगी तो ये एग्जाम्पल आपने ना रीड करनी है ऊपर फ्लो चार्ट एक दफा पढ़ना है या अपनी जो भी बुक है वो रीड करनी है उसके साथ रेलिवेंट स्नेरियो की ना आपने एग्जाम्पल रीड करनी है ये इससे आपको हंड्रेड परसेंट क्लैरिटी आ जाएगी कि ड्यूअल डेट देना रिपोर्ट को या एम्फ से मैटर देने का क्या मतलब है ये देखें ये ड्यूअल डेट इस तरह देते हैं मार्च थर्टी फर्स्ट एक्सेप्ट एज टू नोट वाई विच इज़ अप्रैल फिफ्टीन ट्वेंटी एक्स वन ये देखें दो डेट्स हैं या अगर आप एम्फ से मैटर देते हैं तो फिर आप क्या कह रहे हैं आप कह रहे हैं वी ड्रॉ अटेंशन टू नोट एक्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच डिस्क्राइब सबसिक्वेंट इवेंट दैट गिव राइज टू अमेंडमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन अप्रैल फिफ्टीन ये डेट्स का रेफरेंस भी है कि ये डेट्स हैं कौन सी Our procedure with respect to events subsequent to March 31st are restricted solely to that amendment to the financial statement our opinion is not modified in this respect रिस्पेक्ट सर विल मटीरियल ऑफ दिस टू सेशन विल बी अवेलेबल ये आज इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा जी मैंने इसको ऑलरेडी सेपरेट करके रखा हुआ है सेशन के फौरन बाद हम इसको अपलोड करवा देंगे नहीं इस केस में नहीं करते ये जो आपके इवेंट्स हैं बिटवीन ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशुएंस डेट जब ड्यूअल डेट डालते हैं तो ड्यूअल डेट का मतलब ही यह होता है कि फर्स्ट डेट तक सारे सब सीक्वेंट इवेंट कवर्ड है सेकेंड डेट तक रिस्ट्रिक्टेड सब सिक्वेंट इवेंट कवर्ड है कंप्लीट कवर्ड नहीं है यह बात दो डेट से समझा दें या ये बात एम से मैटर पैरा एड करके समझा दें दोनों नहीं देते ठीक है जी अगर मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड नहीं करेगी तो फिर देखें क्या आपने रिपोर्ट उनको फिजिकली दे दी है नहीं दी मॉडिफाई कर दें अगर फिजिकली दे दी है तो कुछ लीगल एक्शन ले लें आपके पास कुछ टूल्स एंड एक्शन अवेलेबल हैं सर वेयर विल यू अपलोड इट ये अपलोड होंगे आपका जो फेसबुक है आई के स्टूडेंट्स उसके नीचे कॉमेंट सेक्शन में अपलोडेड होंगे ये लास्ट देखें जी जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी इशू हो गई यानी आफ्टर एजीएम नोटिस ऑफ एजीएम तब क्या करते हैं ये कोर्स ऑफ एक्शन आपका सेम होता है अब ये देखें अगर मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड कर दी तो आप अमेंडमेंट को वेरीफाई करेंगे और देखेंगे जिन लोगों को पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट चली गई थी मैनेजमेंट उनको बता रही है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमेंड हो गई हैं स्पीड तेज तो नहीं है ऊपर से तो नहीं गुजर है बताना है वरना हम कम कवर कर लेंगे क्वालिटेटिवली कवर कर लेंगे और अगर स्पीड ठीक है समझ आ रही है बातें तो फिर यही स्पीड चलाते हैं आ रही है क्योंकि देखें ये रिविजन स्टेज है और आप कॉन्सेप्ट तो नहीं गैदर कर रहे हैं ना आप चीजें लिंक अप कर रहे हैं जहां आपका और मेरा कॉन्सेप्ट चेंज हो पूछ लें मुझसे कि जी ये कैसे है मुझे तो ये समझ आ रहा है ठीक है चलें अब इसमें अगेन आप देखेंगे पैरा ट्वेल्व अप्लाई होता है या नहीं होता अगर पैरा ट्वेल्व अप्लाई नहीं होता यानी कि अब कोई रिस्ट्रिक्शन की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो न्यू रिपोर्ट इशू करें ज या अदर मैटर पैरा इसकी भी एग्जाम्पल मैंने ऐड की हुई है और सबसेक्ट इवेंट का रिव्यू एक्सटेंड करेंगे अप टू डेट ऑफ न्यू ऑडिटर्स रिपोर्ट अगर पैरा अप्लाई होगा यानी आप मैनेजमेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकती है अमेंडमेंट को तो फिर क्या करें जी आपके पास अगेन ड्यूबल डेट की ऑप्शन है लेकिन अब आप एमसेज ऑफ मैटर भी ऐड करेंगे पिछले केस में नहीं करते थे अब करेंगे अब एमसेज ऑफ मैटर का ऑब्जेक्टिव क्या है कोई बता सकता है अब क्यों कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इशुअस से पहले नहीं कर रहे थे इशुएंस के बाद ईम दे रहे क्योंकि री रीइशू हो रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर को यह बताना जरूरी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो री रीइू हो रही है इसलिए यह बात हम एमसेज ऑफ मैटर में बताएंगे या और न्यू रिपोर्ट दे दें दे विद ऑफ मैटर या अदर मैटर न्यू रिपोर्ट दें न्यू रिपोर्ट में दोनों बातें आप लिखेंगे रिस्ट्रिक्शन ऑफ अमेंडमेंट भी बताएंगे और दूसरी बात रीइशंस भी बताएंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीइशू हो गई हैं इसको देख लें सेकेंड इसका आसान है जी अगर वो अमेंडमेंट नहीं करते तो फिर आपके पास कुछ स्टेप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू लोकल लॉस वो आप देख लें जी जी इस स्टैंडर्ड में कोई क्वेश्चन से जो मैटर आपका डिपेंड करेगा ना आप इस इस सिनेरियो की बात करें देखें फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर इशू होने से पहले सबसीक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई हो गए यानी फैक्ट्स आइडेंटिफाई हो गए तो आप फिर वही देखेंगे पैरा ट्वेल्व अप्लाई होना है कि नहीं होना अगर तो पैरा ट्वेल्व अप्लाई नहीं होगा तो आप सिंपली नई रिपोर्ट इशू करके दे देंगे और नई डेट दे देंगे यूजर्स को पता ही नहीं है कि पिछली डेट क्या थी लेकिन अगर पैरा ट्वेल्व अप्लाई होना है फिर आपके पास दो ऑप्शंस हैं डुअल डेट दे दे कोई एमसेस ऑफ मैटर नहीं है या ये डुअल डेट वाली बात रिस्ट्रिक्शन वाली बात एमसेस ऑफ मैटर पैरा में ऐड करके दे दें फिर आप एक डेट देते हैं लेटेस्ट डेट और ईओएम में लिख देते हैं कि प्रीवियस डेट ये थी वहां तक सारे सबसीक्वेंट इवेंट कवर्ड है ये जो लेटेस्ट डेट है यहां तक रिस्ट्रिक्टेड सबसीक्वेंट इवेंट कवर्ड है सर जी डेटिंग का कांसेप्ट कर जी मैं कर देता हूं देखें ड्यूअल डेटिंग का मतलब यह होता है कि आपकी ऑडिटर रिपोर्ट जो है उसके नीचे आप डेट स्टैंप करते हैं ना बिल्कुल एंड पे जाके डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट आई एस ए सेवन हंड्रेड कहां लिखते हैं बिल्कुल एंड में अब वहां पे दो डेट्स आएंगी और वो जो दो डेट्स आएंगी उनका फॉर्मेट कुछ इस तरह से होगा ये देखें उस पर आप लिखेंगे पहले ओरिजिनल डेट जो आ रही होगी उसको एज इट इज वैसे ही लिखेंगे मार्च थर्टी फर्स्ट ट्वेंटी एक्स वन यह आपकी पहली डेट होगी दूसरी डेट कौन सी होगी जिस दिन सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ और उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड होकर अप्रूव हुई अब आप दूसरी डेट जो दे रहे हैं लट से आप दे रहे हैं अप्रैल फिफ्टीन की तो ये दो डेट स्टैंप होंगी और इनके साथ ये भी लिखा होगा एक्सेप्ट टू नोट वाई नोट वाई में क्या होगा नोट वाई में उस सब्सिक्वेंट इवेंट की इंफॉर्मेशन होगी जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अमेंडमेंट की जा रही है हम कहेंगे कि रिपोर्ट ओरिजिनल डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट मार्च थर्टी फर्स्ट है बट नोट वाई के लिए अप्रैल है क्योंकि हमने सबसीक्वेंट इवेंट अप्रैल फिफ्टीन तक जो कवर किए हैं वो सिर्फ नोट वाई वाले सबसीक्वेंट इवेंट के लिए कवर किए हैं सारे कवर्ड नहीं है डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट आपको यह मैसेज कन्वे करती है कि इस डेट तक सारे सबसीक्वेंट इवेंट कवर्ड हैं। डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट यह मैसेज कन्वे करती है ज्यादा सीधी जब बात मैंने कर दी बेसिकली डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट आपको क्या मैसेज कन्वे करती है कि इस डेट तक जो सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है वो आपने ऑप्टेन कर लिया है तो जितने इवेंट्स हैं इसका मतलब है उनके हवाले से भी आपने एविडेंस ले लिया हुआ ना तो इसलिए आप यूजर्स को बताते हैं कि जी ये ओरिजिनल डेट है जो पहली है और दूसरी डेट सिर्फ नोट वाई के लिए है हमने सारे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट ऑल इवेंट नहीं लिए क्योंकि पैरा ट्वेल्व अप्लाई हो रहा था जी ये पिशावर से क्वेश्चन था क्लियर हुई है ये बात अच्छा जी एक जी मिनट सब सब दिया सब दिया सब दिया। अच्छा जी सर बोथ अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट अबाउट विल बी इशूड सर बोथ अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट विल बी इश्यूड इन सेकंड फेज अच्छा ये आईकेप पिशावर ये जो क्वेश्चन है मुझे थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दें ये क्वेश्चन नहीं मुझे समझ आ रहा अच्छा जी अच्छा एक क्वेश्चन और था आई थिंक जी यानी टू और थ्री की बात कर रहे हैं ये टाइम लाइन देख ले मुझे बताएं दोनों सिचुएशन अच्छा आप इसकी बात कर रहे हैं ये इन दो पॉइंट्स की बात कर रहे हैं कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड हो जाती हैं और पैरा ट्वेल्व अप्लाई नहीं हो रहा तो ये दो ऑप्शंस हैं आपके पास ये देखें ना आप इसकी बात कर रहे हैं कि अगर इवेंट यहां पे हो और यहां पे हो तो दोनों में क्या डिफरेंस है रिपोर्ट में डिफरेंस है ये कोर्स ऑफ एक्शन आपका दोनों में सेम है ये वाला कि आप आपकी ओब्लिगेशन नहीं है लेकिन अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन पहले होती तो क्या आप रिपोर्ट अमेंड करते आप मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेंगे उनसे पूछेंगे आप इसको कैसे अकाउंट फॉर कर रहे हैं और क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अमेंडमेंट की ज़रूरत है या नहीं है क्लियर चलें जी आए जी इसका एक क्वेश्चन देखते हैं क्विकली जी ये देखें जी क्वेश्चन यू आर द ऑडिट मैनेजर इन द दम ऑफ सी ए फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन आर अंडर यूर कंसिडरेशन अच्छा आ रहा है जी आ रहा जी रिक्वायरमेंट फॉर ईच ऑफ दी अब सिचुएशन इवेल्युएट द नीड फॉर अमेंडमेंट अब उसने सब्सिक्वेंट इवेंट्स की कहीं बात नहीं की लेकिन जो उसने ये वर्ड यूज किया ना तो आपको उससे पता चल गया है कि ये अमेंडमेंट जो है तो ये तो 560 या सबसिक्वेंट इवेंट्स में ही होती है ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड सजेस्ट सुटेबल या ऑडिटर्स कोर्स ऑफ एक्शन लिमिटेड ऑफर थ्री ईयर वारंटी फॉर इट्स प्रोडक्ट एम एम एल एम एम एल असेस्ड इट्स वारंटी ऑफ टू बी ट्वेंटी मिलियन फॉर द ईयर एंडेड दिस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव अप्रूव्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन अब है आपको डेट्स दे रहा है जस्ट बिफोर साइनिंग द ऑडिट रिपोर्ट your team came to know about latent defect in mml products this defect was neither a layer discovered no nor known to mml mml ji pehle to ye bataye kya ye adjusting event hai ya non adjusting event hai theek hai pehli baat ye humne clear kar liya ki ye adjusting event hai right uske baad ye bataye ki ye event kab entity के सामने कब आया है मतलब ये इसको आप type वन में लेंगे type टू में लेंगे type थ्री में वन में राइट सो ये अप टू डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट आपके सामने आ गया है सो डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट पे जो मैटर्स आपके सामने आते हैं उनके हवाले से आपने सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है तो अब आप अपना कोर्स ऑफ एक्शन इसमें देखेंगे एडजस्टिंग इवेंट बना के और आप कहेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमेंड करें अगर हो जाएंगी तो कोई इंपैक्ट नहीं और अगर नहीं होंगी देन आप चले जाएंगे मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन जी हाँ जी वो आपका कोर्स ऑफ एक्शन वही तो बताएंगे ये देखें ना इव, ये र, 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 रिपीट नहीं कर रहा ना मैं कि इवेल्यूएट दी अबव सिचुएशन का क्या मतलब है ठीक है तो आपने फॉर ईच ऑफ दी अबव सिचुएशन इवेलुएट नीड फॉर अमेंडमेंट एंड सजेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन तो कोर्स ऑफ एक्शन के लिए आपने डिटर्मिन करना है ना कि कितनी एडजस्टमेंट होनी है तो उसके लिए डेफिनेटली आप देखेंगे कि ये जो है आपकी वारंटी प्रोविजन क्यों इंक्रीज हुई डिफेक्ट्स आ रहे हैं तो क्या आप जो आ, आपकी एनआरवी है क्या वो रीवैल्यूएट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए चलें जी नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक क्या है जी हमारा इट इज मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट जो है इसके ऊपर जी एक क्वेश्चन है अब कोई मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन में आप आपका कोई क्वेश्चन हो कोई क्वेरी हो तो वी कैन डिस्कस वैसे मैंने इसकी एक छोटी सी स्लाइड बनाई हुई थी मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ जी ये आपको बातें पता जी मैं क्विकली इसको रिवाइज कर देता हूँ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर जो होता है ये ऑडिटर ड्राफ्ट करता है ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट और ये ऑडिटर को एड्रेस होता है लेटर हेड पे प्रिंट होता है और uh, 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 जो है एड्रेस टू printed on letterhead and addressed to on behalf of client and addressed to auditor theek hai to ye auditor change kar dunga main should be obtained as near as possible to the date of auditor's report signed by ceo or cfo to general jo hai aapka standard hai wo ye kehta hai ki it should be signed by person responsible for financial statements theek hai तो इस तरह का एक क्वेश्चन भी एग्जामिनर ने पूछा हुआ है कि आपके पास कौन को, कोई दो तीन डेट्स हैं उनमें किस डेट्स पे जो है आप ये लेंगे रिप्रेजेंटेशन लेटर रिप्रेजेंटेशंस आती कहां से रेप्रेजेंटेशन आई एस ए रिक्वायर करता है जो आपका स्टैंडर्ड है चैप्टर 14 में और इसके अलावा डिफरेंट और स्टैंडर्ड्स हैं वो भी रिक्वायर करते हैं जैसे अभी हम गोइंग कंसर्न पढ़ रहे थे तो किसी ने मुझे बताया कि गोइंग कंसर्न में एक प्रोसीजर हम ये भी अप्लाई करते हैं कि हम उनसे रिटर्न रेप्रेजेंटेशन लेते हैं तो ये रिप्रेजेंटेशन आई आई एस से तो दूसरे स्टैंडर्ड से भी रिक्वायरमेंट आती है रेप्रेजेंटेशन की टाइप्स ऑफ रेप्रेजेंटेशन दो मेजर टाइप्स होती हैं, रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिलेटेड टू प्रोविजन ऑफ इन्फॉर्मेशन अगर मैनेजमेंट आपको रिफ्यूज करे, तो मैनेजमेंट से डिस्कस करें उसकी इंटेग्रिटी को रिवेल्यूएट करें और देखें इम्पैक्ट ऑन ऑडिटर रिपोर्ट क्या है रेप्रेजेंटेशन ना देना मैनेजमेंट रेप्रेजेंटेशन ना देना इट इज प्रवेसिव स्कोप लिमिटेशन सो डिस्कलेमर ऑफ ओपिनियन राइट मॉडिफिकेशन इन द लैंग्वेज आप लेटर की लैंग्वेज भी मॉडिफाई करवा सकते हैं जैसे वहां पे लिखा होता है कि ऑल इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड तो अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी डिस्ट्रॉय हो गई है तो आप ये लिख सक एंड uh, क्लाइंट से लिखवा सकते हैं कि ऑल इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड एक्सेप्ट रिकॉर्ड डिस्ट्रॉयड इन फायर तो इसकी लैंग्वेज भी मॉडिफाई हो सकती है अगर एविडेंस कंट्राडिक्ट होगा तो आप फर्दर प्रोसीजर्स अप्लाई करेंगे और रीवैल्युएट करेंगे रिस्क सोर्सेज फॉर सॉरी ये आगे चलेगा जी परफॉर्म मोर प्रोसीजर्स एंड रिस्क दैट्स इट जी सिर्फ इतना बताना था एक मेरा क्वेश्चन बनाया हुआ है जी और ये क्वेश्चन जो है ये मैंने जहां जहां मैक्सिमम जो आपके पास्ट पेपर्स के अलावा हैं कोशिश तो मैंने की है कि पास्ट पेपर के अलावा ये स्नैरियोज मैं ऐड करूं ये वो मैक्सिमम एरियाज हैं जिनमें एग्जामिनर या तो रिप्रेजेंटेशन ले सकता है या आपसे पूछ सकता है कि यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए या नहीं तो ये मैं आपको कुछ आ, बता देता हूँ जैसे लेट्स से जी फर्स्ट पॉइंट रिक्वायरमेंट क्या है कि डिस्कस वेदर इट वुड बी नेसेसरी टू अपटेन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव मैटर फर्स्ट मैटर क्या है जी एस एल बीन फेसिंग लिक्विडिटी क्रंच एंड डिफॉल्ट डिफॉल्टेड इट्स लोन रीपेमेंट डायरेक्टर हैव है फोर ईयर कैश फ्लो प्रोजेक्शन

कॉन्ट्रैक्ट को ऑडिट कर रहे हैं या इस इंटेंजिबल एसेट का ऑडिट कर रहे हैं रेप्रेजेंटेशन लेंगे लेंगे द मैटर मस्ट बी इंक्लूडेड इन रिप्रेजेंटेशन लेटर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट मस्ट कवर कमर्शियल वायबिलिटी टेक्निकल फिजिबिलिटी एंड एडिक्वेसी ऑफ फाइंडिंग्स राइट नेक्स्ट आए जी यू हैव प्रोवाइडेड लिस्ट ऑफ अनकरेक्टेड एरर्स टू द मैनेजमेंट रिलेटिंग टू करंट ईयर ऑडिट मैनेजमेंट बिलीव द इफेक्ट ऑफ दीज एर इज इन मटीरियल ये वाली बात होनी चाहिए रिप्रेजेंटेशन लेटर में कि वी बिलीव द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड एरर इज इन मटीरियल राइट तो जी स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन बी तो कहा इंक्लूड तो होना चाहिए नेक्स्ट आए जी ड्यूरिंग द ईयर एंड इंक्रीज इन एक्सपोर्ट एंड लोकल सेल वोटिस ड्यू टू न्यू एग्रीमेंट विद फॉर कस्टमर्स एंड स्प्लाइज मेड टू गवर्नमेंट एज ए रिजल्ट ऑफ दीज एग्रीमेंट सेल हैज बीन इंक्रीज बाय थर्टी परसेंट एज कंपेयर टू प्रायर ईयर थर्टी परसेंट सेलर इंक्रीज हुई है न्यू कॉन्ट्रैक्ट है रेप्रजेंटेशन लेना चाहेंगे बताएं इसमें रूल मैंने एक स्टूडेंट्स को बताया हुआ जहां पे थोड़ा सा अजीब लगे ना कि इसकी रिप्रेजेंटेशन क्यों लेनी है कोई ना सुनना हो कभी उस पर नो कर दें क्योंकि रिप्रेजेंटेशन कहाँ से आएगी लेटर से आएगी जो लेटर में मैटर्स लिखे हुए हैं इसके अलावा जितने ऑडिट प्रोसीजर्स आपने पढ़े हैं आपकी बुक में वहाँ से आएगी वहाँ पर आपको पता चलेगा कि रिप्रेजेंटेशन का पॉइंट लिखा हुआ था तो इसको देखते हैं जी फोर अजीब लग रहा है थोड़ा सा नो नीड टू इंक्लूड इन द लेटर नेक्स्ट आए जी फाइव पूरे ही है ना पॉइंट फाइव अच्छा फाइव देखें जी कंपनी हैज चेंज इट्स पॉलिसी फॉर वैल्यूएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम कॉस्ट टू रीवेल्यूड अमाउंट द रील्यूशन हैज बीन कैरीड आउट बाय द फर्म ऑफ प्रोफेशनल वैल्यूअर्स हु हैव बीन एडवाइजिंग जीएल या जो भी कंपनी का नाम होगा फॉर द लास्ट सेवरल ईयर्स रीवैल्यूएशन हुई चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हुई मैटर वुड नॉट बी इंक्लूडेड इन रेप्रेजेंटेशन चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी अकाउंट फॉर करवाएं क्यों इंक्लूड करवानी है कहीं है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में रेप्रेजेंटेशन भी लें वीक फॉर्म ऑफ ऑडिट एविडेंस होता है ये इसको एज ए एज करोबरेटिंग एविडेंस हम लेते हैं यानी रिप्रेजेंटेशन लेने किसी मैटर को या तो रिप्रेजेंटेशन करोबरेट कर रही होती है या रिप्रेजेंटेशन लेके आप डिफरेंट ऑडिट एविडेंस लेके इसको कॉबोरेट करते हैं राइट right? तो बाकी दो पॉइंट्स हैं वो खुद देख लीजिएगा बड़ी मुश्किल से यह चैप्टर फोर्टीन कंप्लीट हो गया क्योंकि ये चैप्टर फोर्टीन एक चैप्टर नहीं है जी ये मेरी नजर में कुछ सिक्स या सेवन चैप्टर्स हैं क्लियर अच्छा अब इसके बाद हमारा एजेंडा क्या है मैं आप लोगों को बताऊंगा आपने ऑडिट प्रोसीजर्स कैसे ड्राफ्ट करने हैं रिस्क की हम डिस्कशन करेंगे ये दो हमारी मेजर डिस्कशंस होंगी मेनली रिस्क ऑडिट प्रोसीजर्स एंड रिस्क और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे थोड़ी सी कोई थर्टी या ट्वेंटी मिनट्स की कंट्रोल्स एंड टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के हवाले से देन वी विल मूव टू रिलेटेड पार्टी जो इस दफा मेरे ख्याल में टेस्ट होना चाहिए और लास्ट में हम देखेंगे थोड़ी सी डिस्कशन सैंपलिंग की सो मेजर डिस्कशन वुड बी रिस्क असमेंट उसके लिए जरूर जो है उसको सुन के जाइएगा और थोड़ा सा आपके चेहरे को देखते हुए लेट्स हैव अ टेन टू फिफ्टीन मिनट्स ब्रेक ठीक है जी और ब्रेक के बाद सेवन फोर्टी फाइव एग्जैक्ट इसको जो है हम रिज्यूम करते हैं राइट चलें जी लेट <coughs> स्टार्ट जी नेक्स्ट एरिया ऑडिट प्रोसीजर्स रिस्क पे जाने से पहले थोड़ी सी डिस्कशन ऑडिट प्रोसीजर्स की स्पेशली चैप्टर नाइन और चैप्टर नाइन से पहले थोड़ी सी डिस्कशन कि आपने ड्राफ्ट कैसे करना है ऑडिट प्रोसीजर्स को राइट right? तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को कि ऑडिट प्रोसीजर्स का सोर्स क्या है क्या हमने जर्नल लिखना है या जो हम हमारे माइंड में आ रहा है वो लिखना है अकॉर्डिंग टू उस सिचुएशन अब जो लोग आपके बाद जब आप पास होंगे आप आर्टिकल्स में जाएंगे ट्रेनिंग में जाएंगे तो वहाँ पे स्टूडेंट का क्वेश्चन ये होता है कि जो कुछ हम प्रैक्टिकली करते हैं क्या वही लिखते हैं राइट right? तो आपके लेवल पे देयर वुड बी फोर पॉसिबल स्नैरियोज़ टू राइट ऑडिट प्रोसीजर्स कंबिनेशन ऑफ दीज टू दीज फोर पॉइंट्स वुड बी यूज टू ड्राफ्ट ऑडिट प्रोसीजर्स अब मैं विद एग्जाम्पल आपको समझाता हूं फर्स्ट पॉइंट है कि जो कुछ आपकी बुक में ऑडिट प्रोसीजर्स मैंशनड हैं इन लिस्ट हैं उनको आपने यूज करना है जब भी वेरीफिकेशन प्रोसीजर्स ऑडिट प्रोसीजर्स सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स कोर्स ऑफ एक्शन ये आपसे पूछा जाए फॉर एग्जाम्पल ये इन्वेंट्री से रिलेटेड है उस उसकी एनआर से रिलेटेड है आप नाइन में चले जाएंगे एसेट लाइबिलिटी से रिलेटेड है कैश एंड एसेट एंड लाइबिलिटीज से रिलेटेड है आप एट एंड टेन को यूज कर लेंगे ये कोई गोइंग कंसर्न से रिलेटेड प्रोसीजर्स हैं आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इवेंट्स और कंडीशन आप चैप्टर फोरटीन में चले जाएंगे राइट right? तो आपने रिलेटेड पार्टी है चैप्टर अलेवन में चले जाएंगे

और असर्शियल लेवल पे जो प्रोसीजर्स आप अप्लाई करते हैं उनको क्या कहते हैं असर्शियल लेवल पे जो प्रोसीजर्स आप अप्लाई करते हैं उनको आप क्या कहते हैं जी सबस्टेंटिव प्रोसीजर्स राइट तो असर्शियल लेवल पे आप नॉर्मली सबस्टेंटिव प्रोसीजर्स अप्लाई कर रहे होते हैं राइट right? उसके बाद आ जाए जी अकाउंटिंग डेफिनेशन पे अगर ये कोई ऐसा एरिया एग्जामिनर ने पूछ लिया है जो डायरेक्टली आपको बुक में से नहीं नजर आ रहा अब देखें उसने आपसे वारंटीज पूछ ली एस्टिमेट्स पूछ लिए राइट इंटेंजिबल एसेट्स की थोड़ी सी वेरिएबल बना के पूछ लिया हालांकि इंटेंजिबल एसेट बुक में है लेकिन इतनी ज़्यादा डिस्कशन नहीं है राइट आपके लेवल पर लेट्स उसने आपको कोई लीज़ का स्नैरियो बना के दे दिया कोई फॉरेन करेंसी का स्नैरियो बना के दे दिया इंटेंजिबल एसेट की रिसर्च एंड डेवलपमेंट का स्नैरियो बना के दे दिया अब ठीक है बुक में भी प्रोसीजर्स है लेकिन बाकी प्रोसीजर्स आप कहां से बना सकते हैं वेरिफिकेशन करनी है ना यू कैन यूज अकाउंटिंग डेफिनेशन अकाउंटिंग रेकग्निशन एंड मेजरमेंट प्रिंसिपल्स, डिवेलपमेंट फेस के एक्सपेंडिचर्स को रिकॉर्ड कैपिटलाइज uh, करने के लिए क्या क्राइटेरिया uh, uh, वो होना चाहिए फुलफिल होना चाहिए आई एस थर्टी एट में है आपके पास राइट आई एस थर्टी एट में है आई एस थर्टी सेवन में है प्रोविजन कब रिकॉर्ड होनी चाहिए कंटीजेंसी कब डिस्क्लोज होनी चाहिए उसका क्राइटेरिया आई है थर्टी सेवन में तो आप क्या करें कि यू यूज अकाउंटिंग डेफिनेशन रेकग्निशन एंड मेजरमेंट प्रिंसिपल्स वो भी बिल्ट करें बीच में अगर हो सकते हैं इन सब का कॉम्बिनेशन आपने यूज करना है एंड लास्टली डोंट फॉरगेट द स्नैरियो एग्जामिनर थोड़ा सा स्नैरियो चेंज करता है हमारे सारे प्रोसीजर्स चेंज हो जाते हैं जैसे हम रिलेटेड पार्टी की बात कर लेते हैं देखें एक ट्रांजैक्शन है सेल एंड लीज बैक उसको वेरीफाई करने के लिए डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं लेकिन अगर सेल एंड लीज बैक रिलेटेड पार्टी के साथ हो रही है सेल एंड लीज बैक का पता है सुना ये ट्रांजेक्शन कहीं ठीक है चले आगे आएगी वैसे एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं चले एक सेल है सेल ऑफ प्रॉपर्टी है एक सिंपल सेल है अगर वही सेल रिलेटेड पार्टी को है प्रोसीजर्स चेंज हो जाएंगे अगर वही रिलेटेड पार्टी डोमिनेंट है प्रोसीजर्स चेंज हो जाएंगे राइट सो स्नैरियो को अप्रिशिएट करना है कि स्नैरियो में आपसे क्या पूछा जा रहा है अकॉर्डिंग टू स्नैरियो आपने अपने ऑडिट प्रोसीजर्स लिखने होते हैं तो ये फोर एरियाज हैं जिनको आप कॉम्बिनेशन के तौर पे यूज करेंगे वाइल्ड ड्राफ्टिंग ऑडिट प्रोसीजर्स बट आपके लेवल पे सबसे प्राइमरी एरिया है योर रेलिवेंट टॉपिक्स ओवर एंड अब ये बाकी थ्री आपने यूज करने अब एक सिंगल ऑडिट प्रोसीजर में क्या इसलिए एलिमेंट हो कि उस ऑडिट प्रोसीजर को के मार्क्स आपको मिलेंगे देखिए एग्जामिनर आपसे जब ऑडिट प्रोसीजर रिक्वायर करता है तो उसमें एक वर्ड साइलेंट होता है और वह था की ऑडिट प्रोसीजर रेलिवेंट ऑडिट प्रोसीजर या कंप्लीट ऑडिट प्रोसीजर आप क्या लिखते हैं और लिखना क्या चाहिए देखें ये मिनिमम ये थ्री पॉइंट्स होने चाहिए एक सिंगल ऑडिट प्रोसीजर में ऑडिट प्रोसीजर है क्या वॉट इज प्रोसीजर आपको पता है वेरियस फॉर्म्स और टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स होती हैं इंस्पेक्शन ऑब्जर्वेशन रीपरफॉर्मेंस री कैलकुलेशन इंक्वायरी राइट कंपेरिजन ये सारे ऑडिट प्रोसीड ये आप लिखेंगे कि आप कर क्या रहे से जी इंस्पेक्शन कर रहे हैं आप किस चीज की कर रहे हैं वो भी लिखेंगे इंक्वायरी कर रहे हैं किससे कर रहे हैं इंटरनल ऑडिट से कर रहे हैं लीगल एडवाइजर से कर रहे हैं मैनेजमेंट से, से कर रहे हैं या दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से कर रहे हैं वो मेंशन करना है डॉक्यूमेंट कौन सा देख रहे हैं अगर इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट आपको पता है इंस्पेक्शन किसी टेंजिबल चीज की होती है जो फिजिकली एग्जिस्ट करे जैसे एसेट्स की इंस्पेक्शन होती है डॉक्यूमेंट्स की इंस्पेक्शन होती है ऑब्जर्व आप किस चीज को करते हैं प्रोसेस को ऑब्जर्व आप करते हैं प्रोसेस को तो इसी तरह आपने देखना है कि लेट्स से प्रोसीजर की टाइप है इंस्पेक्शन और इंस्पेक्शन किस चीज की हो रही है लेट्स से जी मिनट्स ऑफ मीटिंग की अब बहुत सारे स्टूडेंट्स यहीं तक ऑडिट प्रोसीजर को कंप्लीट समझते हैं वो कहते हैं इंस्पेक्शन ऑफ मिनट्स एंड मीटिंग्स मिनट्स ऑफ मीटिंग रिव्यू मिनट्स ऑफ मीटिंग रीड मिनट्स ऑफ मीटिंग्स इस प्रोसीजर के मार्क्स नहीं मिलेंगे अनलेस यू बिल्ट या यू इंक्लूड ऑब्जेक्टिव और पर्पस ऑफ दिस ऑडिट प्रोसीजर आप क्या लिखेंगे इंस्पेक्ट मिनट्स ऑफ मीटिंग टू इवेल्यूएट स्टेज ऑफ निगोशिएशन वेंडर्स लेट से ये कोई वेंडर्स के साथ कुछ सेटलमेंट की निगोसिएशन हो रही है आप उसके लिए मिनट्स को रीड करना चाह रहे तो आप पूरा पॉइंट इस तरह से बनाएं आप लिखें इंस्पेक्ट मिनट्स ऑफ मीटिंग टू इवेल्युएट स्टेज ऑफोशियगोसिएशन विद वेंडर्स यह लिखें पर्पज जरूर बिल्ड करें अपने ऑर्डिट प्रोसीजर में यह तीन मिनिमम पॉइंट होने चाहिए आपके ऑडिट प्रोसीजर में एक सिंगल ऑर्डिट प्रोसीजर में टाइप ऑफ प्रोसीजर क्या वेरीफाई कर रहे हैं क्या इंस्पेक्ट कर रहे हैं या किस से इंक्वायरी कर रहे हैं जो सब्जेक्ट मैटर है और थर्डली पर्पज ऑफ ऑडिट प्रोसीजर अगर एग्जामिनर कहीं पर कंप्लीट ऑडिट प्रोसीजर ना भी ड्राफ्ट करें आपको पास पेपर में ऐसा ऑडिट प्रोसीजर नजर भी आ जाए तो कोई इशू नहीं है आपने कंप्लीट करना है और मार्क्स तभी मिलेंगे जब ये थ्री एलिमेंट्स एक ऑडिट प्रोसीजर में होंगे जी क्लियर ऑडिट प्रोसीजर की ड्राफ्टिंग के हवाले से कोई क्वेश्चन हां जी मतलब पर्पज क्या है अजर्शन कौन सी है जिसको वेरीफाई करना चाह रहे इंस्पेक्ट न्यूली इंस्टॉल्ड प्रॉपर्टी प्लाट एंड इक्विपमेंट टू वेरीफाई इट्स एग्जिस्टेंस ये पर्पज है एग्जिस्टेंस को वेरीफाई करना पर्पज है एक्सटर्नल कंफर्मेशन देखिये एक्सटर्नल कंफर्मेशन में तो आप अगर सिंपल यह कहेंगे कि परफॉर्म एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसेस तो टारगेट किसको कर रहे हैं ठीक है एक्सटर्नल कंफर्मेशन आपको वेरियस असर्शन के हवाले से ऑडिट एविडेंस देता है राइट right? आप इसमें यह कह सकते हैं कि जब आपको कंफर्मेशन रिसीव हो गई तो अब नेक्स्ट ऑडिट प्रोसीजर क्या होता है आप कहें कंपेयर कंफर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम पार्टीज विद लेजर टू सी और टू इवैल्यूएट वेदर द बैलेंस इज एग्रीड अब ये तीनों चीजें मैंने लिख दी ठीक है तो इस तरह से ये तीन पॉइंट्स आपने बिल्ड करने हैं और अभी से ये आदर डालें ऑडिट प्रोसीजर्स आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे सी फैफ सिक्स एंड एम एस ए वन वहां तक यह प्रैक्टिस काम आएगी तो अभी से ही अच्छे से प्रैक्टिस करें पेपर तो पास हो जाएगा साथ में जरा आगे आने वाले अच्छे वक्त की भी प्रैक्टिस हो जाएगी ठीक है जी चले जी नेक्स्ट आ जाए जी चैप्टर नाइन क्विकली ये आपको बताऊंगा जी जी चैप्टर नाइन में सबसे पहले हम इन्वेंट्री डिस्कस कर रहे हैं आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन्वेंट्री की जो अमाउंट आ रही होती है वो क्वांटिटी और वैल्यूएशन का मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके आ रही होती है सो वी नीड टू वेरीफाई क्वांटिटी एंड वी नीड टू वेरीफाई वैल्यूएशन वैल्यूएशन में आपको पता है लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एन होती है और क्वांटिटी के लिए हम जो प्रोसीजर uh, परफॉर्म करते हैं इट इज़ फिजिकल काउंट सो फिजिकल काउंट अगर आपने आई की बुक पढ़ी है या मे बी किसी और बुक में हो या ना हो आई डोंट नो फिजिकल काउंट जो है इसकी थ्री स्टेजेस होती है ये एक सिंगल स्टेज नहीं होता जैसे आई की बुक में क्या है मेनली काउंट है और थोड़ा सा फॉलोअप भी डिस्कस्ड है तो मैं आपको बताता हूं जी पर्पस क्या है जी फिजिकल काउंट का आपने क्वांटिटी एंड कंडीशन को वेरीफाई करना होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है मैनेजमेंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है फॉर एक्सटर्नल ऑडिट इट शुड बी कंडक्टेड एनुअली फॉर इंटरनल कंट्रोल परपज नॉर्मली कंपनीज मंथली इसको कंडक्ट करवाती मंथली स्टॉक काउंट हो रहे होते हैं इंटरनल रिपोर्टिंग पर्पज के लिए एज ए मैनेजमेंट कंट्रोल परपजी फर्स्ट स्टेज इसकी जो काउंट की होती है वो होती है प्री काउंट काउंट से पहले प्री काउंट क्या होता है जी डेट ऑफ काउंट डिसाइड होती है इन कॉर्डिनेशन विद ऑडिटर लटसे जी ट्वेंटी नाइन्थ जून को करना है थर्टी एथ जून को करना है फर्स्ट जुलाई को करना है तो डेट ऑफ काउंट डिसाइड होती है उसके बाद मैनेजमेंट प्रोसेस प्रोसीजर्स जो है इसके एस्टेब्लिश करती है वो प्रोसीजर्स क्या होते हैं उसमें जी इंस्ट्रक्शन टू स्टाफ होती है कि आपके जो कौन कौन से स्टाफ मेंबर्स हैं जो इस पूरे आ, जो काउंट प्रोसेस है इसमें इन्वॉल्व होंगे यानी रेलिवेंट इंस्ट्रक्शन दे दी जाती हैं स्टाफ्स को और उनको कुछ इंटरनल कंट्रोल्स मैनेजमेंट को बिल्ड करने होते हैं प्री काउंट में डिसाइड करने होते हैं कि क्या कंट्रोल्स होंगे जैसे वो जो शीट्स निकाल के जाएंगे वो प्री नंबर्ड शीट होनी चाहिए ये कंट्रोल होना चाहिए क्वांटिटीज़ उसमें इंक्लूडेड नहीं होनी चाहिए ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो अपने टीम को और कंट्रोल uh, जो काउंट uh, प्रोसेस है उसमें कंट्रोल्स ये ये इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे वो सुपरविजन uh, जो है वो स्टोर इंचार्ज को ना दें स्टोर के लोगों को आप इंक्लूड कर सकते हैं सुपरविज़न किसी और को दे दें लेड पेंसिल से ना यूज लेड पेंसिल ना यूज़ करें क्वांटिटीज़ उससे ना लिखें सिग्नेचर होने चाहिए शीट्स पे, और जो भी एरिया आप काउंट करते हैं वो मार्क होना चाहिए यानी मैनेजमेंट ये इंस्ट्रक्शन इशू करेगी अपनी टीम को जिनको वो काउंट करने के लिए लेके जा रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है मैनेजमेंट किस की, की उसके बाद मैनेजमेंट लॉजिस्टिक एंड ट्रैवल जो है वो अरेंज करेगी आप अपने आर्टिकल्स में सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज़ को एक्सप्लोर करेंगे वो इस एक्टिविटी में करेंगे स्टॉक काउंट जहाँ पे फैक्ट्री होगी वहां पर आप जाएंगे सो so, कराची से लेके गिलगित तक स्कर्दू तक आप जो है डिफरेंट क्लाइंट्स पे जा रहे होंगे फॉर द पर्पज़ ऑफ स्टॉक काउंट तो लॉजिस्टिक एंड ट्रेवलिंग एक इसेंशियल पार्ट होता है जरूरी तो नहीं है कि क्लाइंट आपका लाहौर में हो उसकी फैक्ट्री भी लाहौर में हो लाहौर में भी होती है स्टोर लाहौर में भी हो सकता है और लाहौर से बाहर भी हो सकता है या कराची या कराची से बाहर भी हो सकता है स्टॉपेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग नॉर्मली ये जो इंस्ट्रक्शनस हैं जो क्लाइंट इशू करता है अपनी uh, टीम को उसमें एक इंस्ट्रक्शन ये भी होती है कि उस दिन जो मैन्युफैक्चरिंग uh, से रिलेटेड इशुंस एंड रसीट होनी है यानी परचेज करेंगे तो स्टोर में रसीट हो रही होगी इन्वेंट्री और इशूज मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो फिर इन्वेंट्री इशू हो रही होती है तो इश्यूज और सेल के केस में अगर स्टोर में ही इन्वेंट्री आती है कंप्लीट हो के तो सेल ये तीनों चीजें रोक दी जाती हैं राइट अगर प्रैक्टिकली मैन्युफैक्चरिंग रोकना पॉसिबल नहीं है तो मटेरियल को ओवर इशुएंस उसकी पहले से करवा दी जाती है जैसे आप हर कंपनी को पता होता है कि डेली की कंजम्पशन मटीरियल की कितनी है तो वो एक दिन का मटीरियल एक्स्ट्रा इशू करवा लेते हैं उस दिन स्टोर की मूवमेंट को कंट्रोल करना स्टोर के अंदर जो इशुएंस एंड रसीड्स हो रही हैं वो नहीं करने देनी अदरवाइज वो आपका वो कंट्रोल वीकनेस है और काउंट प्रोसेस को इफेक्ट कर सकती है ये बात क्लियर हुई है नेक्स्ट पॉइंट आए जी ड्यूरिंग काउंट क्या होता है जी ड्यूरिंग काउंट अब आप पहुंच गए साइट पे पहुंच गए मैनेजमेंट ने काउंट करना स्टार्ट किया अब आप देखेंगे मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शन कि मैनेजमेंट ने जो अपनी टीम को इंस्ट्रक्शन दी थी वो अप्रोप्रिएट है इंस्ट्रक्शन अब आपके सामने आएंगी और क्या मैनेजमेंट उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रही है राइट right? ऑब्जर्व परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट काउंट प्रोसीजर्स किस तरह से वो काउंट काउंट कर रहे हैं ये ऑब्जर्व करें खुद से इंस्पेक्ट inspect करें इंस्पेक्शन का ऑब्जेक्टिव होगा कंडीशन देखें इन्वेंट्री की टेस्ट काउंट करें आप आपने कुछ थोड़ी सी टेस्ट काउंटिंग भी करनी है फ्रॉम फ्लोर टू शीट एंड शीट टू फ्लोर प्रोसीजर यूज़ करने हैं इसके अलावा इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ अब इसके अंदर जो सब पॉइंट्स हैं वो क्या होने चाहिए ये आपको पता होना चाहिए एक दफा इनको आप रीड कर लें या इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा ये ड्यूरिंग काउंट जो आप काम कर रहे होते हैं उसकी ये फर्दर एक्सप्लेनेशन है ये कि आप इवेल्युएशन ऑफ मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शंस में क्या कर रहे हैं आप परफॉर्मेंस ऑब्जर्व करते हुए मैनेजमेंट के आप क्या देख रहे हैं इंस्पेक्शन ऑफ इन्वेंट्री में आपका क्या ऑब्जेक्टिव होता है एंड परफॉर्मेंस ऑफ टेस्ट काउंट में आपका क्या ऑब्जेक्टिव होता है राइट right? तो ये बातें आपको जरा पता होनी चाहिए क्लियर चलें जी अब ये ड्यूरिंग काउंट हो गया जी सेकेंड स्टेज हो गई अब इसके बाद आएगी थर्ड स्टेज आफ्टर काउंट या फॉलो अप तो आफ्टर काउंट एंड फॉलो अप जो है वो भी आपकी बुक में बड़ी डिटेल से अवेलेबल है ये आपने रीड भी किया होगा इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क कि हम फाइनल इन्वेंट्री शीट देते हैं और आफ्टर काउंट प्रोसेस हम कब परफॉर्म कर रहे होते हैं जब ऑडिट हो रहा होता है काउंट खत्म हुआ हमने फाइनल शीट्स ली और चले गए अब एक महीने या 15 डेज के बाद जो भी टीम मेंबर इसको ऑडिट कर रहा है वैल्यूएशन का ऑडिट कर रहा है इन्वेंट्री का ऑडिट कर रहा है तो वो देखता है कि क्वांटिटीज क्या यूज हुई है क्या वही क्वांटिटीज यूज हुई हैं जो फिजिकल काउंट में डिटरमिन की गई थी जो एडजस्टमेंट होनी चाहिए थी वो हो गई हैं, तो ये फॉलो अप है जी फॉलो अप को एक दफा देखें और बताएं इसमें अगर किसी पॉइंट पे कंफ्यूजन है ठीक है जी फॉलो अप के बाद जी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ काउंट जी देखिये इन्वेंट्री काउंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट आपने उसको ऑब्जर्व करना है और ऑब्जर्व करने का प्रोसेस अभी मैंने आपको टेबल में दिखाया कि आपकी क्या क्या वहां पे ड्यूटीज हैं आपने क्या वहां जाके देखना है ठीक है और ये ऑडिट के दौरान का मतलब ये है कि थर्टीएथ जून को ये होता है ना तो ऑडिट तो इससे पहले प्लानिंग और ये सारा कुछ स्टार्ट हो चुका होता है अगर आपने थर्टी जून से पहले भी जाके आप कुछ प्रोसेस या प्रोसीजर्स आप अप्लाई करते होते हैं ना जिनको आप इंटरम ऑडिट प्रोसीजर्स कहते हैं तो ये जो काउंट ऑडिट के लिए हो रहा है ऑडिट के लिए जो काउंट हो रहा है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है काउंट करने की आपने इसको ऑब्जर्व करना है और कुछ प्रोसीजर्स अप्लाई करने हैं जो अभी आपको दिखाए स्टाफ उन्हीं का ही होता है उन्हीं का ही स्टाफ होता है ठीक है आपने सिर्फ सैम्पलिंग बेसिस पे कुछ काउंटिंग करनी होती है ठीक है चले जी कुछ और एस्पेक्ट्स हैं जी फिजिकल काउंट के जैसे रोल फॉरवर्ड है रोल बैक अगर आप थर्टीएथ जून पे काउंट नहीं कर पा रहे ट्वेंटी जून पे काउंट कर पाते हैं तो वो जो फाइव डेज है उसको आप रोल फॉरवर्ड कर लेते हैं और अगर आप फिफ्थ जुलाई को काउंट कर रहे हैं तो थर्टीएथ जून की इन्वेंट्री आप कैसे डिटर्मिन करेंगे यू विल अप्लाई रोल बैक रोल फॉरवर्ड और रोल बैक क्या होता है रोल फॉरवर्ड ये होता है कि आप देख लेते हैं ट्वेंटी फिफ्थ जून का तो स्टॉक आपके पास आ गया उसके बाद परचेज कितनी हुई वो ऐड कर दें इशुएंस माइनस कर दें तो आपके पास थर्टी जून का स्टॉक आ जाता है ठीक है उसके बाद जी थर्ड पार्टी स्टॉक के वाले से आप कुछ वेरिफिकेशन करते हैं आपको पता है क्या करते हैं इसमें पहला पॉइंट ये होता है कि आप कॉन्फर्मेशन लेते हैं थर्ड पार्टी से कितना स्टॉक पड़ा हुआ है सेकंड पॉइंट यह होता है कि आप बिटवीन थर्ड पार्टी एंड योर क्लाइंट जो मूवमेंट ऑफ स्टॉक है वो भी डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू हो रही होती है ना एंड रिसीट्स वो वेरीफाई कर लेते हैं राइट आप थर्ड पार्टी के ऑडिटर से कांटेक्ट कर लेते हैं कि भाई आपके पास हमारा स्टॉक आ रहा है क्या क्वांटिटी है मैंने जरा टैली करनी है रिकनसाइल करनी है राइट तो ये आप थर्ड पार्टी के केस में ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई कर लेते हैं उसके बाद वैल्यूएशन है वैल्यूएशन के बड़े सिंपल से प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं अगर उसमें किसी की कोई कंफ्यूजन है तो वी कैन डिस्कस अदरवाइज मेरे ख्याल में वैल्यूएशन में कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपको प्रॉब्लम करे लोअर ऑफ कॉस्ट और एन आर वी देखें जी इस इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है हाउ टू डिटर्मिन कॉस्ट एंड हाउ टू डिटर्मिन एन आर वी एन आर वी डिटर्मिन करने का बड़ा आसान सा तरीका है सबसिक्वेंट सेल ऑफ इन्वेंट्री देख लेते हैं हम और देखते हैं मैनेजमेंट ने जो 30 जून पे 30 जून पे इन्वेंट्री की प्राइस ली हुई है इन्वेंट्री की जो व, आ, प्राइस ली हुई है सेल प्राइस क्या वही है जो 30 जून पे 30 जून के बाद जो सेल हुई है वो कंफर्म कर देती है तो नॉर्मली अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो इन्वेंट्री कॉस्ट पे ही वैल्यू होती है और हमेशा ये एज्यूम किया जाता है कि इसकी सेल प्राइस ज्यादा है लोअर लोअर पे करनी है ना राइट? Right? चले जी एक्सटर्नल कंफर्मेश जी ड्राफ्टेड बाय ऑडिटर सबस्टेंटिव प्रोसीजर का पार्ट था बैंक हाँ वो आगे आएंगे अभी इसी नाइन में अच्छा ये चैप्टर नाइन है ना इसमें आएगा बैंक जी एक्सटर्नल कन्फर्मेशन लेटर ड्राफ्टेड बाय ऑडिटर अपेयर टू बी रिटर्न बाय द क्लाइंट ठीक है और ऑथोराइज बाय द क्लाइंट क्लाइंट इसको ऑथराइज करता है उसके स्टैम्प uh, के साथ ये जाता है जी डिस्पैच बाय द ऑडिटर एंड रिप्लाई जो है वो डायरेक्टली ऑडिटर को आना चाहिए डिजाइन ऑफ एक्सटर्नल कन्फर्मेशन देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल कन्फर्मेशन पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव में फिर दो मैथड्स होते हैं मैथड वन जिसमें हम अमाउंट लिख के भेजते हैं और इसका रिस्पॉन्स रेट अच्छा होता है बट रिलायबिलिटी कम होती है एज कंपेयर टू मैथड टू जिसको हम ब्लैंक भेजते हैं क्योंकि उसमें फिर उनको मेहनत करनी पड़ती है बैलेंस आइडेंटिफाई करके लिखना पड़ता है नेगेटिव कंफॉर्मेशन स्पेशल सर्कमस्टांसिस में भेजते हैं ये फोर कंडीशन साइमल्टेनियसली मीट करेंगी तो नेगेटिव कॉन्फॉर्मेशन सेंड करेंगे अदरवाइज एक भी मीट ना की तो नेगेटिव कॉन्फॉर्मेशन सेंड नहीं करेंगे रिस्क लो हो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेज हो लो एक्सेप्शन रेट हो और आप किसी भी ऐसी सर्कमस्टांसेस से अवेयर ना हो कि क्लाइंट जो है या कस्टमर जो है वो इसका रिप्लाई नहीं करेगा ये फोर्थ पॉइंट मुझे को बता सकता है आपको कैसे पता चलेगा रिप्लाई अच्छा है रिस्पॉन्स रेट अच्छा है हिस्ट्री से ठीक है हिस्ट्री से जी ऑथराइज बाय क्लाइंट का मतलब ये होता है कि जो लेटर हम सेंड करते हैं इस क्लाइंट की ऑथराइजेशन होती है क्लाइंट लिख रहा है किसी अनोन लेटर को अल्फाज हमारे होते हैं किसी और के बिहाफ पे हम लिखते हैं क्लाइंट के बिहाफ पे क्लाइंट बेसिक क्लाइंट को पता नहीं होता ना कि इसको कैसे लिखना है तो हम उसे लिख के देते हैं उसमें लिखा होता है ना कि हमारा ऑडिटर जो है उसको ये कन्फर्मेशन चाहिए तो हमारे बैलेंस के मुताबिक हमारे रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये बैलेंस आ रहा है प्लीज़ कन्फर्म कर दें तो क्लाइंट ऐसे लिख रहा होता है लेकिन प्रैक्टिकली हम ड्राफ्ट करके देते हैं क्लाइंट को कि क्या होना चाहिए चले जी नेक्स्ट आए जी सैंपल सिलेक्शन पार्टीज जिन पार्टीज को आपने सेंड करना है लेटर उनको आप कैसे सिलेक्ट करेंगे आप कंप्लीटनेस पहले चेक करें कि आपको सारी पार्टीज जो है वो आ, लिस्ट सारी दी गई है ये एक मूवमेंट होती है जो आपको दी जाती है जिसमें ओपनिंग बैलेंस होता है डेबिट क्रेडिट होता है और फिर क्लोजिंग बैलेंस होता है डेबिट क्या होती है सेल क्रेडिट होते हैं रिसीव रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर बात हो क्लियर हुई है ये मूवमेंट मूवमेंट का पता है कैसे होती है लेजर में एक तो लेजर होता है ना डेबिट क्रेडिट एक होता है ओपनिंग डेबिट क्रेडिट क्लोजिंग तो ये मूवमेंट हम बेसिकली लेते हैं मूवमेंट लेने का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमने जो पार्टी सिलेक्ट करनी होती है वो क्लोजिंग बैलेंस की बेस पे भी करनी होती है और मूवमेंट की बेस पे भी करनी होती है कि सेल कितनी कितनी हुई कितनी हुई रिकवरी से एक पार्टी है उसका बैलेंस ही है सेंड करेंगे करेंगे उसको नहीं करेंगे ना आपको यही लग रहा है लेकिन करेंगे अगर उसको मैंने ड्यूरिंग द ईयर दस करोड़ की सेल की और उसने दस करोड़ के पैसे दस करोड़ मुझे वापस भी कर दिए फिर भी वो पार्टी मेरे लिए मटेरियल है क्योंकि उसके उसके साथ मटीरियल ट्रांजेक्शन हुई हैं आई हैव टू इंश्योर कि वो नील का बैलेंस ठीक है कि नहीं क्योंकि उसमें मटीरियल या सिग्निफिकेंट मूवमेंट है राइट right? एक पार्टी जो है उसका बैलेंस जो है लेट से ओपनिंग दस लाख था ड्यूरिंग द ईयर कोई मूवमेंट नहीं है क्लोजिंग भी दस लाख है इसको सेंड करेंगे कंफर्मेशन करेंगे इसको कहते हैं स्टैटिक बैलेंस स्टैटिक बैलेंस रिस्की बैलेंस होते हैं ये डिस्प्यूटेड बैलेंस होते हैं कि इस कस्टमर को हम सेल भी कुछ नहीं कर रहे और फिर भी इसने वन मिलियन देना है एक कस्टमर है उसका ओपनिंग 1.5 मिलियन है ड्यूरिंग द ईयर 10 मिलियन की सेल हुई 10 मिलियन की रिकवरी हुई क्लोजिंग 1.5 मिलियन है ओपनिंग और क्लोजिंग सेम है ड्यूरिंग द ईयर हमने उसको एक करोड़ की सेल की एक करोड़ के पैसे रिसीव कर लिए रिस्की है ये कस्टमर क्यों है स्टैटिक बैलेंस है देखें उसने जितनी सेल हमने जितनी सेल की उतने उसने पैसे दे दिए इट मीनस ये 1.5 मिलियन ओपनिंग क्लोजिंग वाला जो है इसमें कोई प्रॉब्लम है कहीं ये राइट ऑफ करने की जरूरत तो नहीं है स्टेटिक ही आ रहा है वो एक करोड़ की सेल के अगर पैसे दे सकता है तो वो ये पंद्रह लाख ,00 क्यों नहीं दे सकता ठीक है तो ये इस तरह के रिस्की होते हैं तो इन बैलेंसेस को आप सिलेक्ट करते हैं ये देखें पॉपुलेशन का स्टाटस बना लें आपको पता है सैम्पलिंग यूज कर लें नेगेटिव स्टैटिक ओवरड्यू मटेरियल बैलेंसेस एंड ट्रांजेक्शन इन राउंड अमाउंट राउंड अमाउंट का मतलब क्या है एक लाख की सेल एक लाख की रिसीट दो लाख की सेल दो लाख की रिसीट ये राउंड अमाउंट की ट्रांजेक्शन नॉर्मली इस तरफ इंडिकेशन कर देती हैं कि ये फेक ट्रांजेक्शन हो सकती हैं आईटी सिस्टम यूज कर लें अगर आपको रिप्लाई रिसीव नहीं होता तो फिर आप क्या करते हैं रिमाइंडर सेंड करते हैं फॉलोअप करते हैं और अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करते हैं जैसे सब्सिक्वेंट रिकवरी और सेल्स के डॉक्यूमेंट देख लेते हैं अगर आपको रिप्लाई रिसीव हो जाए पॉजिटिव कंफर्मेशन का तो आपको पता है सिर्फ पॉजिटिव का ही होता है नेगेटिव का रिप्लाई रिसीव ही नहीं होता वो तो तब होता है जब डिफरेंस हो डिसग्रीमेंट हो तो पॉजिटिव कंफर्मेशन के केस में अगर बैलेंस एग्री हो गया नो फर्दर वर्क इज रिक्वायर्ड अगर बैलेंस डिफरेंट है तो फिर रिकनसाइल करने की कोशिश करेंगे टाइमिंग डिफरेंसेस तो नहीं है अगर टाइमिंग डिफरेंसेस हैं रिकनसाइल हो गया नो फर्दर वर्क इज रिक्वायर्ड लेकिन अगर रिकनसाइल नहीं हुआ तो फिर एरर या मिस्टेटमेंट हो सकती है अब क्योंकि आप सैंपलिंग एक्टिविटी कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा पुलेट करें एरर को ऑन इंटायर पॉपुलेशन और अगर आपको कंफर्मेशन के हवाले से डाउट्स हो तो फिर डाउट्स का आपको कैसे पता चलेगा जी कि ये आपको इनडायरेक्टली रिसीव हो रही हो इंटेंडेड पार्टी से ना आई हो या इलेक्ट्रॉनिकली रिसीव हुई हो ई के थ्रू और आपको इसका सोर्स ना पता चले आप इसका ओरिजिन ना पता कर सकें ये इतनी दफ़ा ई मेल फॉरवर्ड हुई हो कि आपको पता ही ना चले कि ये जनरेट कहाँ से हुई थी तो इस तरह से इस तरह के सिनेरियोज़ में जहाँ पे आपको रिलायबिलिटी इन क्वेश्चन हो जाए आपकी इस कन्फर्मेशन की तो आप डायरेक्ट कन्फर्मेशन लें आप कन्फर्म कन्फर्मिंग पार्टी को कांटेक्ट कर सकते हैं फ़ोन कर सकते हैं आजकल तो फ़ोन के अलावा भी बहुत सारे मीडियम्स हैं आप इवन वीडियो कॉल कर सकते हैं ठीक है जी इंक्रिप्शन है आप इंक्रिप्शन यूज़ करें अगर आप थ्रू ई मंगवा रहे हैं ये कन्फर्मेशन अगर कन्फर्मेशन जो है वो थर्ड पार्टी से रिसीव हुई है तो ऑथराइजेशन चेक करें देखें कुछ एंटिटीज़ होते हैं जिनकी इतना वॉल्यूम ऑफ कन्फर्मेशन होता है कि वो खुद उनके पास टाइम ही नहीं होता वो किसी थर्ड पार्टी को हायर करते हैं और उनकी बेसिस पे वो कन्फर्मेशन इशू करते हैं जैसे बैंक की कन्फर्मेशन है या तो बैंक को सेपरेट डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा कन्फर्मेशन का रिप्लाई देने के लिए या फिर कोई थर्ड पार्टी हायर करनी पड़ेगी तो इस केस में आप देखते हैं कि थर्ड पार्टी के पास अप्रूवल है ऑथराइजेशन है और इंटेग्रिटी ऑफ ट्रांसमिशन है कि जो थर्ड पार्टी भेज रही है वो ठीक ही भेज रही है सोर्स ठीक है कंट्रोल के ऊपर कंफर्मेशन कंट्रोल कंफर्मेशन प्रोसेस पे आपने कंट्रोल मेंटेन करना है एंड कंट्रोल मेंटेन करने के ये पॉइंट्स हैं कि आपने कौन सी इंफॉर्मेशन कंफर्म करनी है डिजाइन क्या होना चाहिए कंफर्मेशन का डिज़ाइन का मतलब ये नहीं है कि कन्फर्मेशन का कलर क्या रखें बोल्ड इटैलिक रखें अंडरलाइन करें डिज़ाइन का मतलब क्या है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव में मेथड वन या मेथड टू पार्टीज कौन सी सेलेक्ट करनी है इस पर कंट्रोल रखना है रिस्पांस डायरेक्टली आपको आए इस पर कंट्रोल रखना है फॉलोअप भी खुद लेना है बाइक वाली स्टोरी याद होगी एक क्वेश्चन है सी एफ ओ साहब कह रहे हैं कि कन्फर्मेशन प्रोसेस को एक्सपीडाइट करने के लिए मैं एक एम्प्लॉई को भेजता हूँ बाइक पर जाएगा सब लोगों से कन्फर्मेशन साइन करवा के ले आएगा तो ऐसी बातें एक्सेप्ट नहीं करनी ठीक है प्रैक्टिकली किसी क्लाइंट पे जाएं और आगे से उन्होंने पहले ही कन्फर्मेशन ले कर रखी हूँ देखें हमें पता है आपने कन्फर्मेशन लेनी होती हैं हमने खुद आपके ब्याह पर ये देखे ले कर रखी हुई है सारी कन्फर्मेशन एक्सेप्ट नहीं करनी कंट्रोल मेंटेन करना है प्रोसेस पे तो एग्जामिनर ऐसे स्नैरियोज बना सकता है अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज करेगी कि कॉन्फर्मेशन प्रोसेस ना करें तो आपने देखना है कि क्या ये रीजनेबल रिक्वेस्ट है अगर ये रीजनेबल है तो आप ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करें रीजनेबल नहीं है तो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से बात करें ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करें इफ यू आर अनएबल टू ऑबेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस देन इंपैक्ट ऑन ओपिनियन इकवरेबल रिसीवेबल्स इनको देख लें जी जो डिस्प्यूटेड हैं या आपको लगता है कि इनको राइट ऑफ करवाना चाहिए ये प्रोसीजर्स हैं देखिए जरा, जरा। क्लाइंट का ऑफिशियल चला जाए साथ आप चले जाएं। उसको क्यों भेजना देखें लिस्ट ऑफ बैंक जो है ना बैंक की कंफर्मेशन तो बहुत ही क्रूशल होती है वो हम अगले नेक्स्ट स्टेप में डिस्कस करते हैं क्यों होती है राइट तो नॉर्मली बैंक रिप्लाई करते हैं और बैंक की कंफर्मेशन से ही हमें जो बैंक के हवाले से असर्शन हैं बैंक बैलेंस के हवाले से लोन्स के हवाले से लीजियंस एंड चार्जेस के हवाले से वो बैंक कंफर्मेशन से ही मिलती है अब आपका क्वेश्चन ये है कि क्लाइंट के किसी स्टाफ मेबर के साथ एक ट्रेनिंग चला जाए तो बेहतर ये है कि इसको पोस्ट के थ्रू ही सेंड करें तो क्या आपने अकाउंट नंबर लिख के भेजा था अच्छा तो उन्होंने ये कहा होगा ना कि इस इस कंपनी का अकाउंट ही नहीं है हमारे पास फिर उन्होंने कहा अकाउंट है यह तो कुछ स्पेशल सरकम आंसेस है फिर ठीक है ये प्रैक्टिकली तो आ, आ सकती हैं क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे यह पूछ सकता है कि अगर आपको क्लाइंट ऐसा ऐसी ऑप्शन दे रहा है तो बेहतर यह है कि आप इसको रजिस्टर्ड कोरियर या पोस्ट के थ्रू भिजवाए तो जी जी ईमेल के थ्रू जा रही होती है बिल्कुल क्वेश्चन है कोई या सिर्फ आप बता रहे हैं हाँ जी हाँ जी आप सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप ना करें ईमेल के थ्रू आप कर सकते हैं ठीक है व्हाट्सएप के थ्रू ना करें लेकिन ईमेल या इलेक्ट्रॉनिकली सेंड और रिसीव करने के लिए आपको स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपकी फिर वो जो ट्रांसमिशन की इंटेग्रिटी है उसको इंश्योर करें अब वो इंटेग्रिटी ओवर ट्रांसमिशन आपके कोर्स में किसी टाइम होता था फिर वो अब नहीं है कोर्स में तो वो इंटेग्रिटी ओवर ट्रांसमिशन थ्रू इंक्रिप्शन आप कर सकते हैं बाय यूजिंग सम आपके सिक्योरिटी मैकेज़म्स होते हैं उसके थ्रू कर सकते हैं कि आपका सेंडर और रिसीवर जो है उनकी इंटेग्रिटी या उनकी आइडेंटिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो तो इट कैन बी सेंड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन एज वेल ये बड़ा फॉर्मल मीन है मतलब आप ई के थ्रू मंगवा सकते हैं जी उसके बाद नेक्स्ट जी बैंक डायरेक्ट कंफर्मेशन सेंड करते हैं जी और पॉजिटिव और प्रेफरेबली मेथड टू मेथड टू क्या होता है ब्लैंक कुछ लेख के नहीं भेजते तो इंफॉर्मेशन क्या कंफर्म करते हैं आप बैंक को कह रहे होते हैं सारे अकाउंट्स बताएं हमें ंग विथ बैलेंस लीजन चार्जेस सिक्योरिटीज फॉर लोन बैंक चार्जेस सब कुछ बताएं कुछ लिख के नहीं भेजना बैंक को बैंक ही फील करेगा और ये बहुत इसेंशियल होती है बैंक के बैलेंस को वेरीफाई करने के लिए जब आपको रिसीट ऑफ डायरेक्ट कंफर्मेशन आ जाएगी तो फिर आप इसको कैशबुक के साथ कंपेयर करेंगे और इस इंफॉर्मेशन को आप रिलेट करेंगे अदर एरियाज ऑफ ऑडिट फॉर एग्जाम्पल इसमें आपको एक इंटरेस्ट एक्सपेंस नज़र आया या इसमें कन्फर्मेशन में ये लिखा हुआ है कि जी इनकी एक शॉर्ट टर्म रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी भी है और उसका बैलेंस है से वन मिलियन आप देखते हैं लोन तो रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ एंटिटी ने तो कहीं उन्होंने बैंक का बैलेंस नेट ऑफ करके तो नहीं लिखा हुआ तो आप अदर एरियाज़ ऑफ ऑडिट के साथ इसको रिलेट करें अगर वहाँ पे कोई बैंक चार्जेस लगे हुए हैं उनको रिकॉर्ड करवाएं अगर ऑलरेडी रिकॉर्डेड नहीं है बैंक चार्जेस नॉर्मली वो इसमें लिख के भेजते हैं स्टेटमेंट में भी आ जाते हैं यहाँ पे भी लिखते हैं भेजते हैं और देखें कि को, कोई अनयूजल डिले डिलेज तो नहीं है रिकॉर्डिंग के हाले से उसके बाद बैंक रिकन्सीेशन में ये प्रोसीजर्स आपने अप्लाई करने आप रिसीव ऑप्टेन करें या प्रिपेयर करें उसकी अरेथमेटिकल एक्यूरेसी देखें मैच करें बैलेंस एज पर बैंक और डायरेक्ट कन्फर्मेशन सेम है जो लिखा हुआ है रिकन्सीेशन uh, में जो यूज हो रहा है वही डायरेक्ट कन्फर्मेशन में बैलेंस आया है सबसिक्वेंट क्लियरेंस ऑफ अनप्रेजेंटेड चेक्स देखें और स्पोर्टिंग देखें फॉर रिकनसाइलिंग आइटम कैश कैश काउंट कैश बहुत सिंपल है जी इसके हवाले से जरा बताएं जी मुझे कोई क्वेश्चन एनी क्वेश्चन और क्वेरी आप कह रहे थे जी क्या नहीं समझ आया अच्छा तो बी आर एस का पता ही नहीं है क्या है तो पहले तो बैठ के किसी से बी आर एस पढ़ें बैंक रिकन्सिलेशन बनती है बेसिकली देखें आ, आपके पास जो बैंक का बैलेंस आ रहा होता है ना और जो बैंक के पास आपका बैलेंस आ रहा होता है यानी अकाउंट तो आपका है ना आप एक लेजर मेंटेन कर रहे हैं और एक बैंक स्टेटमेंट मेंटेन हो रही है बैंक में इन दोनों में नॉर्मली डिफरेंस होता है क्योंकि आज आपने चेक इशू किया उसको चार दिन लग जाते हैं क्लियर होने में और किसी ने आके आपके अकाउंट में डायरेक्टली पैसे जमा करा दिए आपको शायद बैंक स्टेटमेंट आती है तो पता चलता है ठीक है या कोई ईमेल आती है तो पता चलता है तो ये जो इस तरह के डिफरेंसेस होते हैं इनको रिकनसाइल करने के लिए येयर एंड पे वैसे तो मंथली बनती है हमारे लिए रेयर एंड पे बैंक रिकन्सीन जरूरी होती है ताकि एक सिंगल बैलेंस आ जाए रिकनसाइल्ड तो उस रिकनसीशन के ऊपर आपने क्या प्रोसीजर्स अप्लाई करने हैं ये लिखा हुआ है आपने किसी से जरा रिकन्शन एक समझ लीजिएगा लास्ट टाइम उसने रिकन्सिलेशन पूछी भी है उस एग्जामिनर ने रिकंसिलेशन ही दी हुई थी क्वेश्चन में चले होपफुली आप नहीं पूछेगा ठीक है प्रोसीजर में मैं समझा नहीं हाँ वो क्या करते हैं लिख सकते हैं मतलब पहले प्रायोरिटी ही प्रोसीजर्स को दें जो आपके पास लिखे हुए हैं उसके बाद एक्स्ट्रा आप लिख लें अगर है अच्छा जी क्विकली इस टॉपिक के क्वेश्चन फिर हम रिस्क डिस्कस करते हैं अगर मैं थोड़ी सी क्लास एक्सटेंड कर दूं तो किसी के चलें लाइव जा रही है कैसी जगह पे जरा जोक्स जो है वो होल्ड करते हैं तो प्रॉब्लम तो नहीं है अब ठीक है हाँ अच्छा चलें चलें जी ये देखें जी आपके क्वेश्चंस देखें जी ये हैं आपके इन्वेंट्री के ऊपर इन्वेंट्री पे स्टॉक काउंट पे क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं नंबर वन डेफिशिएंसीज़ इन स्टॉक काउंट काउंट प्रोसीजर में डेफिशिएंसीज़ हो सकती हैं आपसे वो एनआरवी की के ऊपर प्रोसीजर्स पूछ सकता है फॉलो अप से रिलेटेड प्रोसीजर्स पूछ सकता है कि काउंट हो गया उसके बाद क्या प्रोसीजर्स आप अप्लाई करेंगे जैसे आप ये देखें ये एनआरवी के ऊपर आई थिंक प्रोसीजर्स हैं ये और ये वाले हैं जी ड्यूरिंग द ईयर एंड इन्वेंट्री काउंट ऑडिट टीम डिसाइडेड टू विजिट थर्ड पार्टी प्रेमिसज फॉर द इन्वेंट्री वैल्यूड एट 10 मिलियन हाँ थर्ड पार्टी के ऊपर भी वो प्रोसीजर्स पूछ सकता है कि थर्ड पार्टी इन्वेंट्री को वैल्यू करने के लिए उसको वेरीफाई करने के लिए क्या प्रोसीजर्स आप अप्लाई करेंगे इस एरिया में अगर वो दोबारा क्वेश्चन पूछेगा तो इसी तरह का क्वेश्चन ही एक्सपेक्टेड है इन्हीं एरियाज में थर्ड पार्टी यू आर अनएबल टू वेरीफाई रोल फॉरवर्ड रोल बैक फॉलो अप एंड वैल्यूएशन लोअर ऑफ कॉस्ट एन आर वी ये इससे बाहर वो इसमें नहीं जाएगा उसके बाद है आपका रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल में देखें उसके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हैं जी जो इस दफा उसने पूछा है इफ आई रिमेंबर करेक्टली अराउंड 11 आफ्टर 11 इयर्स ये पूछा लास्ट टाइम ये कोई 10 से 11 साल पहले उसने लेटर पूछा था इस तरह ठीक है तो जो चीज वो नहीं पूछ रहा इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं पूछेगा दोबारा तो ऑटम 21 में उसने दोबारा ये लेटर दिया और कहा कि मुझे बताएं इसमें डेफिशंसीज क्या हैं। तो लेटर को इतने अच्छे से पढ़ना है कि आपको पता हो कि उसमें मिनिमम क्या इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है ठीक है ये ऑटम ट्वेंटी का क्वेश्चन है इसमें शॉर्ट पूछी हिस्टोरिकली उसका जो फेवरेट क्वेश्चन था वो ये था कि वो आपको टाइप्स ऑफ डेटर देता था और कहता था कि जी एज़ पर बुक ये है एज़ पर कन्फर्मेशन ये है और ये कमेंट्स हैं तो बताएं ज़रा ये जो जूनियर्स ने काम किया हुआ है ये ठीक किया हुआ है या क्या फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स फर्दर वेरिफिकेशन आप करना चाहेंगे इस एरिया में तो ये देखें ये वैसा क्वेश्चन है ये भी सिमिलर क्वेश्चन है ये भी सिमिलर क्वेश्चन है फॉर्मेट देखें सेम है ये भी सेम फॉर्मेट है यहां उसने जाके थोड़ा सा डिफरेंट किया 18 में अगेन ये भी वही फॉर्मेट है इसको देख लेते क्या है आई एम कंसीडिंग टू सर्कुलेट नेगेटिव कंफर्मेशन ये नेगेटिव कंफर्मेशन के ऊपर है आपसे वो पूछना चाह रहा है कि क्या नेगेटिव कंफर्मेशन में सेंड हो सकती है वही फोर पॉइंट्स याद कर लें अगर साइमल्टेनियसली मीट हो रहे देन यू कैन सेंड नेगेटिव कंफर्मेशन क्लियर और आपका फेवरेट जनाब रिकन्सीन पे क्वेश्चन ये आया हुआ है ये होती है जी रिकन्सीेशन उसने बना के दे दी तो आप बच गए आपने ये अटैम्प्ट नहीं दी ठीक है वरना ये वाली अटैम्प्ट जी ठीक है तो शुक्र है थोड़ा सा लेट आए हैं आप सी में अदरवाइज ये एट मार्क्स हैं एट मार्क्स तो फिर गए थे ठीक है तो ये आया था जी कैश एंड बैंक पे तो इस दफा अगेन क्वेश्चन इन्हीं पे ही एक्सपेक्टेड है चैप्टर नाइन अगर वो जाएगा तो रिसीवेबल और इन्वेंट्री को ही टच करेगा देख लें जी एक दफा रिसीवेबल इन्वेंट्री में कोई आपकी कोई री हो वैसे उसने पैटी कैश भी पूछा लास्ट में उसने पैटी कैश पूछा याद है किसी को इंटरनल कंट्रोल में पूछा ये नहीं पूछा सही कहना इंटरनल कंट्रोल में उसने पैटी कैश के ऊपर कंट्रोल पूछा जी इन केस ऑफ रिसीवेबल रिसीवेबल के केस में के बैंक के केस में देखें जी 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 आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन बैंक के केस में मेथड टू तो की प्रेफरेंस है क्योंकि उसकी वजह यह होती है कि जो सारी असर्शन हैं बैंक से रिलेटेड वो तभी कंप्लीट होती है जब हम मेथड टू सेंड करें यानी ब्लैंक सेंड करें ब्लैंक का मतलब ये नहीं कि कुछ ना लिखें ब्लैंक का मतलब ये है कि सारी इंफॉर्मेशन हम उनसे रिक्वायर कर रहे होते हैं हम अकाउंट्स नंबर या अकाउंट्स uh, नंबर या नंबर ऑफ अकाउंट्स लिख के नहीं भेज रहे होते हैं। तो बैंक मैथड टू अब जो आपका रिसीवेबल है उसमें भी अगर आपको अश्योरेंस ज्यादा चाहिए रिलायबिलिटी ज्यादा चाहिए तो आप मैथड टू यूज करेंगे क्योंकि उसको रिप्लाई करने के लिए जो आपके क्लाइंट का कस्टमर है उसको फिल करना पड़ेगा जाके बैलेंस देखना पड़ेगा अपने रिकॉर्ड्स में और वहां से उसको फिल करना पड़ेगा तो लेकिन अगर आपकी प्रेफरेंस है रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स ज्यादा आए तो फिर आप मेथड वन पे जाएंगे सो मेथड वन इज लेस रिलायबल लेकिन उसका रिस्पॉन्स ज्यादा होता है और मेथड टू इज मोर रिलायबल यानी अगर ये एक रिस्की एरिया है जहां रिस्क, रिस्क ज्यादा है रिसीवेबल्स में तो प्रेफरेबली पॉजिटिव में मेथड टू यूज करें अगर रिस्क लेस है कम है देन यू कैन यूज मेथड वन चलें जी रिस्क की बात हुई आए जी जरा रिस्क को डिस्कस करते हैं फिर चैप्टर थ्री योर फेवरेट ऑडिट रिस्क नहीं है फेवरेट फेवरेट है तो मस्ट क्वेश्चन है जी रिस्क का फ्रॉड रिस्क पे जरूर क्वेश्चन आएगा तैयार हो जाए और रिस्क के लिए इतने तैयार हो जाएंगे रिस्क भी आपका क्वालिफिकेशन तक आपके साथ रहेगा ठीक है और अगर आगे प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस नहीं भी करेंगे तो रिस्क भी साथ नहीं छोड़ता रिस्क असेसमेंट आपको जिस मर्जी रोल में चले जाएंगे आगे करनी पड़ेगी सो चैप्टर थ्री वैसे जी ये मैं बोर्ड फाइल पे लिखवाता हूं अब ये थोड़े से इस तरह के नोट्स हैं तो इनसे गुजारा करना है आपने टाइम होता तो अच्छी सी बोर्ड फाइल बनाते दो घंटे लगा के चले जी स्ट्रेटजी फॉर रिस्क एंड रिस्पांस रिस्क असेसमेंट क्यों कर रहे होते हैं पहले मुझे ये बताएं आप ट्रिप करने जा रहे हैं नॉर्दर्न एरियाज में पहली रिस्क असेसमेंट अपनी ये करेंगे मौसम कैसा है स्नोफॉल हो रही है तो क्या करेंगे नहीं जाएंगे क्या अंडे लेके जाएंगे अच्छा मोटे कपड़े अच्छा गर्म कपड़े लेके जाए मैंने कहा शायद एग्स खा के नहीं ऐसा नहीं करना गर्म कपड़े तो आप क्या करना चाह रहे हैं रिस्पोंड करना चाह रहे हैं रिस्क को रिस्क असेसमेंट का तो ऑब्जेक्टिव ही होता है कि आपने उसको रिस्पोंड करना है तो रिस्क असेसमेंट पहले देखते हैं जी आपके क्वेश्चन में इन फाइव एवेन्यूज में रिस्क एग्जामिनर आपसे पूछेगा फर्स्ट एवेन्यू वो आपसे पूछेगा बिजनेस रिस्क कंपटीशन कंपटीशन आपका कंपेटिटर अगर आ गया न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आ गए राइट टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है बिजनेस रिस्क है इन बिजनेस रिस्क को आपने रिलेट करना होता है रिस्क ऑफ मटेरियल में एट असरशन लेवल अगर आप ऑडिट रिस्क बिजनेस रिस्क लिखा है आपको मार्क्स नहीं मिलते यानी अगर एग्जामिनर आपको कहे इन लिस्ट ऑडिट रिस्क और आप लिखे कंपटीशन मार्क्स नहीं मिलेंगे कंपटीशन टफ कंपटीशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कहाँ इफेक्ट करेगा उसके मार्क्स मिलेंगे आगे चल के डिस्कस करते हैं दूसरा रिस्क जो बिल्ट होता है वो था रिस्क ऑफ एरर्स ठीक है जहां पर अन इंटेंशली मैनेजमेंट मिस्टेक्स कर रही होती है इन रेकग्निशन मेजरमेंट एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स तीसरा रिस्क जो बिल्ड करेगा एग्जामिनर आपके क्वेश्चन में या कर सकता है वो है रिस्क ऑफ फ्रॉड तो ये इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट्स होती हैं जो आपको नजर आएंगी मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल नजर आ सकता है मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स नजर आ सकती है फ्रॉडल एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नजर आ सकती है फोर्थ रिस्क असेसमेंट जो वो आपसे करवाता है वो करवाता है थ्रू एनालिटिकल प्रोसीजर्स एनालिटिकल प्रोसीजर्स क्या होते हैं जी कोई एक एग्जाम्पल दें कंपेरिजन रेशोज आपसे जो क्वेश्चन वो पूछता है कि फ्लक्चुएशन आइडेंटिफाई करें अनएक्सप्लेन फ्लक्चुएशन या वो रिस्क के क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि सेल्स अगर थर्टी परसेंट इंक्रीज हो रही है तो कॉस्ट ऑफ सेल टेन परसेंट क्यों इंक्रीज हो रही है लोन अगर डबल हो गया है तो इंटरेस्ट एक्सपेंस फिफ्टी फिफ्टीन परसेंट क्यों इंक्रीज हुआ ये अनएक्सप्लेन फ्लक्चुएशन जो होती हैं इनकी वजह से रिस्क जनरेट होता है या हम इनकी वजह से रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं मैनेजमेंट से पूछते हैं कि ये बताएं इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है फोर्थ फिफ्थ एवेन्यू जो है वो है नॉन कंप्लायंस विद लॉज जैसे कोई भी लॉ है टैक्स लॉज सेल टैक्स लॉज हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज लेबर लॉज राइट आपका कोई लाइसेंसिंग से रिलेटेड लॉज हैं अगर उनकी नॉन कंप्लायंस का रिस्क आ जाता है तो वो भी आपके रिस्क असेसमेंट में टेस्ट हो सकते हैं जैसे लेट से आप केमिकल डंप कर रहे हैं आप क्लाइंट के क्लाइंट जो है वो केमिकल प्लांट चलाता है और जो वेस्टेज है वो वैसे ही फेंक देता है उसको वैसे रिमूव नहीं करता जैसे आ, आ, आपका लॉ कहता है तो इससे क्या होगा नॉन कंप्लाई करेंगे जब आप लोग सिग्नल तोड़ते हैं तो क्या होता है फाइन एंड पेनल्टीज तो नॉन के केस में हमें कोई मसला नहीं है जाए लॉ तोड़ें हम कोई वो थोड़ी, मतलब थोड़ी है मतलब लॉ थोड़ी इंश्योर करवाने हैं हम कहते हैं ठीक है आपने लॉ तोड़ लिया ना अब इससे रिलेटेड प्रोविजन बुक करें पेनल्टीज बुक करें वो बुक करें, करें क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो रिस्क है या ना करने का रिस्क है राइट right? रिस्पॉन्स कैसे करते हैं जी रिस्क को ओवरऑल रिस्पॉन्स करते हैं या स्पेसिफिक रिस्पॉन्स करते हैं एज पर आईएस ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं अब रिस्क असेसमेंट रिस्क असेसमेंट में देखें जी वॉट इज रिस्क रिस्क क्या है रिस्क है ऑडिट रिस्क इज रिस्क ऑफ इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपने ओपिनियन देनी है अप्रोप्रिएट ओपिनियन देनी है तो रिस्क क्या कर रहा है? आपको आपके ऑब्जेक्टिव से रोक रहा है आपका ऑब्जेक्टिव क्या है आपने सीए करना है रिस्क क्या है वो सारे रिस्क हैं जो आपके आपको क्वालिफाई करने से रोक सकते हैं वो आपका डिसिप्लिन ना होना है क्लासेस स्किप करना है अटेम्प्ट सीरियसली ना देना है टाइम वेस्ट करना इंक्लूडेड है राइट ये सारे रिस्क हैं जो आपको आपके ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने से रोक रहे हैं तो ये ऑब्जेक्टिव है ऑडिट ओपिनियन एक्सप्रेस करना सो ऑडिट रिस्क इज रिस्क ऑफ इनअप्रोप्रियट ओपिनियन आसान अल्फाज में रिस्क को हम कहते हैं एरर्स और फ्रॉड यानी रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट एरर्स और फ्रॉड आसान अल्फाज में अभी हम इसको यही नाम देते हैं इंटेंशन और अन इंटेंशनल की बेस पे सो व्हाट इज ऑडिट रिस्क रिस्क तो हमने डिफाइन कर लिया ऑडिट रिस्क के तीन कंपोनेंट बड़ी डिटेल से आपने पढ़े होंगे इनहेरेंट कंट्रोल एंड डिटेक्शन रिस्क क्लियर इनहेरेंट कंट्रोल एंड डिटेक्शन रिस्क इनहेरेंट रिस्क क्या होता है आसान सी एग्जाम्पल के अगर आप सी ए को कंपेयर करें किसी भी आसान सी डिग्री से तो इनहेरेंट रिस्क इसमें ज्यादा होगा सी ए में राइट right? उसके बाद कंट्रोल रिस्क कंट्रोल रिस्क आप क्यों लगाते हैं कि आपके इनहेरेंट रिस्क को कंट्रोल करें वो रिस्क कंट्रोल रिस्क जब आपको लगता है कि सेल में रिस्क ये है कि ऐसी पार्टी को हम सेल कर देंगे जिसकी क्रेडिट लिमिट अप्रूव नहीं होगी तो आप कंट्रोल क्या लगाएंगे कि इनका ऑर्डर एक्सेप्ट करने से पहले क्रेडिट डिपार्टमेंट क्रेडिट चेक करे, यह कंट्रोल है राइट उसके बाद होता है डिटेक्शन रिस्क डिटेक्शन रिस्क ऑडिटर का रिस्क होता है कि प्रोसीजर्स जो है वो रिस्क प्रोसीजर्स uh, जो है वो सारे uh, जो आपके रिस्क uh, हैं उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे ऑडिट प्रोसीजर्स सो ये वन एंड टू एंटिटी के रिस्क होते हैं दीज टू आर ऑफ एंटिटीज रिस्क और ये ऑडिटर का रिस्क है ये आप लोगों को बात पता है अब ये देखें कि एक रिस्क ऑडिट रिस्क में कैसे कन्वर्ट होता है देखें रिस्क इनिशिएट होता है इनिशिएट होता है इनहेरेंट रीजंस की वजह से ठीक है जैसे अगर आपकी क्वालिफिकेशन के एग्जाम्पल लें तो आप में से कोई एक ऐसा स्टूडेंट हो सकता है कि जिसको इनहेरेंटली खुद से पढ़ने की आदत ना हो उसके ऊपर फिर कंट्रोल लगाया जाता है अब इनहेरेंट रिस्क ये है कि सेल जो है इस इस एंटिटी की सेल जो है वो अन अप्रूवड अनऑथराइज पार्टी को हो जाएगी ऐसे कस्टमर को हो जाएगी जिसका क्रेडिट अप्रूव नहीं है उसके लिए आप क्या करते है? फिर कंट्रोल लगाते हैं तो एक रिस्क यहां से इनिशिएट होता है कंट्रोल पे आता है और कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव होता है इसको रोकना अगर वो इसको ब्रीच कर जाए तो आगे फिर आ जाता है डिटेक्शन रिस्क अगर ऑडिटर के प्रोसीजर्स भी इसको डिटेक्ट ना कर सकें तो फिर ये बन जाता है ऑडिट रिस्क तो रिस्क कहां से जनरेट होता है इनहेरेंट रीजंस की वजह से तो इसलिए एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का रिस्क ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ट्रेडिंग कंपनी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का रिस्क ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ट्रेडिंग कंपनी ठीक है चले जी नेक्स्ट आए जी ऑडिट रिस्क की टाइप्स आपने देख ली अब हम असेस कैसे करते हैं रिस्क असेसमेंट के लिए हमारे पास ऑडिट प्रोसीजर्स हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स हम इंक्वायरीज एनालिटिकल प्रोसीजर एंड ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन से इसको असेस करते हैं मैं जरा जूम आउट कर देता हूं ये आपको सारे पता है इंक्वायरीज हम किससे करते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स कौन से होते हैं एंड इंटरनल ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन हम किस तरह से करते हैं इंटरनल कंट्रोल की करते हैं ये है जी आपके रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स आप टू लेवल्स पे परफॉर्म करते हैं एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल होता है एक असर्शन लेवल होता है और असर्शन लेवल पे फर्दर टू लेवल्स होते हैं अकाउंट बैलेंस एंड क्लासेज ऑफ ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन क्लासेज ऑफ ट्रांजेक्शन इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम और फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे रिस्क असेसमेंट होती है क्या आप देखते हैं कि ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट तो नहीं कर रहा कोई ऐसा रिस्क तो नहीं है जैसे मैनेजमेंट ओवर ऑफ कंट्रोल होता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इफेक्ट कर रहा होता है अब यहां से फिर मैं डिस्कशन करवाता हूँ जो अभी आप लोगों के लिए इरेलीवेंट है इट इज कॉल्ड असर्शंस असर्शंस आती कहां से हैं कैसे जनरेट होती हैं असर्शन जो है ये इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट क्लेम्स होते हैं जैसे अगर मैं कहता हूँ जो मेरे पास आई फोन है तो इट मीन्स वो आईफोन एग्जिस्ट करता है ये क्लेम है ना उसके अंदर कंपनी कहती है मेरे पास प्लांट है तो इट मीन्स प्लांट एग्जिस्ट भी करता है ये है भी कंपनी का अगर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में हंड्रेड मिलियन का प्लांट रिकॉर्डेड है और ये भी इसमें क्लेम है कि मेरे पास दो प्लांट्स नहीं है एक ही प्लांट है क्योंकि एक ही रिकॉर्डेड है वैल्यूएशन भी ठीक है क्लासिफिकेशन भी ठीक है तो इन क्लेम्स को मैं वेरीफाई जब कर लेता हूं तो इसको मैं कहता हूं वेरिफिकेशन ऑफ असर्शन और इनको मैं कहता हूं सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स ये देखें अगर एग्जिस्ट करता है इन्वेंट्री अगर एग्जिस्ट करती है तो फिजिकल काउंट कर लेते हैं राइट्स डॉक्यूमेंट से देख लेते हैं कंप्लीटनेस फिजिकल काउंट से आ जाती है हमारे पास वैल्यूएशन के लिए एनरवी देख लेते हैं क्लासिफिकेशन के लिए हम डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं कि सही क्लासिफाई हुई है कि नहीं हुई अब बात आ गई रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से ऑडिट प्रोसीजर पे तो टाइप ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होते हैं जी देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स टेस्ट ऑफ कंट्रोल सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स और सब्सटेंटिव में फर्दर दो टाइप्स होती हैं सब्सटेंटिव एनालिटिकल एंड टेस्ट ऑफ डिटेल होना नहीं है नेक्स्ट पॉइंट सिस्टम बेस्ड अप्रोच ऑफ ऑडिट सिस्टम बेस्ड अप्रोच क्या होती है इसको हम करते हैं जी स्किप इनहेरेंट कंट्रोल डिटेक्शन रिस्क का वेरिएबल क्या होता है कैसे हम इसको मैनेज करते हैं ये भी आपको पता है रिस्क असेसमेंट टाइप वन रिस्क असेसमेंट क्वेश्चन ये बस समझ लें जो कि हम बात कर रहे थे बिजनेस रिस्क को हमने रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट असर कैसे लेके जाना होता है ये देखे कंपटीशन इज बिजनेस रिस्क कंपटीशन से क्या होता है कंपटीशन जब टफ हो जाए स्ट्रिक्ट हो जाए तो वो दो एरियाज को इफेक्ट करता है नंबर वन सेल डिक्रीज हो जाती है नंबर टू इन्वेंट्री हम सेल नहीं कर पा रहे और प्लांट की जो रिकवरेबल वैल्यू होती है वो भी कम हो जाती है तो एक तरफ इंपेयरमेंट का रिस्क आ जाता है दूसरी तरफ एनआरवी का रिस्क आ जाता है राइट right? नेक्स्ट देखें टेक्नोलॉजी ये भी रिस्क है ये भी हमारी एनआरवी और इंपेयरमेंट को रिस्क करता है उससे देखें नेक्स्ट न्यू लॉज एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स इसकी वजह से एरर रिस्क ऑफ एरर आता है क्योंकि लोगों को एक दो साल तो समझ नहीं आती स्टैंडर्ड्स हैं क्या जैसे आई एस थर्टी नाइन की समझ आ रही थी आई एफ आर एस नाइन ना आ गया अब उसको समझते समझते को नया आई एफ आर एस आ जाना ठीक है तो इस तरह की बातें होती हैं जी जो आपका ये रिस्क होता है अब आप लोगों ने इसको तो देखना ही है साथ आपने क्या करना है जी एक मिनट जी आप लोगों के लिए मैं एक डॉक्यूमेंट अपलोड करूंगा और वो डॉक्यूमेंट ये होगा जी सरकम ये सिचुएशंस आपने एक दफा पढ़ लेनी है जी ये वाली रीड करना है जी इनको सब लोगों ने कंडीशंस एंड इवेंट्स डैट में इंडिकेट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ये एग्जामिनर क्वेश्चन में बिल्ड करता है जी क्वेश्चन के अंदर वो बिल्ड करेगा कैसे करेगा कोई आसान सी मैं पढ़ के सुनाता हूं एक्सपेंडिंग टू न्यू लोकेशन इससे भी रिस्क राइज होता है आप कराची में बिजनेस करते हैं आपके मार्केट कराची है लाहौर में सेल स्टार्ट कर दी जो एंटिटीज लाइकली टू बी सोल्ड होती हैं हो, उसमें भी रिस्क होता है रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू अच्छा दिखाते हैं ना जैसे आपने गाड़ी सेल करनी हो सेल करने से पहले क्या करते हैं उसको शोरूम पे लेके जाते हैं ठीक है उसको चमकाते हैं और फिर अच्छी वैल्यू पे सेल करने की कोशिश करते हैं सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टीज लैक ऑफ पर्सनल विद अप्रोप्रिएट स्किल्स एरर्स का रिस्क आता है चेंज इन की पर्सनल डेफिशेंसीज इन इंटरनल कंट्रोल चेंज इन आई टी इन्वायरमेंट जब भी सॉफ्टवेयर में लिखा हो न्यू अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जब भी क्वेश्चन में लिखा हो न्यू अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैज बिन इंस्टॉल्ड देर विल बी रिस्क ऑफ एरर्स ठीक है इसी तरह देखें जी आ, अगर इंक्वायरीज खुल आप आ, जाए आप शुगर मिल का ऑर्डिट करने अभी जा ही रहे थे पता चला शुगर कमीशन बन गया और एक्स वाई जी शुगर मिल का इंक्वायरी स्टार्ट हो गई रिस्क है रिस्क ऑफ नॉन कंप्लायंस ठीक है पास हिस्ट्री ऑफ मिसस्टेटमेंट उसके बाद सिग्निफिकेंट नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन एंटिटी प्लांट सेल कर दे अपनी बिल्डिंग सेल कर दे न्यू अकाउंटिंग प्रोनाउंसमेंट कंप्लेक्स अकाउंटिंग करे सिग्निफिकेंट एस्टीमेट्स में हमेशा रिस्क होता है और एस्टीमेट में जो रिस्क होता है वो क्या होता है रिस्क ऑफ बायसनेस मैनेजमेंट बायसनेस का रिस्क होता है एस्टिमेट में क्या करते हैं आप जैसे आप अपनी मार्क मार्क्स लगा रहे होते हैं पेपर देने के बाद तो एस्टिमेट ही कर रहे होते ना तो हमेशा ही पास होते हैं वो उसको क्या कहते हैं बायसनेस ठीक है आप कहते हैं नहीं ये तो मेरा पास ही है ठीक है तो इसी तरह मैनेजमेंट जब एस्टिमेट करती है तो अपनी अपनी जरूरत के मुताबिक उस एस्टिमेट को चेंज करती है राइट पेंडिंग लिटिगेशन एंड कंडीज इसको ना एक दफा आपने रीड करना है एक रीडिंग इसकी रिकमेंडेड है उसके बाद है जी एनालिटिकल प्रोसीजर्स आपको पता है बस मैं क्विकली आपको बता रहा हूं कि एनालिटिकल प्रोसीजर्स का यूज किस तरह से होता है आपके रिस्क के क्वेश्चन में एनालिटिकल प्रोसीजर्स आपके थ्री स्टेज पर यूज होते हैं आपको पता होगा जी रिस्क असेसमेंट की स्टेज सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स की स्टेज ओवरऑल रिव्यू प्रोसीजर ये सब लोगों को ये बात पता है ठीक है रिस्क असेसमेंट की डिस्कशन 315 या चैप्टर थ्री में है सब्सटेंटिव प्रोसीजर की डिस्कशन पे है जी प्रोसीजर्स में है या इसके लिए एक स्टैंडर्ड है आई एस ए फाइव ट्वेंटी जो आपके कोर्स में है और ये है चैप्टर नंबर सेवन में सेवन ऑफ आई कैप पढ़ा है कभी पढ़ा होगा ऐसे तो ना छोड़ दिया चैप्टर सेवन अभी पढ़ना है अच्छा नहीं पता लेकिन एनालिटिकल प्रोसीजर तो लिखे हुए हैं ना कहीं ये वही आई एस ए अच्छा उसके बाद प्लॉजिबल रिलेशनशिप अच्छा आई एस ये एनालिटिकल प्रोसीजर्स कहां अप्लाई होते हैं ये हर जगह नहीं होते जी एनालिटिकल प्रोसीजर जहां प्लॉजिबल रिलेशन होता है प्रडिक्टेबल रिलेशन होता है जैसे लोन बढ़ेगा तो इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ेगा सेल्स बढ़ेंगी कॉस्ट ऑफ सेल इंक्रीज होगी सेल्स बढ़ेंगी अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज होगा ये प्लॉजल है ठीक है लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे लेट से एसेट इंक्रीज होंगे तो से uh, मेरी जो है वो मार्केटिंग uh, एक्सपेंस भी इंक्रीज़ होना चाहिए मैं रिलेट नहीं कर सकता शायद ठीक है या मैं ये नहीं कह सकता मेरा एसेट डबल हो गया तो मेरी फाइनेंस कॉस्ट भी डबल होनी चाहिए अनलेस कि मैंने लोन भी डबल किया हो तो प्लॉजिबल रिलेशनशिप में हम इसको यूज़ करते हैं फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं जैसे नंबर ऑफ इंप्लॉयज़ अगर इंक्रीज़ हुए तो पेरोल भी इंक्रीज़ होगी

फॉर्मेट कैसे होता है ये देखें फॉर्मेट देखें आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, आपको वो टू कॉलम फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रहा होता है करंट और फिगर्स। उसके नीचे नोट्स होते हैं जो उन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फिगर को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं सबसे ज्यादा जो रिस्क या जो एग्जामिनर ने हाइड की होती हैं वो इन नोट्स में की होती हैं एक्सप्लेनेशन को आपने सबसे पहले रीड करना है और इसको फाइनेंशियल फिगर्स के साथ रिलेट करना है जैसे फाइनेंशियल फिगर होगी ऊपर के से सेल्स इंक्रीज हो रही है टेन परसेंट कॉस्ट ऑफ सेल इंक्रीज हो रही है टेन परसेंट आपको लगेगा ये तो कोई इशू ही नहीं है नीचे सेल्स का एक नोट होगा उसमें लिखा होगा ड्यूरिंग द ईयर कंपनी हैज लॉन्च्ड थ्री न्यू प्रोडक्ट्स एंड फॉर दो दीज प्रोडक्ट्स

तो सबसे ज्यादा रिस्क और इनकंसिस्टेंसी इसी नोट्स में होती हैं सबसे पहले आपने नोट्स रीड करने और उनको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ रीड करना ए, रिलेट करना हो सकता है कुछ ऐसे नोट्स भी हों जिनके ऊपर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ जो रिलेट ना हो सकते हो यानी आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन गिवन हो नीचे सैलरीज पेरोल और नंबर ऑफ इंप्लॉयिज का एक नोट हो कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लास्ट ईयर इतने थे इस साल इतने हैं लास्ट ईयर टोटल सैलरीज से 10 मिलियन थी इस साल 15 मिलियन है नंबर ऑफ इंप्लॉय डिक्रीज हो रहे हो पेरोल इंक्रीज हो रहा हो या वर्सा तो उनमें आपने रिस्क ढूंढना है उसके बाद आपने रिमेनिंग रिस्क फाइंड करना है बाय अप्लाइंग रेशोज कंपेरिजन और जनरल रिस्क नहीं ढूंढना जहां पर रिस्क हो वहां देखना है यानी ये नहीं कहना कि लोन 10 परसेंट इंक्रीज हो गए तो रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट है एडमिन एक्सपेंसेस 5 परसेंट इंक्रीज हो गए रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट है मार्केटिंग एक्सपेंस 3 परसेंट डिक्रीज हो गए रिस्क ऑफ अंडस्टेंट ये नहीं करना जहाँ पे ऑब्वियस होगा वहाँ पे आपने इनको आइडेंटिफाई करना है और ये थ्री स्टेप्स में आपका आंसर हो जाएगा फोर स्टेप है जनरल आइटम्स होपफुली वहाँ तक आपको पहुँचने की जरूरत नहीं होगी और किसी भी वेरिएशन या एबनॉर्मल आइटम की जस्टिफिकेशन नहीं देनी क्वेश्चन में उसने जस्ट एबनॉर्मल आइटम इसीलिए डाले होते हैं कि आप रिस्क असेसमेंट कर सकें अभी आप थोड़े से आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं एक फिर क्लैरिटी हो जाएगी ये देखें रिस्क असेसमेंट का क्वेश्चन देखें जी चैप्टर नंबर सेवन में है जी ये और ये देखें जी क्वेश्चन ये नॉर्मली आपसे इनकंसिस्टेंसीज जो है वो आइडेंटिफाई करवाता है क्वेश्चन ये ये देखें जी ये आई कैप का क्वेश्चन है जी Analytical procedure का क्वेश्चन इस तरह से होता है ये ये इसको मैं financial data कह रहा था, ये financial data है और फाइनेंशियल डाटा से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन है ड्यूरिंग दर सेट दॉरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अब आप देखें क्या सेल प्राइस कितने परसेंट इंक्रीज हो रही है क्विकली जरा परसेंटेज कैलकुलेट करें इसकी कैसे परसेंटेज करेंगे 35,922 फाइव माइनस ट्वेंटी जो आंसर आएगा उसको 26,000 से डिवाइड करना सॉरी मैं गलत जगह देख रहा हूं ये ये सेल्स है जी वन टेन थाउजेंड माइनस सेवेंटी थ्री थाउजेंड डिवाइडेड बाय सेवेंटी थ्री थाउजेंड इंक्रीज इन सेल कैलकुलेट कर रहा हूं मैं फिफ्टी परसेंट कॉस्ट ऑफ सेल में इंक्रीज देखें फोर्टी फोर्टी सेवन परसेंट अब आपको ये बाहर सेम लग रही है ना कि आ, जो है वो ऑलमोस्ट दोनों में 50-50 परसेंट -50 इंक्रीज है कॉस्ट ऑफ सेल गलत निकाला है कितना है 20 51 परसेंट ऊपर वाला 50 ठीक है अच्छा अब ये देखें इसमें जो प्राइस का इंक्रीज है वो कितना है 20 परसेंट ऐसा ही है नीचे नोट्स में लिखा हुआ है कि 20 परसेंट हमने इंक्रीज किया है किसको? सेल प्राइस को तो रिमेनिंग थर्टी परसेंट किस चीज की वजह से इंक्रीज है क्वांटिटी की वजह से ठीक है जी रिमेनिंग थर्टी परसेंट यहां पर होना चाहिए क्वांटिटी की वजह से राइट right? अब इसको रिलेट करें आप कॉस्ट ऑफ सेल के साथ कॉस्ट ऑफ सेल आइडियली कितनी बढ़नी चाहिए थी थर्टी परसेंट आपने क्वांटिटी कितनी कॉस्ट यूज uh, की है एक्स्ट्रा थर्टी परसेंट की है ना राइट right? तो इस तरह से आपने इसको रिलेट करना है अगला देखें ऑन जोन डी पी एल ऑफ लोन ऑफ ट्वेंटी मिलियन विच इज पेबल इन टेन इक्वली इंस्टॉलमेंट्स अब देखें ये जो लोन रिकॉर्ड हुआ हुआ है इसको देखें ये सही रिकॉर्ड हुआ हुआ है टेन इक्वली इंस्टॉलमेंट में ये रिकॉर्ड हो रहा होगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने लोन की पेमेंट रिकॉर्ड ना की हुई हो और इसको आप इंटरेस्ट एक्सपेंस फाइनेंस कॉस्ट के साथ रिलेट करें देखें फाइनेंस कॉस्ट डिक्रीज हो रही है ठीक है और लोन के डिक्रीज और फाइनेंस कॉस्ट के डिक्रीज में जरा देखें कि क्या परसेंटेज ठीक है इस तरह से आपने इनकंसिस्टेंसीज आइडेंटिफाई करनी है तो ये इनको मैं नोट्स कह रहा था एक एक नोट पढ़ते जाएं उसको फाइनेंशियल फिगर के साथ रिलेट करते जाएं और उसके बाद क्या करें कि जो नोट्स ना रिलेट हो रहे हो उनको रीड करें और एंड पे जाके रेशोस कैलकुलेट करें जो रिमेनिंग हो एसेट टर्नओवर ओवर डाटा टर्न ओवर पेबल टर्न ओवर डेज ये कैलकुलेट करके देखें कि कहीं कोई स्ट्रांग या अनएक्सप्लेन फ्लक्चुएशन तो नहीं है तो थी थी थी? नहीं यहां पे वो आपको कह है है। वो रहा है कि फ्लक्चुएशन आइडेंटिफाई करें यहां वो आपसे ऑडिट प्रोसीजर्स नहीं मांग रहा कि मांग रहा है स्टेट ऑडिट प्रोसीजर बिल्कुल फ्लक्चुएशन के बाद ऑडिट प्रोसीजर्स भी बताने नहीं फिर ये आप पूछेंगे ना कि ये इसमें इंक्रीज किस चीज का आ रहा है क्या आपने ड्यूरिंग दर न्यू शेयर इशू किए हैं अगर किए हैं तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन लें अच्छा आए जी एक, एक दो रिस्क के क्वेश्चंस देख लेते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जी पास्ट पेपर ऑटम 22 क्वेश्चन नंबर फोर रीसेंट क्वेश्चन है जी आपका थैंक यू जी आई कैप कोटा थैंक यू चले जी ये देखें जी ये क्वेश्चन नंबर फोर है जी रिक्वायरमेंट देखें जी आइडेंटिफाई की ऑडिट रिस्क वर्ल्ड की इज वेरी इंपॉर्टेंट जनरल रिस्क सस्पेंडिंग की ऑडिट रिस्क इन स्नैरियो और उसके बाद गोइंग कंसर्न ये हम कर चुके की ऑडिट रिस्क ठीक है अब देखें योर फॉर्म इज ऑडिटर ऑफ एन एफ एल फॉर दर हंड्रेड थर्टी जून एन एफ एल इज अ फूड चेन पाकिस्तान एन एफ एल स्पेशलाइजेज इन पैन एशियन कजीन जैपनीज थी एंड चाइनीज फूड ऑन इट्स मैन्यू राइट तो यहां से आपको अंदाजा हो गया कि ये खाने पीने की बात हो रही है राइट तो रेस्टोरेंट की बात हो रही है तो रेस्टोरेंट में सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है आपके ख्याल में इन्वेंट्री पेरिशेबल होती है इसकी शेल्फ लाइफ होती है और बड़ी शॉर्ट होती है ठीक है वो एक अलग बात है कि आपको वो जरा ठीक करके खिला दें आपको पता ना चले लेकिन रिस्क यह है कि वो आपको एक्सपायर्ड इन्वेंट्री या ऐसा फूड ना खिला दें और उससे क्या अगला रिस्क क्या जनरेट होता है कि फिर आप लिटिगेशन ना कर दें उन पर ठीक है तो इसमें आपको इस तरह का मैटर नजर आ जाएगा अब ये जो मैं टाइप ऑफ रिस्क की बात कर रहा हूं ये कौन सा है बिजनेस रिस्क एरर फ्रॉड एनालिटिकल प्रोसीजर नॉन कंप्लायंस बिजनेस रिस्क मेनली तो देखिए आपको नहीं पता होता ये क्वेश्चन पढ़ के आपको लगता है रिस्क का क्वेश्चन है इसके पीछे वो फाइव फैक्टर्स हैं वो आके बीच में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं कहीं पे अगर परसेंटेज कैलकुलेट हो रही होगी एनालिटिकल प्रोसीजर एरर्स फ्रॉड बिजनेस रिस्क या नॉन कंप्लायंस वो आपको नजर आ रही होंगी कोई एक पॉइंट पढ़ लेते हैं सम इनग्रीडियंट यूड इन यूज इन फूड फूड प्रोडक्ट ऑफर्ड टू कस्टमर्स आर इंपोर्टेड ऑन थर्टी फर्स्ट ऑगस्ट गवर्नमेंट हैज बैंड इंपोर्ट ऑफ लग्जरी फूड आइटम्स विच इंक्लूड मोस्ट ऑफ द इंपोर्टेड आइटम यूज इन एन एफ एल मोस्ट

कि जो आपका अभी हम रिस्क आइडेंटिफाई करें फिर क्या करेंगे जो आपके वो लोकल इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं उनकी एनआरवी इफेक्ट हो जाएगी क्योंकि आप वो यूज नहीं हो सकते वो तो एक्सपायर हो जाएंगे सेवेंटी परसेंट ऑफ कस्टमर पे इन कैश वाइल रिमेनिंग पे थ्रू क्रेडिट और डेबिट कार्ड पाकिस्तान की बात करें तो कितने नाइन्टी फाइव परसेंट एंड अबव कैश राइट फर्दर मोर फिफ्टी फाइव परसेंट ऑफ कस्टमर विजिट्स ऑन वीकेंड ऑल कैश कलेक्शन ऑन वीकड डिपॉजिट इन द बैंक ऑन वेरी नेक्स्ट वर्किंग डे मीन्स अगर हम वीक एंड फ्राइडे को करें तो दो दिन तो कैश फिर उनके पास पड़ा रहा तो कैश की जो कलेक्शन है कैश की जो कलेक्शन है उसमें रिस्क बिल्ट होता है मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ कैश हो सकती है रिस्क ऑफ फ्रॉड ज्यादा होता है राइट right? तो इस तरह आपने पढ़ते जाना है और रिस्क आइडेंटिफाई करते जाना है ठीक है जी तो ये आपका रिस्क का क्वेश्चन था 520 का मैंने आपको थोड़ी सी डिस्कशन करवा दी है मटीरियलिटी में किसी को कोई इश्यू जी बिजनेस नहीं आएगा बिजनेस को रिलेट करना है रिस्क ऑफ मटीरियल में एट असर्शन लेवल यानी कंपटीशन लिखा होगा जैसे इस केस में एक्सपायरी ऑफ फूड आइटम इज बिजनेस रिस्क आपने बताना है इसकी वजह से होगा क्या इसकी वजह से यह होगा कि अगर इन्होंने एक्सपायर्ड आइटम्स खिला दी तो इनकी इनके ऊपर लिटिगेशन हो जाएगी फाइन एंड पेनल्टीज एंड लाइसेंस कैंसिल हो सकता नहीं आप लिखेंगे रिलेट करेंगे अदरवाइज वो फिर रिलेट कैसे होगा जी ड्यू टू कंपटीशन सेल्स वुड बी डिक्रीज एंड

प्लांट की जो कॉस्ट होती है वो हम कैसे रिकवर करते हैं उससे जो प्रोडक्ट सेल होती है फ्यूचर जो कैश फ्लोज होते हैं वो प्रोडक्ट सेल करने से ही आते हैं ना जो हम वैल्यू इन यूज़ डिटर्मिन करते हैं वैल्यू इन यूज कैलकुलेट किए कभी वैल्यू इन यूज ऑफ प्लांट तो वो फ्यूचर सेल से ही आ रही होती है ना फ्यूचर कैश इन फ्लोज तो वो भी इफेक्ट हो जाएगी तो प्लांट में इंपेयरमेंट आ जाएगी तो आप बिजनेस रिस्क मैंशन करें लेकिन उसको साथ रिलेट कर दें ठीक है इसी तरह अगर आप सिर्फ लिखते हैं लॉज की नॉन कंप्लायंस हो रही है वो भी ठीक नहीं है लिखें ड्यू टू नॉन कंप्लायंस रिस्क ऑफ लिटिगेशन विल अराइज एंड दस अंडर स्टेटमेंट ऑफ प्रोविजन या फाइन्स मे बी मे बी प्रेजेंट इन दिस क्लाइंट इस तरह कुछ आप लिखते हैं जी पार्ट बी किस तरह ड्राफ्ट करना है इसी क्वेश्चन का पार्ट बी है जी एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न आल्सो सजेस्ट ऑडिट प्रोसीजर देखें यहां पे आपने इवेंट्स और कंडीशन आइडेंटिफाई करने जिनकी वजह से गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो सकती है ये इवेंट्स एंड कंडीशन है ना इंपोर्ट बंद हो गई कितनी लोकल इंडस्ट्री बंद हुई है इंपोर्ट बंद होने की वजह से ठीक है तो ये इवेंट्स एंड कंडीशन है उनको इवेल्यूएट करने के बाद जब इवेंट्स एंड कंडीशन या सिम्टम्स अराइज हों तो क्या हम अप्लाई करते हैं ऑडिट प्रोसीजर बुक में भी है बुक में भी है वही टेलर करके लिख देंगे हाँ एक पैराग्राफ में छोटे से पैराग्राफ में इवेंट और कंडीशन आइडेंटिफाई करें और फिर ऑडिट प्रोसीजर्स लिख दें ठीक है जी चलें जी क्वेश्चन आया जी सर क्या की ऑडिट मैटर एम्फेज मैटर अदर मैटर पैरा में पब्लिक लिस्टेड कंपनी की कोई रिस्ट्रिक्शन होती है या है अच्छा की ऑडिट मैटर्स लिस्टेड कंपनी में आते हैं इसका जवाब यह है एम्फेज ऑफ मैटर एंड अदर मैटर पैरा किसी कंपनी में भी आ सकते हैं ठीक है जवाब यह क्वेश्चन नंबर टू हाउ टू ड्राफ्ट रिपोर्ट एरिया क्वेश्चन प्लीज डिस्कस एंड हाउ टू मेमोराइज ऑडिट रिस्क प्रोसीजर्स अच्छा ये क्वेश्चन के रिपोर्ट को रिपोर्ट के एरिया को ड्राफ्ट कैसे करना है सेवन जीरो फाइव में हमने इसको डिस्कस किया है देखें एग्जामिनर जब रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट्स आपसे पूछता है तो एक टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है कि वो सिंपल जो आसान क्वेश्चन होते हैं वो कहता है इवेल्युएट देशन इवेल्युएट द सिचुएशन एंड सजेस्ट इंपैक्ट ऑन ओपिनियन अब लेट से यह कोई मैटर होगा जिसकी रेकग्निशन या मेजरमेंट अप्रोप्रिएटली नहीं हो रही होगी तो आप इवेल्युएशन में लिखेंगे कि कंपनी शुड हैव रिकॉर्डेड इंपेयरमेंट ड्यू टू दीज रीजन वैल्यू इन यूज हैज बिन डिक्रीज दैट्स वाई कंपनी शुड हैव रिकॉर्डेड इंपेयरमेंट वो सारी इवेल्युएशन करेंगे प्रैक्टिकली फिर आप इंपैक्ट इंपैक्ट में अगर तो ये क्लियर है कि ये सिर्फ मटेरियल है तो आप मटेरियल का ही इंपैक्ट दें यानी आप लिखें कि इफ इस स्टेटमेंट इज मटेरियल देन वी विल इशू क्वालिफाइड ओपिनियन यानी अगर कोई छोटा सा आइटम है तो उसको प्रोवेसिव ना लिखें बेहतर यही होता है लेकिन अगर ये कोई ऐसी स्टेटमेंट है कि आप क्लियरली उसका इंपैक्ट नहीं असेस कर पा रहे तो आप इंपैक्ट दोनों लिख दें आप लिखें इफ इट इज मटीरियल वी विल इशू क्वालिफाइड ओपिनियन इफ इट इज मटीरियल एंड वी विल इशू एडवर्स ओपिनियन दूसरी टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें इवेल्यूएशन भी होती है एग्जामिनर आपसे इवेल्यूएशन पूछता है फिर एग्जामिनर कहता है कोर्स ऑफ एक्शन बताएं यानी कि प्रोसीजर्स बताएं फिर एग्जामिनर कहता है इंपैक्ट भी बताएं अब ये स्टेप कि कोर्स ऑफ एक्शन कहां से आना है ये ऑडिट प्रोसीजर मैंने आपको बता दिए हैं उसकी गाइडलाइंस कि आपके फाइव डिफरेंट एरियाज हैं जहां से कोर्स ऑफ एक्शन आ सकता है स्नेरियो हो गया सर्शन हो गई अकाउंटिंग डेफिनेशन होगी चैप्टर एट नाइन एंड टेन हो गए या रिमेनिंग चैप्टर्स हो गए वहां पे आप ये प्रोसीजर्स लिख के फिर एंड पे बताएंगे कि अगर मैनेजमेंट इनकॉर्पोरेट कर लेती है नो no इम्पैक्ट नहीं करती तो इम्पैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट ऑडिट पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ड्राफ्टिंग ऑफ ईओएम ऑडिट रिपोर्ट पे या बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन तो ये आपको पता है ये हमने 705 में डिस्कस किया था कि बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन ड्राफ्ट करते हुए किन बातों का ख्याल रखना है क्वांटिटेटिव फिगर्स कैसे लेके आनी है और ई ड्राफ्ट करते हुए कौन से तीन पॉइंट्स हैं जो इसमें इंक्लूडेड होने चाहिए आई होप कि ये जी आंसर हो गया होगा अगर आपने लेट ज्वाइन किया है जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है लाइव क्लास में या ये जिसपे भी बैठे हुए हैं फेसबुक पे या यूट्यूब पे तो अगर आपने लेट ज्वाइन किया तो थोड़ा जो फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन है उसको जरा सुनिएगा उसमें हमने रिपोर्ट के क्वेश्चन डिस्कस भी किए थे थक तो नहीं गए जी नहीं थके ना वेरी गुड चले जी अब थोड़ा क्विक कर लेते हैं ठीक है नेक्स्ट ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव मिनट्स में हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं जी हो गया हो जाएगा क्योंकि मेन हमारा जो एरिया था वो यही है आए जी चैप्टर नंबर थ्री में आते हैं और ज़रा देखते हैं कि इसमें हमारा और कौन सा एरिया है जो इम्पॉर्टेंट है रिस्क के अलावा इसमें एक दो और एरियाज़ हैं जी एक आपका एरिया है जी मटीरियालिटी मटीरियालिटी बहुत ही अच्छी लिखी हुई है अगर आप आई की बुक यूज़ कर रहे हैं इसमें देखें स्टेप्स लिखे हुए हैं मटीरियालिटी डिटर्मिन करने के और ये बहुत अच्छे और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्टेप्स हैं पूरी इसमें गाइडेंस है मटीरियलिटी के हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें मैं आपको मटीरियलिटी का एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बता देता हूं कि जिसमें मेरे ख्याल में अगर एग्जामिनर ने अगर इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा तो इस तरह का वो क्वेश्चन पूछ सकता अब वो आपसे मटेरियलिटी की कैलकुलेशन करवा सकता तो ये क्वेश्चन है जिससे मटेरियलिटी की कैलकुलेशन हो रही है ये देखें जी

दर प्रोविजन राइट ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटेजिबल एसेट्स आपको पता है जी मटीरियलिटी डिटर्मिन करने के लिए हमारे पास कुछ बेंच मार्क्स होते हैं बेंच मार्क्स होते हैं अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ कंपनी हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा बेंच मार्क हमने यूज करना है जैसे एक एंटिटी है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है इन्वेस्टर्स उसको उसके शेयर्स ही इस वजह से परचेज करते हैं कि उन्होंने अल्टीमेटली उसमें शेयर्स पे गेन करना है तो हम नॉर्मली उस पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स ले लेते हैं अब देखें जी इस एंटिटी में क्या हुआ कि ड्यूरिंग द ईयर एन इंक्रीज इन एक्सपोर्ट सेल एंड लोकल सेल्स वॉज नोटिस ड्यू टू न्यू एग्रीमेंट विद फॉरन कस्टमर्स एंड सप्लाइज मेड टू गवर्नमेंट फॉर फ्लड इफेक्टेड पीपल सेल्स टू न्यू कस्टमर्स एंड गवर्नमेंट अमाउंट टू 105 जीरो फाइव मिलियन एंड टू ट्वेंटी फाइव मिलियन रिस्पेक्टिवली मार्कअप ऑन सच सेल्स इज फिफ्टीन मटीरियलिटी डिटर्मिन करने के लिए जो भी बेंच मार्क आप ले रहे हो उसको क्या करें नॉर्मलाइज नॉर्मलाइजेशन ऑफ बेंच मार्किंग क्या होती है इसको समझे देखे जो भी बेंच मार्क आप यूज कर रहे हैं ना वो आपकी नॉर्मल एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट करे अगर प्रॉफिट में कोई फ्लक्चुएशन है वन ऑफ आइटम की वजह से तो उस फ्लक्चुएशन को रिमूव करना होता है प्रॉफिट से मटीरियलिटी कैलकुलेट करते हुए उसका फाइव परसेंट लेने से पहले आप उस प्रॉफिट को नॉर्मलाइज करते हैं देखें एंटिटी का नॉर्मल प्रॉफिट है हंड्रेड मिलियन हर साल इसी रेंज में आता है एक साल आपने देखा फाइव हंड्रेड मिलियन हो गया पता यह चला कि एंटिटी ने चार सौ मिलियन की बिल्डिंग्स बिल्डिंग सेल की और उसमें फोर हंड्रेड मिलियन का गेन हुआ अब क्या वो उसका रियल प्रॉफिट है नहीं है मैं अगर फाइव हंड्रेड मिलियन पे उसकी मटीरियलिटी कैलकुलेट करूंगा तो मटीरियलिटी मेरी इंक्रीज हो जाएगी अगर मटीरियलिटी लेवल इंक्रीज हो तो ऑडिट प्रोसीजर्स का लेवल इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है डिक्रीज होता है तो मैं तो कम ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करके आ जाऊंगा राइट right? तो नॉर्मलाइज करना है अब यहां पे जो गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है इट इज वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हर साल तो फ्लड नहीं आता हर साल तो गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलते गेन ऑन सेल ऑफ ऑफिस बिल्डिंग हर साल तो मैं ऑफिस सेल नहीं करता तो इस तरह के मैटर्स आपने प्रॉफिट से रिमूव करने नॉर्मलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है एरिया में कैलकुलेशन की तरफ आ सकता है सो इट वॉज फॉर योर हेड्स अप आप लोग ये नेक्स्ट ये जो अपना अपलोड करूंगा मैं उसमें आप लोग इसको देख लीजिएगा राइट सोल्यूशन भी है जी ये है सोल्यूशन कैलकुलेशन है ये देखें ना गवर्नमेंट की सेल और रिलेटेड कॉस्ट ऑफ सेल और गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग माइनस की हुई ये अपलोड हो जाएगा अभी हो जाएगा इसके फौरन बाद सेशन के बाद मैंने ये सारी एक जगह फोल्डर बना लिया हुआ है लास्ट टाइम फोल्डर नहीं था इसलिए अपलोड नहीं हुआ था तो आज मैं आईटी को हैंडओवर करके जाऊंगा ये कौन सी वर्किंग की है ये जो बोर्ड फाइल इसकी बात कर रहे हैं हाँ ये भी मैं दे दूंगा ये वैसे समझ नहीं आएगी लेकिन दे दूंगा ठीक है चलें जी आगे बढ़ते हैं जी नेक्स्ट मटीरियालिटी होगी अच्छा जी अब आ जाते हैं जी हम जरा स्टडी टेक्स्ट पे और इसमें हम देखते हैं जी चैप्टर फाइव अ क्विक ओवरव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स बहुत ही आसान टॉपिक जी ये वाले एलिमेंट्स जो हैं ये आपको पता होने चाहिए जी एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल कंट्रोल इन्वायरमेंट अगर मैं यही आपको बैठ के सामने रायवन रोड पे ये क्लास करवा रहा हूं तो कुछ समझ आएगी नहीं आएगी तो आपकी अंडरस्टैंडिंग को मैक्सिमाइज करने के लिए आपको इस इन्वायरमेंट में बिठाया हुआ है कि जिसमें टेम्परेचर भी ठीक है आवाज़ भी ठीक है नॉइज भी नहीं है तो इट्स अ कंट्रोल इन्वायरमेंट कभी लाहौर से बाहर जाएं तो आप देखेंगे वेजिटेबल्स लगाई होती है और उनके ऊपर ऐसे एक शीट लगाई होती है दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंट्रोल इन्वायरमेंट कभी किसी लैब में जाएं ऑडिट करने जाएंगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का तो वो जैसे मूवीज में होता है सबसे पहले आपको वाइट सूट पहनाएंगे आपके ऊपर स्प्रे करेंगे फिर आपको लैब में लेके जाएंगे या जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है वहां पे लेके जाएंगे वो एक कंट्रोल इन्वायरमेंट है इसी तरह कंपनीज में भी कंट्रोल इन्वायरमेंट होता है और वो कंट्रोल इम्प इन्वायरमेंट जो है वो एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर पूरा इंटरनल कंट्रोल का स्ट्रक्चर खड़ा होना होता है वो फाउंडेशन देता है प्रोवाइड करता है जैसे उसका एक पॉइंट है कि आप कॉम्पिटेंस को वो करते हैं प्रमोट करते है, आप काबिल लोगों को ऊपर लेके आते हैं राइट कॉम्पिटेंट लोगों को लेके आते हैं ताकि एक स्ट्रांग इन्वायरमेंट हो तो ये देखें जी कंट्रोल इन्वायरमेंट के ये पॉइंट है कि इंटेग्रिटी एथिकल वैल्यूज कॉम्पिटेंस मैनेजमेंट खुद इसमें पार्टिसिपेट करती है ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर इसको फैसिलिटेट करता है आप ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो ये कंट्रोल इन्वायरमेंट होता है जी जैसे आप एसी वाले रूम में बैठ के पढ़ते हैं गर्मियों में बाहर गर्मी में दरख्त के नीचे बैठ के क्यों नहीं पढ़ते क्योंकि यू नीड कंट्रोल इन्वायरमेंट राइट उसके बाद देखें जी आपका कंट्रोल इन्वायरमेंट के बाद एनटीटी इज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स तो जब तक आपको रिस्क का नहीं पता होगा आप रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे देन यू हैव इंफॉर्मेशन सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है जो एंटिटी के हवाले से सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है फाइनेंशियल एंड अदर इंफॉर्मेशन जैसे इसकी आसान एग्जाम्पल दें तो रूम इज योर कंट्रोल इन्वायरमेंट रिस्क इज रिस्क ऑफ फेलियर फॉर यू स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन सिस्टम इज योर बुक अगर ये तीन फैक्टर्स हों पास हो जाएंगे नहीं हो सकते क्या क्या मिसिंग है क्या मिसिंग है पढ़ाई मिसिंग है कंट्रोल एक्टिविटीज इज पढ़ाई कंट्रोल एक्टिविटीज इज बेसिकली बेसिकली एक्चुअल कंट्रोल्स एक्चुअल इंटरनल कंट्रोल्स ये जितने इंटरनल कंट्रोल्स आप पढ़ते हैं वो कंट्रोल एक्टिविटीज है आप कहते हैं सेल्स ऑर्डर बनता है सेल से पहले परचेज से पहले परचेज ऑर्डर बनता है परचेज रेकोजिशन बनती है जीआरएन बनती है ये सारी कंट्रोल एक्टिविटीज है आईटी कंट्रोल्स में आप कहते हैं पासवर्ड एंटर करना होता है राइट right? लॉग्स हो रहे होते हैं ये सारी कंट्रोल एक्टिविटीज है ओके okay? तो ये कंट्रोल एक्टिविटीज एंड देन मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स। तो ये आपको कॉन्सेप्टी ये बातें पता हूं इनके अंदर ये जो सब पॉइंट्स हैं ये आपको पता हूं राइट टेस्ट ऑफ कंट्रोल जो है वो इजी सा चैप्टर है जी उसको आप सेल और परचेज को जरा इस दफा देख लीजिएगा मैं कुछ क्वेश्चन अपलोड करूँगा जो आपको पेरोल और परचेज की प्रैक्टिस करवाएंगे आए जी मैं आपको ये क्वेश्चन जरा दिखा देता हूँ ये आ, स, आ, खुद डिवेलप किए हुए क्वेश्चन कहाँ गए जी ये अच्छा एक तो क्वेश्चन ये है ये दो एक क्वेश्चन है कि दो है टू क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हैं जी आई टी कंट्रोल्स के ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ ये आपने रीड करना है राइट right? अच्छा ये आप लोग ना मेरा व्हाट्सएप नंबर भी नोट कर लें अगर आप लोगों को कोई हेल्प चाहिए यू कैन कॉन्टैक्ट मी दिस व्हाट्सएप नंबर आप मुझे सिर्फ वॉइस नोट मैसेज जो भी है भेज देना है ठीक है फाइव थ्री सिक्स एट फोर डबल सिक्स फाइव थ्री तो ये आ, मेरा रिस्पॉन्स रेट बहुत अच्छा है ऐसा नहीं होगा कि मैं ऑनलाइन बैठाऊँगा मैसेज करेंगे जवाब आ जाएगा थोड़ा सा टाइम ज़रूर देना है रिमाइंडर नहीं सेट करना सेंड कुछ टाइम के बाद करना डॉट नहीं बना के सेंड करने ठीक है स्माइलीज नहीं सेंड करनी ये ज़रा ख्याल रखना है क्योंकि मेरे पास वैसे ही अनरीड मैसेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो फिर ज़रा फर्स्ट इन फर्स्ट की आ, 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 आउट की बेसिस पे मैं इसको कर रहा होता हूँ तो लेकिन कोई हेल्प चाहिए क्वेश्चन के हवाले से आपके एग्ज़ाम के हवाले से तो ये मैं अवेलेबल हूँ अच्छा इसमें देखें जी ये क्वेश्चन वन कि आपने कौन से आई टी कंट्रोल इस्टेब्लिश करने ये रीड कीजिएगा और क्वेश्चन टू अगेन आई टी कंट्रोल्स ये दो क्वेश्चन आप कर लेंगे आपका आई टी कंट्रोल इसी में से ही टेस्ट होता है और ये पास्ट पेपर्स से डिफरेंट है एक पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस और एक ये आप कर लेंगे तो आपका आईटी कंट्रोल का एरिया स्ट्रांग हो जाएगा दूसरा मैं आपको प्रैक्टिस दे के लिए दे रहा हूँ चैप्टर नंबर सिक्स के दो क्वेश्चंस एक है आपका पेरोल क्योंकि पेरोल सिस्टम पे आपके पास प्रैक्टिस नहीं है तो ये मेरा डेवलप किया हुआ क्वेश्चन है इसको आपने जरूर करना है ये एक पेरोल सिस्टम है और इस पेरोल सिस्टम में जो कंट्रोल डेफिशंसीज और उसके बाद है टेस्ट ऑफ कंट्रोल ये भी आपने करना है प्लीज जरूर कीजिएगा पेरोल का और दूसरा आपने करना है परचेज का दिस इज परचेज सिस्टम ये इसमें एक फ्रॉड हो रहा है फ्रॉड का स्नैरियो है आइडेंटिफाई कंट्रोल वीकनेस इन सिस्टम इनेबल दर्पिट्रेशन ऑफ फ्रॉड तो ये भी मैं अपलोड करवा दूंगा क्लियर चलें जी अब आप लोगों का दिल ये चाह रहा है कि मैं कहूं अल्लाह हाफिज ऐसे ही अच्छा चलें। चैप्टर इलेवन रिलेटेड पार्टीज। जी रिलेटेड पार्टीज मैं आपको यहां से दिखा देता हूं चैप्टर इलेवन हाँ हा खुद से बना सकते हैं खुद से ही बनाना है मतलब उसमें जो स्नैरियो होता है ना उसके अंदर ही उसकी वीकनेस हिडन होती है और उससे रिलेटेड फिर आपने अप्रोप्रिएट कंट्रोल बताना होता है लेट्स से वहाँ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं है एक ही पर्सन है जो इसके पास इन्वेंट्री का कंट्रोल है वो ही परचेज ऑर्डर बनाता है और वही गुड्स रिसीव करता है तो लैक ऑफ सेग्रीगेशन है तो आप यहाँ से कंट्रोल आइडेंटिफाई करेंगे और फिर वीकनेस आइडेंटिफाई करेंगे और कंट्रोल बताएंगे कि जी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज यहाँ पर इंप्लीमेंट करें परचेज इन्वेंट्री uh, की कस्टडी और परचेज करने के राइट्स जो हैं वो दो डिफरेंट लोगों के पास होने चाहिए ठीक है परचेज डिपार्टमेंट शुड बी सेपरेट फ्रॉम इन्वेंट्री डिपार्टमेंट वो कंट्रोल होगा लैक ऑफ सेग्रीगेशन वीकनेस होगी ठीक है जी क्लियर चलें जी आए जी रिलेटेड पार्टीज को थोड़ा सा देख लें जी रिलेटेड पार्टीज देखें आपकी रिलेटेड पार्टीज में प्रॉब्लम क्या होता है कि एक जनरल परसेप्शन uh, या एक असेसमेंट यह होती है असम्शन यह होती है कि रिलेटेड पार्टी की ट्रांजेक्शन मार्केट टर्म्स पे नहीं हो रही होती राइट मार्केट टर्म्स पे और एज पर रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स इसकी क्या होती है जी डिस्क्लोजर होता है रिलेटेड पार्टीज अच्छा इसको छोड़ दें जी यहां से आगे चलते हैं अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड पार्टीज रिलेशनशिप एंड ट्रांज़ेक्शन तो आपने रिलेशनशिप और ट्रांज़ेक्शन को अंडरस्टैंड करना होता है देखना होता है कि इसमें क्या रिस्क है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी बुक में प्रोसीजर्स हैं वो देख लीजिएगा उसके बाद आपने अलर्ट रहना होता है वैन रिव्यूइंग अदर रिकॉर्ड्स के उनमें कोई रिलेटेड पार्टीज से के हवाले से तो कोई आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही मैं आपको बुक से ही टैली करा देता हूँ वहाँ से ज़्यादा आसान है फ्लो चार्ट को रहने दें ये देखें जी ये आपका रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है जो रिलेटेड पार्टी के हवाले से आपको कहता है कि आपने थ्री इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है नेम ऑफ रिलेटेड पार्टी नेचर ऑफ रिलेशनशिप एंड एंड ट्रांजेक्शन अगर किसी रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन नहीं हुई उसको डिस्क्लोज करने की जरूरत है यस यस ठीक है जी चलें जी रिलेटेड पार्टीज में हायर रिस्क ऑफ मटीरियल में स्टेटमेंट क्यों होता है उसकी ये रीजन्स हैं जी ये कॉम्प्लेक्स होती हैं इनको इंफॉर्मेशन सिस्टम नॉर्मली आइडेंटिफाई नहीं कर पाता और इनकी ट्रांजेक्शन मार्केट टर्म्स पे नहीं होती ठीक है जी उसके बाद आ जाए जी नेक्स्ट डेफिनेशन ये खुद रीड कीजिएगा ऑब्जेक्टिव क्या है ये दो ऑब्जेक्टिव होते हैं आपके रिलेटेड पार्टी में कि आपने अंडरस्टैंडिंग लेनी है और ऑडिट एविडेंस लेना है अंडरस्टैंडिंग के लिए आपने इंक्वायरीज करनी है उसके अलावा जी आपने रिलेटेड पार्टी की इन्फॉर्मेशन बाकी टीम मेंबर्स के साथ शेयर करनी है उसकी ये पॉइंट्स हैं तो अगर आपके पास बुक है तो आप साथ साथ देखते जाएं अगर कहीं पे आपने कुछ मार्क किया हुआ है तो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं अब एग्जामिनर ने या बुक राइटर ने यहाँ पे क्या किया है कि उसने बड़ा अच्छा एक आपका सा बना दिया उसने कहा है जी अगर रिलेटेड पार्टी रिस्क ये है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में नॉट बी प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर अर डिसक्लोज तो इस रिस्क का रिस्पॉन्स हम कैसे देंगे यानी ऑडिट प्रोसीजर्स क्या अप्लाई करेंगे ठीक है तो ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होंगे कि आप क्या करें कंफर्मिंग और डिस्कसिंग स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन कंफर्मिंग स्पेसिफिक टर्म्स ऑफ द अमाउंट्स और देखें रीडिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल इससे आपको पता चलेगा कि सारी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन जो है वो डिस्कलोज हैं या नहीं है अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है तो उसके लिए आप सबसे पहले इंस्पेक्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की बिजनेस रेशनल देखते हैं यानी अगर इन्होंने लैंड सेल की है बिल्डिंग सेल की है प्लांट सेल सेल की है तो उसके अंदर बिजनेस रेशनल क्या है क्या इनको वाकई सेल करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था राइट right? क्या ये टर्म्स कंसिस्टेंट हैं इनकी सेल करने की अप्रोप्रिएटली अकाउंट फॉर हुआ है कि नहीं हुई ये सेल इसके बाद जी नेक्स्ट है आपकी

जैसे बैंक और लीगल कन्फर्मेशन को देखते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग थर्ड पार्टी कन्फर्मेशन इनकम टैक्स रेगुलेटरी अथॉरिटीज के जो रिटर्न होते हैं उनको देख लेते हैं एंड लास्ट पॉइंट इसमें मैं जो आपको बताऊंगा जो एग्जामिनर का फेवरेट है वो ये है आज इसको एक दफा देख लें जी ये एग्जामिनर ने दो तीन दफा पूछा है और ये दोबारा भी पूछ सकता है कि अगर ऐसी रिलेटेड पार्टी जो पहले से डिस्क्लोज ना हो किसने डिस्क्लोज करनी होती है रिलेटेड पार्टी मैनेजमेंट ने अगर उन्होंने पहले से डिस्क्लोज ना की हो और आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो आपने क्या करना है ये है जी इसको ज़रा रीड कर लें जी नहीं नहीं ऐसा नहीं है देखिए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट अगर आपने कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एरर कोई मिस्टेटमेंट आइडेंटिफाई की उसका कोर्स ऑफ एक्शन यही होता है कि आप मैनेजमेंट को कहते ठीक कर ले अगर उन्होंने ठीक कर ली ये अमेंडमेंट नहीं है अमेंडमेंट का कॉन्सेप्ट आता है जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट हो चुकी हूं इशू हो चुकी हूं तब अमेंडमेंट का आता है यानी आपने ऑडिट रिपोर्ट उस पर दे दी हो उसके बाद अगर कोई चीज आप ठीक करवाते हैं वो अमेंडमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है जी आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस भी होता है और डोमिनेंट भी होता है साथ में हाँ जब वो क्लेम कर रहे हो देखिए इसमें आपको ये क्लैरिटी सबसे पहले लानी होगी कि सिनेरियो कौन सा है दो तीन इकट्ठे नहीं आएंगे चांसेस यही है दो मैक्सिमम वो कंबाइन कर सकता है जैसे वो एक ऐसी ट्रांजैक्शन बना सकता है जो आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है देखिए इसमें ना एक लेडर बनती है रिस्क लेडर ये देखिए मैं आपको बना के देता हूं रिस्क लेडर ये हायर रिस्क है ये है सिर्फ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन आरपीटी इसका रिस्क यहां कहीं है उसके बाद है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस उसके बाद है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन आउटसाइड भी है एंड डोमिनेंट भी है उसके ऊपर कहीं जाके आती है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स डोमिनेंट भी हो सकती है और साथ में अनडिसक्लोज भी हो सकती है कि इन्होंने हमें ये वाली रिलेटेड पार्टी पहले बताई नहीं थी कि ये रिलेटेड पार्टी है ये तो हमें पता चला कि ये रिलेटेड पार्टी है तो ये थोड़ी सी इसकी रिस्क लैडर होती है रिस्क बढ़ता जाता है जब यह फैक्टर्स कंबाइन होते जाते हैं जो आपका क्वेश्चन है ना इसमें आपने अपना कॉन्सेप्ट यह स्ट्रॉन्ग करना है कि वट इज आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन वो आपको पता होना चाहिए क्लैरिटी या ये ऐसा स्नेरियो है कि प्रीवियसली ये रिलेटेड पार्टी हमें डिस्क्लोज नहीं की गई थी या ये ऐसा स्नैरियो है कि मैनेजमेंट ये क्लेम कर रही है कि हमारी ट्रांजेक्शन मार्केट टर्म्स पे हैं ये क्लैरिटी होनी चाहिए और ये क्लैरिटी आपको कैसे आएगी ये इस साइड ऑफ टेबल से आएगी लेफ्ट साइड ऑफ टेबल से ठीक है ये देखें जैसे आगे ये आ गया आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस अब ये है इवेल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग एंड डिस्कलोजर ऑफ आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शन यहां पर आएगा जी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनेजमेंट यह क्लेम करती है तो इस क्लेम को वेरीफाई करने के लिए आपको यह प्रोसीजर्स अप्लाई करने पड़ते हैं तो फर्स्ट यू नीड टू स्टेब्लिश व्हाट इज योर स्टार्टिंग पॉइंट इश्यू क्या डिस्कस हो रहा है इसलिए यह स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए अंडरलाइंग इशू क्या है रिलेटेड पार्टी में ये पांच से छह इश्यूज़ हैं जो पहले बड़े हिडन होते थे हाइड होते थे अब एग्जामिनर ने इनको अलग अलग, अलग लिख दिया या बुक राइटर ने अलग अलग, अलग लिख दिया है जिससे आपको बड़ा बेनिफिट हो जाता है इसका यानी आप कह रहे हैं ये एक ऐसी रिलेटेड पार्टी थी जो प्रीवियसली अनडिसक्लोज थी ठीक है जब ऐसी रिलेटेड पार्टी आपके सामने आएगी तो आप ये वाले प्रोसीजर्स तो मेनली लिखेंगे लेकिन उस रिलेटेड पार्टी की जो ट्रांजैक्शन है उसको भी वेरीफाई करने के लिए प्रोसीजर्स अप्लाई करेंगे नॉर्मली वो ट्रांजैक्शन क्वेश्चन में नहीं होती कि क्या ट्रांजैक्शन है उसके क्योंकि वो तो फिर क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा ना ठीक तो है तो मेनली यही प्रोसीजर्स होते हैं ठीक है जी चले जी थोड़ा सा रिकेप कर लेते हैं कि हमारे टॉपिक्स हमने कौन से कवर कर लिए चैप्टर वन चैप्टर टू एक्सेप्ट क्वालिटी चैप्टर थ्री ऑलमोस्ट कंप्लीट सिर्फ फ्रॉड नहीं किया फ्रॉड आपको पता है इतनी दफ़ा टेस्ट हुआ है और आप लोगों ने इतनी दफ़ा पढ़ा है कि उसमें अब आप आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है लेकिन फ्रॉड में मेरा जो आप आप लोगों के लिए मेरी जो एडवाइस है वो ये है कि उसके जो टेबल्स हैं उनको बड़े अच्छे से रीड करना है फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स एंड सरकम लीडिंग टू फ्रॉड ठीक है जो भी आप बुक यूज कर रहे हैं एक दफा आई कैप की बुक से जाके वो टेबल जरूर रीड कीजिएगा जिसमें लिखा होता है कि जी अगर ये सरकम होंगे तो ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर है ठीक है इसके बाद हम आ जाते हैं जी चैप्टर फोर पे चैप्टर फोर जो है उसमें एक मेजर टॉपिक है सैंपलिंग सैंपलिंग टेस्ट होती है इन्वेंट्री या सबस्टेंटिव प्रोसीजर्स के साथ आपके कन्फर्मेशन के साथ सैम्पलिंग टेस्ट होती है तो थोड़ा सा हमने वहाँ पे देखा था जब हमने कंफर्मेशन का क्वेश्चन देखा था कि वो सैम्पलिंग कर रहे होते हैं स्टार्टअप्स बना रहे होते हैं फिर प्रोजेक्शन कर रहे होते हैं ऑफ इंटायर ऑफ मिस्टेटमेंट टू इंटायर पॉपुलेशन फाइव सिक्स थोड़ा सा स्पीडली हमने डिस्कस किया लेकिन उसको टच किया है उसके बाद सेवन में कुछ नहीं है एनालिटिकल प्रोसीजर्स हैं मेनली एनालिटिकल प्रोसीजर्स मैंने आपको रिस्क के साथ करवा दिए हैं एट जो है वो आपके सब्सटेंटि प्रोसीजर्स हैं सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रीड करेंगे समझ आ जाएंगे नहीं कोई इशू इशू कोई आता है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर नाइन डिटेल में कवर हो गया टेन अगेन सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स हैं और रीड करने हैं आपने रीड एंड मेमोराइज उसके बाद ये अलेवन अलेवन में दो टॉपिक्स हैं अलेवन हो गया ट्वेल्व में दो टॉपिक्स हैं ऑडिट इंटरनल ऑडिट एंड एक्सपर्ट सो इंटरनल ऑडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप लोगों को इंटरनल ऑडिट में यानी इन दोनों में अगर मैं कंपेयर करूं तो एज़ कम्पेयर टू एक्सपर्ट इंटरनल ऑडिट की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इंटरनल ऑडिट के हवाले से अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं देखिए इंटरनल ऑडिट में ब्रॉडली हम दो तरह से एक्सटर्नल ऑडिटर्स उनको यूज़ कर सकते हैं नंबर वन ये है कि हम उनका वर्क यूज़ कर लें नंबर टू ये है कि डायरेक्ट असिस्टेंस ले लें वर्क यूज़ करने से पहले हमें इंटरनल ऑडिट के फंक्शन को इवेल्यूएट करना होता है कि ये फंक्शन ठीक है इसमें क्वालिफाइड लोग हैं उनकी मैथडोलॉजी अप्रोप्रिएट है उनकी इंडिपेंडेंस इंश्योर है कि नहीं देखें एक्सटर्नल ऑडिटर की इंडिपेंडेंस कैसे इंश्योर होती है उनको कौन अपॉइंट करता है शेयर होल्डर इंटरनल ऑडिटर किसको रिपोर्ट करता है ऑडिट कमेटी को तो इंटरनल ऑडिटर की इंडिपेंडेंस इंटैक्ट रहती है अगर वो ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करे अगर वो सीईओ को रिपोर्ट करेगा इंडिपेंडेंस का लेवल कम हो जाएगा अगर वो सीएफओ को रिपोर्ट करेगा तो फिर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा इंडिपेंडेंस होगी नहीं तो हम पहले इंटरनल ऑडिट के फंक्शन को देखते हैं कि ये फंक्शन ठीक है कि नहीं उसके काम पे जाने से पहले उसके वर्क को यूज करने से पहले वी सी इंटरनल ऑडिट या वी ऑडिटेल इंटरनल फंक्शन देन वी यूज वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट अब वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट यूज करने से पहले भी उनके काम को इवेल्यूएट करते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है उस काम में वो क्वालिटी है कि हम इसको यूज कर सकें राइट right? और कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं जहां पे हम वर्क यूज कर सकते हैं जैसे हायर रिस्क जजमेंटल मैटर्स उनमें हम उनका वर्क यूज नहीं कर सकते इसी तरह डायरेक्ट असिस्टेंस में क्या होता है आप पहले से एग्री कर लेते हैं एडवांस एग्रीमेंट कर लेते हैं कि जी हमने आपके पांच लोग हैं इनमें से तीन लोगों को हमने इंगेज करना है इंटरनल ऑडिट के लेकिन इंगेज करने के लिए भी कुछ पॉइंट्स हैं कि आप उनको कैसे डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू करेंगे किन एरियाज में उनको इंगेज करेंगे यह भी आपको पता होना चाहिए ठीक है जी एक्सपर्ट को इतना इंपॉर्टेंट या इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है वो आप रीड कर लेंगे चैप्टर थर्टीन पूरा कवर हो गया चैप्टर फोर्टीन पूरा कवर हो गया फिफ्टीन अगर उसने पूछा तो फिफ्टीन में दो पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं लिख लें बेशक टाइप्स ऑफ इंक्वायरीज लिखी हुई हैं क्या क्या इंक्वायरीज जो हैं वो ऑडिटर सॉरी रिव्यूअर प्लेस कर सकता है ये देखें रिव्यू में रिव्यू एंगेजमेंट में टाइप्स ऑफ इंक्वायरीज ये ये इंपॉर्टेंट है इस पे नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है तो ये सारी इंक्वायरीज आपको पता होनी चाहिए याद करनी है एंड टाइप्स ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस ये हिडन है देखें कौन कौन सी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेगा रिव्यूअर uh, या प्रैक्टिशनर फ्रॉम फ्रॉम मैनेजमेंट रिलेटेड पार्टीज रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन फ्रॉड्स नॉन कंप्लायंस गोइंग कंसर्न सब्सिक्वेंट इवेंट्स मटीरियल कमिटमेंट्स मटीरियल नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन तो ये सात आठ पॉइंट्स हैं इस पर फोर फाइव मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है तो ये आपको पता होना चाहिए बाकी रिपोर्ट की ड्राफ्टिंग मुश्किल है कि वो आपसे करवाए इंपैक्ट ऑन कंक्लूजन यहां पे सेम है जैसे इंपैक्ट ऑन ओपिनियन होता है यानी अगर मटेरियल में स्टेटमेंट होगी क्वालिफाइड कंक्लूजन मटेरियल एंड प्रवेसिव होगी एडवर्स कंक्लूजन डिस्क्लेमर ऑफ कंक्लूजन सेम पॉइंट्स ठीक है जी चलें जी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन और आ, आ, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप लोगों की डायरेक्शन और जो आपकी प्रिपरेशन है उसको ज़रा एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक अलाइन किया जा सके बाकी अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन होगा कोई क्वेरी होगी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ये सारा मटेरियल जो है वो अपलोड हो जाएगा एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बियॉन्ड और ये सोचना है कि एग्जाम के अंदर बैठ के किसी ने हार नहीं माननी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जितने लोगों ने मेरा नंबर सेव किया है रिजल्ट वाले दिन मुझे मैसेज ज़रूर आएगा कि जी हमने ऑडिट पास किया है और साथ में यह भी लिखा होगा कि हम सेशन में भी थे चले मुझे ज़रा खुशी हो जाएगी कि थोड़ा सा कोई फाइव सिक्स परसेंट मेरा कंट्रीब्यूशन भी बीच में है ठीक है तो ये आप लोगों ने अच्छे से इसकी तैयारी करनी है और जल्दी से फाइनल में आए क्योंकि फाइनल में आके फिर इनशाला जरा मंजिल करीब नजर आना शुरू हो जाती है ठीक है जी थैंक यू सो मच टेक केयर अल्लाह हाफि डे स्टूडेंट्स Today we have completed the exam focused revision session of caf 8 audit and assurance there is no doubt sir has delivered the course at utmost level he has not only revised the syllabus but also made it simple to understand it is evident that sir has given his best in a short period of time please give him a big round of applause In the end, sir, we have a certificate and shield as a token of appreciation for you. Your students will be having uh, next session on caf3 cost and management accounting by mr zaid hamid shah from islamabad on friday 10th february 10am to 4.30pm till then take care and allah hafiz